हेलो गाइस वेलकम टू माय चैनल तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म के ऊपर बातचीत करने वाले उसका नाम है सायरन सायरन 2024 की एक तमिल फिल्म है इस फिल्म का तमिल तेलुगु कन्नडा मलयालम और हिंदी ये सभी जो वर्जनस है वो कैसे कहाँ पे आपको ऑफिशियली देखने को मिलेंगे उसके ऊपर हम बातचीत करेंगे इसके अलावा इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन फिल्मिंग के ऊपर एक डिटेलिंग मिलने वाली है फिल्म का एक डिटेल रिव्यू किया जाएगा जहाँ पे मैं इस फिल्म की कहानी के ऊपर एक चर्चा एक्सप्लेनेशन एनालिसिस करके देने वाला हूँ फिल्म की स्टार का सपोर्टिंग कास्ट की परफॉर्मेंसिस के बारे में बातचीत करेंगे म्यूजिक डिपार्टमेंट टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर भी एक जानकारी मिलने वाली है फिल्म से जुड़े जो अलग अलग फैक्ट्स है वो भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है अंत तक ज़रूर बने रहिएगा तो आज का हमारे वीडियो स्टार्ट करते हैं सायरन जिसको साइरन 108 नाम से भी मार्केट करके रिलीज़ किया गया था ये एक 2024 की इंडियन तमिल लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म थी फिल्म को थिएट्रिकली सिर्फ तमिल वर्जन में रिलीज़ किया हुआ था जहां पे इस फिल्म का स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग डायरेक्शन सभी चीज़ें एंटनी भाग्यराज ने की हुई है इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ सुजाता विजय कुमार ने जिन्होंने इस फिल्म को होम मूवी मेकर्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे एक डिजाइन बजट में बनाया हुआ था रेड जाइंट मूवीज के द्वारा इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था तमिल वर्जन में फिल्म की कास्ट में आपको जयाम रवि और कीर्ति सुरेश देखने को मिलेंगे टेक्निकल टीम में सिनेमाटोग्राफी है वो सिलवा कुमार एस्की ने की हुई है एडिटिंग रूपेन ने की हुई थी जहाँ पे इस फिल्म को एक क्रिस्प रन टाइम दिया हुआ है ये फिल्म करीबन दो घंटे चौंतीस मिनट के रन टाइम के साथ सेंसर करवाई गई थी इसके अलावा म्यूजिक डिपार्टमेंट में सॉन्ग्स जीवी प्रकाश कुमार ने कंपोज किए हुए बैकग्राउंड स्कोर है वो सेम सी एस ने कंपोज़ किया हुआ है म्यूज़िक के राइट्स है वो सोनी म्यूजिक वालों ने अच्छी खासी प्राइस में खरीदे हुए फिल्म में टोटल चार ट्रैक थे जिसके लेंथ ही चौदह मिनट बावन सेकंड इन गानों को दो हज़ार बाईस तेईस में रिकॉर्ड किया हुआ था कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो जया राम जयाम रवि आपको इस फिल्म में लीड रोल में देखने को मिलेंगे जिन्होंने तिलंगा वर्मन यानी कि तिलागन का रोल प्ले किया हुआ है कीर्ति सुरेश ने इस फिल्म में इंस्पेक्टर के नंदिनी का रोल प्ले किया हुआ है अनुपमा परमेश्वर ने इस फिल्म में तिलागन की वाइफ का रोल यानी कि जेनिफर का रोल प्ले करती हुए नजर आएगी समुथी रखा ने इस फिल्म में डी एस नागले सॉरी ना, नगलिंगम आईपीएस का रोल प्ले किया हुआ है योगी बाबू को वेलंकन्नी का रोल दिया गया था इंसान अशरफ ने सपोर्टिंग रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे अला गम पे ने इस फिल्म में मनिकत्था गम अनाची का रोल प्ले किया हुआ है अजय आपको अनबू यानी कि अनबाला गन का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे सुरेंद्र के पी वाई ने इस फिल्म में विकी यानी कि वरन का रोल प्ले किया हुआ का है तुलसी इस फिल्म में थिलागन की माँ का रोल प्ले करते हुए नजर आएगी चंद चंदनी चांदनी तमिला रसन को इस फिल्म में कामाक्षी का रोल दिया गया है जो तिलानगन की सिस्टर का रोल है युविना या युविना पार्थवी को इस फिल्म में मलर का रोल मिला हुआ है जो थिलागन की डॉटर का रोल था इसके अलावा माधन कुमार दक दक्षिणा मूर्ति इस फिल्म में ऐसा मूर्ति का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे मुत्तू कुमार इस फिल्म में काली मुत्तु का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे इंदुमती मणिकंदन का जो रोल था जो वो रोल उन्होंने उन्होंने इस फिल्म में विकी की, की, की माँ का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म में आपको के पी विनोद देखने को मिलेंगे जिन्होंने इस फिल्म में जेक का रोल प्ले किया हुआ है पांड्यन इस फिल्म में नांदेसन एन एक पैथोलॉजिस्ट का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे तिरुक्क कारुसू ने इस फिल्म में जेलर का रोल प्ले किया हुआ है लालू ने इस फिल्म में मणिकंदन का रोल प्ले किया हुआ है प्रार्थना नाथन ने इस फिल्म में मणिकंदन के वाइफ का रोल प्ले किया है विघनेश सनमुगन ने कातिर का रोल प्ले किया है अभिषेक विनोद ने इस फिल्म में मणिकंदम के बेटे का रोल प्ले किया है उदय महेश ने इस फिल्म में इंटरप्रेटर का रोल प्ले किया है प्रियादर्शी राजकुमार इस फिल्म में जज के रोल में पास्ट का जो एपिसोड था उसमें देखने को मिलते हैं टी एस आर श्रीनिवासन ने इस फिल्म में मैजिस्ट्रेट का रोल प्ले किया हुआ है सुजाता बाबू ने नंदनी की माँ का रोल प्ले किया हुआ है तो ये फिल्म के लीड प्रोमिनेंट कास्ट थी जिन्होंने इसमें महत्वपूर्ण रोल प्ले किए हुए हैं प्रोडक्शन की ओर बढ़ते डेवलपमेंट की शुरुआत अर्ली अप्रैल 2021 से करवा दी गई थी जहाँ पर कुछ रिपोर्ट्स आए थे कि एंटनी भाग्यराज जो इस फिल्म के डरेक्टर है जिन्होंने को राइट की हुई थी विश्वासम दो की फिल्म को तो वो एक स्क्रिप्ट तैयार कर रहे थे उन्होंने वो स्क्रिप्ट जयाराम को सुनाई जयाराम उस स्क्रिप्ट से काफ़ी इंप्रेस हुए थे लेटर ऑन जयाराम ने इस फिल्म को करने के लिए एग्री कर लिया उसके बाद में इस फिल्म का फंड किया होम मूवी मेकर्स वालों ने यानी कि वो इस फिल्म के प्रोड्यूसर बने 29 अगस्त 2022 को होम मूवी मेकर्स के द्वारा पब्लिकली अनाउंस करवाया गया कि एक प्रोजेक्ट आ रहा है जहां पे एंटनी भाग्यराज और जयाम रवि के बीच में प्रोजेक्ट होने वाला है फिल्म का ऑफिशियल टाइटल लेटर ऑन साइरन नाम से अनाउंस किया गया है जीवी प्रकाश कुमार को इस फिल्म में म्यूजिक कंपोजर के लिए लिया गया था उसके अलावा सिलवा कुमार एस्के को सिनेमेटोग्राफी हैंडल करने के लिए अप्रोच किया गया रुबेन को इस फिल्म की एडिटिंग का कमान संभालने के लिए दिया गया था वहीं पे इस फिल्म की जो पूजा सेरेमनी थी वो अर्ली सितंबर में रखी हुई थी जहां पे उसी महीने में इस फिल्म की शूटिंग भी स्टार्ट करवा दी गई थी साथ ही में इस फिल्म के नवंबर महीने तक काफ़ी सारी शूटिंग कंप्लीट हो चुकी थी समूति रखा योगी बाबू का पार्ट भी इसमें अनाउंस किया गया था कि वो इस फिल्म के भी इम्पोर्टेंट पात्र होने वाले प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी पाँच सेप्टेम्बर दो को स्टार्ट करवा गई करवा दी गई थी पहला शेड्यूल चेन्नई में रखा हुआ था उस शेड्यूल को अर्ली नवंबर तक कम्प्लीट करवाया हुआ था सेकंड शेड्यूल था वो दस नवंबर से करईकूदी में स्टार्ट किया हुआ था और अर्ली अप्रैल 2023 तक उसको भी पूरी तरह से कंप्लीट करवाया इस फिल्म का थर्ड शेड्यूल को कार्यकाल में शूट किया हुआ था और उस शेड्यूल में एक गाना भी फीचर करवाया था जहाँ पर जयम रवि और अनुपमा परमेश्वर के बीच में वो गाना फिल्माया गया था और उस फिल्म को भी उस गाने के साथ फिल्म के पेचवर्क को भी अप्रैल महीने तक मिड अप्रैल तक पूरी तरह से रेप अप करवाया तो इस तरह से शूटिंग पोर्सन कंप्लीट किया गया था उसके बाद में म्यूजिक डबिंग मिक्सिंग मास्टरिंग एडिटिंग ऐसे पोस्ट प्रोडक्शन के काम में पूरा टाइम दिया गया और फिल्म को रिलीज के लिए तैयार किया हुआ था जहाँ पे सेंसर बोर्ड की तरफ से यूए सर्टिफिकेट मिला हुआ है म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो जीवी प्रकाश कुमार

सॉन्ग था वो सभी चीज़ें उन्होंने ही कंपोज की थी वैसे लेटर ऑन रिवील किया गया कि सेम सीएस सी एस ने इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर कंपोज किया हुआ है इसके अलावा 29 जनवरी 2024 तक सभी साउंड ट्रैक को रिलीज करवा दिया गया था अब इसके ऊपर प्रॉपर बातचीत करें तो नेत्रवराई जो गाना है उसको तमयरा तम ने लिखा हुआ था जहाँ पे सिद्ध श्री राम ने उसको गाया हुआ था कन्नामा गाने को पा विजय ने लिखा था हरिचरण ने उसको गाया हुआ था आदि आती ने इस फिल्म का ये गाना है उसको मुरुगन मांती राम ने लिखा हुआ था एंतनी दासन और सिंदूरी विशाल ने गाया हुआ था आज्ञा ओडान जूकर के जो गाना था उसको स्नेहन ने लिखा हुआ था हरीश शिव का शिव रामा कृष्णन ने उसको गाया हुआ था तो ये टोटल चार ट्रैक थे जिसकी लेंथ थी चौदह मिनट बावन सेकंड ये सभी गाने अगर आपको फिलहाल में ऑफिशियली सुनने हैं तो सुन सकते हो टी सी सॉरी सोनी म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर तमिल वर्जन में तो ये चारों गाने वहाँ पे सुनने को मिल जाएंगे वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में वो भी फ्री में अब रिलीज़ के और बढ़ते वैसे सायरन फिल्म को इनिशियली दिसंबर 2023 को थिएट्रिकली रिलीज़ करवाने वाले थे लेकिन पोस्ट प्रोडक्शन का काम काफ़ी ज़्यादा अनफिनिश्ड था जिसके चलते इसको पोस्टपोन किया गया और इसी रीजंस के चलते इस फिल्म को 16 फरवरी 2024 को थिएटर में प्रीमियर करवाया गया रिलीज़ करवाया गया जहाँ पे सिर्फ तमिल वर्जन रिलीज था रेड जैंट मूवीज़ के द्वारा रिलीज़ दिलवाई गई थी फिल्म ने एक अच्छी खासी रिलीज़ ली हुई थी जहाँ पे इस फिल्म को मिक्स वर्ड ऑफ माउथ मिला ऑडियंस की तरफ से पॉजिटिव साइड ऑफ वर्ड ऑफ माउथ था वहीं पे जो क्रिटिक्स थे उसकी तरफ से एक मिक्स वर्ड ऑफ माउथ था तो ये मिक्स्ड टू पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ के चलते आई एम डी ए इस फिल्म ने करीबन 1300 से 1400 वोट हासिल किए जिसमें सात पॉइंट तीन की रेटिंग हासिल हुई दस में से और इस रेटिंग के साथ फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे धीरे धीरे कलेक्शन करके दिखाया जहाँ पे साइरन फिल्म का जो ऑफ माउथ था वो मिक्स था जिसके चलते इस फिल्म ने पिकअप थोड़ा लेट लिया हुआ था वैसे पहले तीन दिन का कलेक्शन था वो डेफिनेटली जो जयम रवि का स्टार्डम है उस हिसाब से थोड़ा कलेक्शन ज़्यादा आया हुआ था उसके बाद में डे बाई डे फिल्म के कलेक्शन में थोड़े बहुत चेंजेस देखने को मिले और पूरी तरह से इस फिल्म का करीबन बजट बताया गया था तीस करोड़ तो उस तीस करोड़ के बजट के सामने इस फिल्म ने उतना कुछ खास इंडिया में नेट कलेक्शन नहीं किया था लेकिन थिएट्रिकल ओ टी टी राइट्स सभी राइट्स बेचते करते इस फिल्म ने एक अच्छा खासा वर्ड ऑफ माउथ गेन किया और बॉक्स ऑफिस पे भी एक कलेक्शन था वो बेहतर तरीके से करके दिखाया तो उसी के रीज़न के चलते इस फिल्म ने ओवरऑल एक बिलो एवरेज तो नहीं बोल सकते एवरेज का का, का मार्क बॉक्स ऑफिस पे हासिल किया कुछ का कहना है कि ये फिल्म सुपरहिट भी है अब बात करें इस फिल्म की का कहानी के ऊपर तो इस फिल्म में थीलागन करके एक ऑनेस्ट एम्बुलेंस ड्राइवर है जो कंचीपुरम में ड्राइव कर रहा है वहाँ पे रह रहा है तो उसको कुछ फोर्सली एक्यूज किया जाता है और उसी के रीजन के चलते उसकी वाइफ के मर्डर के चलते उसको एक सेंटेंस सुनाया जाता है का उसके बाद में जेनिफर और उसकी फ्रेंड का उसका फ्रेंड काथिर वो चौदह साल के बाद ता पे, ता पता चलता है वो कि चौदह साल के बाद पेरोल में चौदह दिन के लिए वो बाहर आया हुआ है जहाँ पे वो जेनिफर काथिर इर के जो मर्डरर है उससे बदला लेना चाहता है तो जैसे कि मैंने कहा कि उसको गलती से जेल में डाल दिया था तो उसके बाद में जब वो चौदह साल के बाद पेरोल के ऊपर बाहर निकला हुआ है तो उसका पूरा फोकस अपने रिवेंज के ऊपर है तो फिल्म की कहानी वहीं से इंटरेस्टिंग तरीके से दिखाई गई है कि एक पूरा फोकस वहाँ पे दिखाया तो स्क्रीन प्ले काफ़ी टाइट रखा हुआ है तो सभी चीज़ें वहाँ पे किस तरह से कैसे क्या दिखाई जाती है किसने जेनिफ़र को मारा हुआ था उसके बेटे को किसने क्या किया हुआ था वो सभी चीज़ें फ़िल्म की कहानी में दिखाई हुई है तो ये सभी चीज़ें देखने के लिए आपको फुल पूरी फिल्म देखनी पड़ेगी जहाँ पर डायरेक्टर ने डेफ़िनेटली एक अच्छा कॉन्सेप्ट चूज़ किया हुआ था था इसमें थ्रिलिंग मोमेंट्स भी थे जिस तरह से इमोशनल एंगल डाला हुआ था एक्शन सिक्वेंस देखने को मिलते तो सभी चीज़ों का एक परफेक्ट कॉम्बो देखने को मिलता है डायरेक्टर ने डिसेंट मैनर में चीजों को हैंडल किया हुआ है हाँ कुछ चीज़ें इधर उधर हो गई है अगर उसको स्क्रीन प्ले में थोड़ा बेटर करते थे तो चीज़ें थोड़ी और बेहतरीन हो सकती थी लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो जयम रवि की ये फिल्म एज अ थ्रिलर के तौर के ऊपर देखा जाए तो एक डिसेंट है वैसे एक आइडिया काफ़ी अच्छा था लेकिन थ्रिलिंग मोमेंट्स थोड़े और बेहतर तरीके से दिखाया जा सकता था और जो रेगुलर रिवेंट ड्रामा फिल्में जो ओल्ड सेक्वा वाले सिक्वेंस से, है तो उससे थोड़ी डिफरेंस आपको इस फिल्म में नज़र आएगा इसके अलावा इस फिल्म में आपको लॉजिकल थोड़ी बहुत नजर आ सकती है उसको थोड़े साइड में रखने पड़ेंगे टेक्निकली फिल्म वेल मेड बनाई गई है सिनेमेटोग्राफी काफी बढ़िया है एडिटिंग फिल्म की डिसेंट की गई है म्यूजिक डिपार्टमेंट में जो सॉन्ग थे बैकग्राउंड स्कोर है वो फिल्म को सपोर्ट देते हुए नजर आते हैं आर्ट डायरेक्शन सिनेमेटोग्राफी सभी चीज़ें काफी बढ़िया थी एक्टर्स जैसे कि जयाम रवि कीर्ति सुरेश अनुपमा परमेश्वरन समुति रखानी योगी बाबू सभी का काम काफी बढ़िया नज़र आता है जयाम रवि ने काफी बढ़िया तरीके से अपने कंधे पर पूरी फिल्म को चलाया हुआ है और कीर्ति सुरेश का एक सपोर्ट लेकिन को, और और को, और और को आप डेफिनेटली देख सकते हो इस फिल्म के जो ओ और सैटेलाइट राइट्स थे वो स्टार नेटवर्क वालों ने खरीदे हुए थे जहाँ पे स्टार नेटवर्क के द्वारा इस फिल्म के तेलुगु तमिल कन्नडा मलयालम और हिंदी सभी वर्जन के ओ राइट्स खरीदे गए थे तमिल मेन वर्जन था बाकी तेलुगु कन्नडा मलयालम और हिंदी डब्ड वर्जन थे जहाँ पे स्टार विजय के पास इस फिल्म के तमिल वर्जन के राइट्स थे तमिल सेटेलाइट राइट्स थे इस फिल्म को ओ टी टी उन्नीस अप्रैल दो को प्रीमियर करवाया गया तो वहां पर भी एक अच्छा रिस्पॉस मिला हुआ था तो फिलहाल में इस फिल्म को अगर आपको ऑफिशियली देखना है तो डिजनी प्लस हो स्टार के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन तमिल मेन लैंग्वेज के साथ हिंदी तेलगू कन्नडा मलयालम डब्ड वर्जन में आप इस फिल्म को इन्जॉय कर सकते हो जहाँ पे साइरन 108 नाम या साइरन नाम के साथ इस फिल्म को अवेलेबल किया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म का सैटेलाइट वर्जन आपको स्टार विजय टेलीविजन चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि साइरन फिल्म अभी आपको फिलहाल में ऑफिशियली देखने तो डिजनी प्लस होटस्टार के ऊपर साइरन वन नाम के साथ हिंदी तमिल तेलुगू कन्नडा मलयालम इन सभी वर्जन में आप इन्जॉय कर सकते हो वहीं पे इस फिल्म का सैटेलाइट वर्जन स्टार विजय के ऊपर तमिल वर्जन में देखने को मिल जाएगा वो भी बिल्कुल फ्री में तो इस तरह से आप इस फिल्म को ऑफिशियली ओ टी टी और सैटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर हिंदी तमिल तेलुगू कन्नडा मलयालम इन सभी वर्जन में, में इन्जॉय कर सकते हो सायरन जिसको सायरन 108 नाम से भी मार्केट करके रिलीज़ किया गया था ये एक 2024 की इंडियन तमिल लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म थी फिल्म को थिएट्रिकली सिर्फ तमिल वर्जन में रिलीज़ किया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म का स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग डायरेक्शन सभी चीज़ें एंटनी भाग्यराज ने किए हुई है इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है सुजाता विजय कुमार ने जिन्होंने इस फिल्म को होम मूवी मेकर्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे एक डिजाइन बजट में बनाया हुआ था रेड जाइंट मूवीज़ के द्वारा इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था तमिल वर्जन में फिल्म के की कास्ट में आपको जयाम रवि और कीर्ति सुरेश देखने को मिलेंगे टेक्निकल टीम में सिनेमाटोग्राफी है वो सेल्वा कुमार एसके ने की हुई है एडिटिंग रूपेन ने की हुई थी जहाँ पे इस फिल्म को एक क्रिस्प रन टाइम दिया हुआ है ये फिल्म करीबन दो घंटे चौंतीस मिनट के रन टाइम के साथ सेंसर करवाई गई थी इसके अलावा म्यूज़िक डिपार्टमेंट में सॉन्ग्स जी प्रकाश कुमार ने कम्पोज किए हुए बैकग्राउंड स्कोर है वो सी एम ने कम्पोज किया हुआ है म्यूज़िक के राइट है वो सोनी म्यूजिक वालों ने अच्छी खासी प्राइज में ख़रीदे हुए फिल्म में टोटल चार ट्रैक थे जिसके लेंथ थी चौदह मिनट बावन सेकंड इन गानों को दो हज़ार में रिकॉर्ड किया हुआ था कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो जया राम जयाम रवि आपको इस फिल्म में लीड रोल में देखने को मिलेंगे जिन्होंने तिलंगा वर्मन यानी कि तिलागन का रोल प्ले किया हुआ है कीर्ति सुरेश ने इस फिल्म में इंस्पेक्टर के नंदिनी का रोल प्ले किया हुआ है अनुपमा परमेश्वर इस फिल्म में तिलागन की वाइफ का रोल यानी कि जेनिफर का रोल प्ले करती हुई नज़र आएगी समुथी रखा इस फिल्म में डी एस पी सॉरी नगलिंगम आईपीएस का रोल प्ले किया हुआ है योगी बाबू को वेलंकन्नी का रोल दिया गया था इंसान अशरफ ने सपोर्टिंग रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे अला गम ने इस फिल्म में मनिकत्था गम अनाची का रोल प्ले किया हुआ है अजय आपको अनबू यानी कि अनबाला गन का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे सुरेंद्र के पी वाई ने इस फिल्म में विकी यानी कि वरन का रोल प्ले किया हुआ है तुलसी इस फिल्म में थिलागन की माँ का रोल प्ले करती हुई नजर आएगी चंद चंदनी चांदनी था तमिला रसन को इस फिल्म में कामाक्षी का रोल दिया गया है जो थिलागन की सिस्टर का रोल है यूवीना या यूविना पार्थवी को इस फिल्म में मलर का रोल मिला हुआ है जो थिलागन की डॉटर का रोल था इसके अलावा मदन कुमार दक दक्षिणा मूर्ति इस फिल्म में ऐसा ही मूर्ति का रोल प्ले करते तो हुए नजर आएंगे मुत्तु कुमार इस फिल्म में काली मुत्तु का रोल प्ले करते तो हुए नजर आएंगे इंदुमती मणिकंदन का जो रोल था जो वो रोल उन्होंने उन्होंने इस फिल्म में विकी की माँ का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म में आपको के पी विनोद देखने को मिलेंगे जिन्होंने इस फिल्म में जेक का रोल प्ले किया हुआ है पांड्यन इस फिल्म में नांदेसन एन एक पैथोलॉजिस्ट का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे तिरुक् कारसू ने इस फिल्म में जेलर का रोल प्ले किया हुआ है लालू ने इस फिल्म में मणिकंदन का रोल प्ले किया हुआ है प्रार्थना नाथन ने इस फिल्म में मणिकंदन के वाइफ का रोल प्ले किया हुआ है विघ्नेश सनमुगन ने कातिर का रोल प्ले किया हुआ है अभिषेक विनोद ने इस फिल्म में मणिकंदम के बेटे का रोल प्ले किया हुआ है उदय महेश ने इस फिल्म में इंटरप्रेटर का रोल प्ले किया है प्रियादर्शी राजकुमार इस फिल्म में जज के रोल में पास्ट का जो एपिसोड था उसमें देखने को मिलते हैं T.S.R. श्रीनिवासन इस फिल्म में मैजिस्ट्रेट का रोल प्ले किया हुआ है सुजाता बाबू ने नंदिनी की माँ का रोल प्ले किया हुआ है तो ये फिल्म के लीड प्रोमिनेंट कास्ट थी जिन्होंने इसमें महत्वपूर्ण रोल प्ले किए हुए प्रोडक्शन की ओर बढ़ते डेवलपमेंट की शुरुआत अर्ली अप्रैल 2021 से करवा दी गई थी जहाँ पर कुछ रिपोर्ट्स आए थे कि एंटनी भाग्यराज जो इस फिल्म के डरेक्टर है जिन्होंने को राइट की हुई थी विश्वासम दो की फिल्म को तो वो एक स्क्रिप्ट तैयार कर रहे थे उन्होंने वो स्क्रिप्ट जयाराम को सुनाई जयाराम उस स्क्रिप्ट से काफ़ी इंप्रेस हुए थे लेटर ऑन जयाराम ने इस फिल्म को करने के लिए एग्री कर लिया उसके बाद में इस फिल्म का फंड किया होम मूवी मेकर्स वालों ने यानी कि वो इस फिल्म के प्रोड्यूसर बने 29 अगस्त 2022 को होम मूवी मेकर्स के द्वारा पब्लिकली अनाउंस करवाया गया कि एक प्रोजेक्ट आ रहा है जहां पे एंटनी भाग्यराज और जयाम रवि के बीच में प्रोजेक्ट होने वाला है फिल्म का ऑफिशियल टाइटल लेटर ऑन साइरन नाम से अनाउंस किया गया जी वी प्रकाश कुमार को इस फिल्म में म्यूजिक कंपोज़र के लिए लिया गया था उसके अलावा सेल्वा कुमार एस्के को सिनेमाटोग्राफी हैंडल करने के लिए अप्रोच किया गया रुबेन को इस फिल्म की एडिटिंग का कमान संभालने के लिए दिया गया था वहीं पे इस फिल्म की जो पूजा सेरेमनी थी वो अर्ली सेप्टेम्बर में रखी हुई थी जहाँ पे उसी महीने में इस फिल्म की शूटिंग भी स्टार्ट करवा दी गई थी साथ ही में इस फिल्म के नवंबर महीने तक काफ़ी सारी शूटिंग कंप्लीट हो चुकी थी समूति रखाने योगी बाबू का पार्ट भी इसमें अनाउंस किया गया था कि वो इस फिल्म के भी इम्पोर्टेंट पात्र होने वाले प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी पाँच सेप्टेम्बर दो को स्टार्ट करवा गई करवा दी गई थी पहला शेड्यूल चेन्नई में रखा हुआ था उस शेड्यूल को अर्ली नवंबर तक कम्प्लीट करवाया हुआ था सेकंड शेड्यूल था वो दस नवंबर से करई कुदी में स्टार्ट किया हुआ था और अर्ली अप्रैल 2023 तक उसको भी पूरी तरह से कंप्लीट करवाया इस फिल्म का थर्ड शेड्यूल को कार्यकाल में शूट किया हुआ था और उस शेड्यूल में एक गाना भी फीचर करवाया था जहाँ पर जयम रवि और अनुपमा परमेश्वर के बीच में वो गाना फिल्माया गया था और उस फिल्म को उस गाने के साथ फिल्म के पेचवर्क को भी अप्रैल महीने तक मिड अप्रैल तक पूरी तरह से रेपअप करवाया तो इस तरह से शूटिंग पोर्सन कंप्लीट किया गया था उसके बाद में म्यूजिक डबिंग मिक्सिंग मास्टरिंग एडिटिंग ऐसे पोस्ट प्रोडक्शन के काम में पूरा टाइम दिया गया और फिल्म को रिलीज के लिए तैयार किया हुआ था जहां पे सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला हुआ है म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो जीवी प्रकाश कुमार ने इस फिल्म के म्यूज़िक के कंपोजिशन की हुई है जहाँ पे इस फिल्म के डायरेक्टर यानी कि भाग्य राज के साथ उनकी ये करीबन पहली फिल्म है जयाम रवि के साथ उनकी सेकंड फिल्म में इससे पहले निरमद नील करके दो में जो फिल्म आई थी उसमें उन्होंने बैकग्राउंड स्कोर दिया हुआ था फिल्म के ऑडियो के राइट्स म्यूजिक वालों ने खरीदे हुए थे दो हज़ार के बीच में गानों को रिकॉर्ड किया गया चौदह मिनट बावन सेकंड का साउंड ट्रेक था तमिल वर्जन में गानों को तैयार किया हुआ था वहीं पे इस फिल्म में जो बैकग्राउंड स्कोर था सॉन्ग था वो सभी चीज़ें उन्होंने ही कम्पोज़ की थी वैसे लेटर ऑन रिवील किया गया कि सेम सी एस ने इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर कंपोज किया हुआ है इसके अलावा 29 जनवरी 2024 तक सभी साउंड ट्रैक को रिलीज़ करवा दिया गया था अब इसके ऊपर प्रॉपर बातचीत करें तो नेत्रवराई जो गाना है उसको तमयरा तम ने लिखा हुआ था जहाँ पे सिद्ध श्री राम ने उसको गाया हुआ था कन्नामा गाने को पा विजय ने लिखा था हरिचरण ने उसको गाया हुआ था आदि आती ने इस फिल्म का ये गाना है उसको मुरुगन मांती राम ने लिखा हुआ था एंतनी दासन और सिंदूरी विशाल ने गाया हुआ था आज्ञम उडन जूकर के जो गाना था उसको स्नेहन ने लिखा हुआ था हरीश शिव का शिव कृष्णन ने उसको गाया हुआ था तो ये टोटल चार ट्रैक थे जिसकी लेंथ थी चौदह मिनट बावन सेकंड ये सभी गाने अगर आपको फिलहाल में ऑफिशियली सुनने तो सुन सकते हो टी सी सॉरी सोनी म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर तमिल वर्जन में तो ये चारों गाने वहाँ पे सुनने को मिल जाएंगे वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में वो भी फ्री में अब रिलीज़ के और बढ़ते वैसे सायरन फिल्म को इनिशियली दिसंबर 2023 को थिएट्रिकली रिलीज़ करवाने वाले थे लेकिन पोस्ट प्रोडक्शन का काम काफ़ी ज़्यादा अनफिनिश था जिसके चलते इसको पोस्टपोन किया गया और इसी रीजन्स के चलते इस फिल्म को सोलह फरवरी दो को थिएटर में प्रीमियर करवाया गया रिलीज़ करवाया गया जहाँ पे सिर्फ तमिल वर्जन रिलीज था रेड जैंट मूवीज़ के द्वारा रिलीज़ दिलवाई गई थी फिल्म ने एक अच्छी खासी रिलीज़ ली हुई थी जहाँ पे इस फिल्म को मिक्स वर्ड ऑफ माउथ मिला ऑडियंस की तरफ से पॉजिटिव साइड ऑफ वर्ड ऑफ माउथ था वहीं पे जो क्रिटिक्स थे उसकी तरफ से एक मिक्स वर्ड ऑफ माउथ था तो ये मिक्स टू पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ के चलते आई एम डी पे इस फिल्म ने करीबन 1300 से 1400 वोट हासिल किए जिसमें सात पॉइंट तीन की रेटिंग हासिल हुई दस में से और इस रेटिंग के साथ फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे धीरे धीरे कलेक्शन करके दिखाया जहाँ पे साइरन फिल्म का जो ऑफ माउथ था वो मिक्स था जिसके चलते इस फिल्म ने पिकअप थोड़ा लेट लिया हुआ था वैसे पहले तीन दिन का कलेक्शन था वो डेफिनेटली जो विजयम रवि का स्टार्डम है उस हिसाब से थोड़ा कलेक्शन ज़्यादा आया हुआ था उसके बाद में डे बाई डे फिल्म के कलेक्शन में थोड़े बहुत चेंजेस देखने को मिले और पूरी तरह से इस फिल्म का करीबन बजट बताया गया था तीस करोड़ तो उस तीस करोड़ के बजट के सामने इस फिल्म ने उतना कुछ खास इंडिया में नेट कलेक्शन नहीं किया था लेकिन थिएट्रिकल ओ टी राइट्स सभी राइट्स बेचते करते इस फिल्म ने एक अच्छा खासा वर्ड ऑफ माउथ गेन किया और बॉक्स ऑफिस पे भी एक कलेक्शन था वो बेहतर तरीके से करके दिखाया तो उसी के रीज़न के चलते इस फिल्म ने ओवरऑल और और एक बिलो एवरेज तो नहीं बोल सकते एवरेज का का, का टेक मार्क बॉक्स ऑफिस पे हासिल किया कुछ का कहना है कि ये फिल्म सुपरहिट भी है अब बात करें इस फिल्म की का कहानी के ऊपर तो इस फिल्म में थिलागन करके एक ऑनेस्ट एम्बुलेंस ड्राइवर है जो कंचीपुरम में ड्राइव कर रहा है वहाँ पे रह रहा है तो उसको कुछ फोर्सली एक्यूज एक किया जाता है और उसी के रीजंस के चलते उसकी वाइफ के मर्डर के चलते उसको एक सेंटेंस सुनाया जाता देत का उसके बाद में जेनिफर और उसकी फ्रेंड का उसका फ्रेंड काथिर वो चौदह साल के बाद ता, पे, ता, पता चलता है वो कि चौदह साल के बाद पेरोल में चौदह दिन के लिए वो बाहर आया हुआ है जहाँ पे वो जेनिफर कातिर के जो मर्डर है उससे बदला लेना चाहता है तो जैसे कि मैंने कहा कि उसको गलती से जेल में डाल दिया था तो उसके बाद में जब वो चौदह साल के बाद पेरोल के ऊपर बाहर निकला हुआ है तो उसका पूरा फोकस अपने रिवेंज के ऊपर है तो फिल्म की कहानी वहीं से इंटरेस्टिंग तरीके से दिखाई गई है कि एक पूरा फोकस वहाँ पे दिखाया तो स्क्रीन प्ले काफ़ी टाइट रखा हुआ है तो सभी चीज़ें वहाँ पे किस तरह से कैसे क्या दिखाई जाती है किसने जेनिफ़र को मारा हुआ था उसके बेटे को किसने क्या किया हुआ था वो सभी चीज़ें फ़िल्म की कहानी में दिखाई हुए तो ये सभी चीज़ें देखने के लिए आपको फुल पूरी फिल्म देखनी पड़ेगी जहाँ पे डायरेक्टर ने डेफिनेटली एक अच्छा कॉन्सेप्ट चूज़ किया हुआ था इसमें थ्रिलिंग मोमेंट्स भी थे जिस तरह से इमोशनल एंगल डाला हुआ था एक्शन सीक्वेंस देखने को मिलते तो सभी चीज़ों का एक परफेक्ट कॉम्बो देखने को मिलता है डायरेक्टर ने डिसेंट मैनर में चीज़ों को हैंडल किया हुआ है हाँ कुछ चीज़ें इधर उधर हो गई है अगर उसको स्क्रीन प्ले में थोड़ा बेटर करते थे तो चीज़ें थोड़ी और बेहतरीन हो सकती थी लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो जयम रवि की ये फिल्म एज अ थ्रिलर के तौर के ऊपर देखा जाए तो एक डिसेंट है वैसे एक आइडिया काफ़ी अच्छा था लेकिन थ्रिलिंग मोमेंट्स थोड़े और बेहतर तरीके से दिखाया जा सकता था और जो रेगुलर रिवेंट ड्रामा फिल्में जो ओल्ड फ्लैस वाले सिक्वेंस है तो उससे थोड़ी डिफरेंस आपको इस फिल्म में नज़र आएगा इसके अलावा इस फिल्म में आपको लॉजिकल थोड़ी बहुत नजर आ सकती है उसको थोड़े साइड में रखने पड़ेंगे टेक्निकली फिल्म वेल मेड बनाई गई है सिनेमेटोग्राफी काफ़ी बढ़िया है एडिटिंग फिल्म की डिसेंट की गई है म्यूजिक डिपार्टमेंट में जो सॉन्ग है बैकग्राउंड स्कोर है वो फिल्म को सपोर्ट देते हुए नज़र आते हैं आर्ट डायरेक्शन सिनेमेटोग्राफी सभी चीज़ें काफ़ी बढ़िया थी एक्टर्स जैसे कि जया एम रवि कीर्ति सुरेश अनुपमा परमेश्वरन समुति रखानी योगी बाबू सभी का काम काफ़ी बढ़िया नज़र आता है जयाम रवि ने काफ़ी बढ़िया तरीके से अपने कंधे पर पूरी फिल्म को चलाया हुआ है और कीर्ति सुरेश का एक फिल्म को काफ़ी शानदार बना जाता है ट्विस्ट और 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 कुछ सस्पेंस फिल्म को बेहतर बनाने की कोशिश करता है और लेकिन देखने लायक फिल्म है इस फिल्म को आप डेफिनेटली देख सकते हो इस फिल्म के जो ओटीटी और सैटेलाइट राइट्स थे वो स्टार नेटवर्क वालों ने खरीदे हुए थे जहाँ पे स्टार नेटवर्क के द्वारा इस फिल्म के तेलुगु तमिल कन्नड़ा मलयालम और हिंदी सभी वर्जन के ओटीटी राइट्स खरीदे गए थे तमिल मेन वर्जन था बाकी तेलुगु कन्नडा मलयालम और हिंदी डब्ड वर्जन थे जहाँ पे स्टार विजय के पास इस फिल्म के तमिल वर्जन के राइट्स थे तमिल सेटेलाइट राइट्स थे इस फिल्म को ओ टी टी उन्नीस अप्रैल दो को प्रीमियर करवाया गया तो वहाँ पर भी एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला हुआ था तो फिलहाल में इस फिल्म को अगर आपको ऑफिशियली देखना है तो डिजनी प्लस और के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन तमिल मेन लैंग्वेज के साथ हिंदी तेलुगु कन्नडा मलयालम डब्ड वर्जन में आप इस फिल्म को इन्जॉय कर सकते हो जहाँ पे साइरन 108 नाम या साइरन नाम के साथ इस फिल्म को अवेलेबल किया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म का सैटेलाइट वर्जन आपको स्टार विजय टेलीविजन चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि सायरन फिल्म अभी आपको फिलहाल में ऑफिशियली देखने तो डिजनी प्लस हो स्टार के ऊपर साइरन वन जीरो नाम के साथ हिंदी तमिल तेलुगू कन्नडा मलयालम इन सभी वर्जन में आप इन्जॉय कर सकते हो वहीं पे इस फिल्म का सैटेलाइट वर्जन स्टार विजय के ऊपर तमिल वर्जन में देखने को मिल जाएगा वो भी बिल्कुल फ्री में तो इस तरह से आप इस फिल्म को ऑफिशियली ओ टी टी और सैटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर हिंदी तमिल तेलगू कन्नडा मलयालम इन सभी वर्जन में इन्जॉय कर सकते हो साइरन जिसको सायरन 108 नाम से भी मार्केट करके रिलीज़ किया गया था ये एक 2024 की इंडियन तमिल लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म थी फिल्म को थिएट्रिकली सिर्फ तमिल वर्जन में रिलीज किया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म का स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग डायरेक्शन सभी चीज़ें एंटनी भाग्यराज ने किए हुई है इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है सुजाता विजय कुमार ने जिन्होंने इस फिल्म को होम मूवी मेकर्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे एक डिजाइन बजट में बनाया हुआ था रेड जाइंट मूवीज़ के द्वारा इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था तमिल वर्जन में फिल्म के लीड कास्ट में आपको जयाम रवि और कीर्ति सुरेश देखने को मिलेंगे टेक्निकल टीम में सिनेमाटोग्राफी है वो सिल्वा कुमार एस्की ने की हुई है एडिटिंग रूपेन ने की हुई थी जहाँ पे इस फिल्म को एक क्रिस्प रन टाइम दिया हुआ है ये फिल्म करीबन दो घंटे चौंतीस मिनट के रन टाइम के साथ सेंसर करवाई गई थी इसके अलावा म्यूजिक डिपार्टमेंट में सॉन्ग्स जीवी प्रकाश कुमार ने कंपोज किए हुए बैकग्राउंड स्कोर है वो सेम सी एस ने कंपोज किया हुआ है म्यूजिक के राइट्स है वो सोनी म्यूजिक वालों ने अच्छी खासी प्राइस में खरीदे हुए फिल्म में टोटल चार ट्रैक थे जिसके लेंथ ही चौदह मिनट बावन सेकंड इन गानों को दो हज़ार बाईस तेईस में रिकॉर्ड किया हुआ था कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो जयराम जयाम रवि आपको इस फिल्म में लीड रोल में देखने को मिलेंगे जिन्होंने तिलंगा वर्मन यानी कि तिलागन का रोल प्ले किया हुआ है कीर्ति सुरेश ने इस फिल्म में इंस्पेक्टर के नंदिनी का रोल प्ले किया हुआ है अनुपमा परमेश्वर इस फिल्म में तिलागन की वाइफ का रोल यानी कि जेनिफर का रोल प्ले करते हुए नजर आएगी समुथी रखा ने इस फिल्म में डी एस नागले सॉरी ना, नगलिंगम आईपीएस का रोल प्ले किया हुआ है योगी बाबू को वेलंकन्नी का रोल दिया गया था इंसान अशरफ ने सपोर्टिंग रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे अला गम पे ने इस फिल्म में मनिकत्था गम अनाची का रोल प्ले किया हुआ है अजय आपको अनबू यानी कि अनबाला गन का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे सुरेंद्र के पी वाई ने इस फिल्म में विकी यानी कि वरन का रोल प्ले किया हुआ है तुलसी इस फिल्म में थिलागन की माँ का रोल प्ले करते हुए नजर आएगी चंद चंदनी चांदनी था तमिला रसन को इस फिल्म में कामाक्षी का रोल दिया गया है जो थिलंगन की सिस्टर का रोल है युविना या युविना पार्थवी को इस फिल्म में मलर का रोल मिला हुआ है जो थिलागन की डॉटर का रोल था इसके अलावा माधन कुमार दक दक्षिणा मूर्ति इस फिल्म में ऐसाई मूर्ति का रोल प्ले करते हुए नज़र आएंगे मुत्तु कुमार इस फिल्म में काली मुत्तु का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे इंदुमती मणिकंदन का जो रोल था जो वो रोल उन्होंने उन्होंने इस फिल्म में विकी की, की माँ का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म में आपको के पी विनोद देखने को मिलेंगे जिन्होंने इस फिल्म में जेक का रोल प्ले किया हुआ है पांड्यन इस फिल्म में नांदेसन एन एक पैथोलॉजिस्ट का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे तिरुक्क कारुसू ने इस फिल्म में जेलर का रोल प्ले किया हुआ है लालू ने इस फिल्म में मणिकंदन का रोल प्ले किया हुआ है प्रार्थना नाथन ने इस फिल्म में मणिकंदन के वाइफ का रोल प्ले किया है विघनेश सनमुगन ने कातिर का रोल प्ले किया है अभिषेक विनोद ने इस फिल्म में मणिकंदम के बेटे का रोल प्ले किया है उदय महेश ने इस फिल्म में इंटरप्रेटर का रोल प्ले किया है प्रियादर्शी राजकुमार इस फिल्म में जज के रोल में पास्ट का जो एपिसोड था उसमें देखने को मिलते हैं टी एस आर श्रीनिवासन ने इस फिल्म में मैजिस्ट्रेट का रोल प्ले किया हुआ है सुजाता बाबू ने नंदनी की माँ का रोल प्ले किया हुआ है तो ये फिल्म के लीड प्रोमिनेंट कास्ट थी जिन्होंने इसमें महत्वपूर्ण रोल प्ले किए हुए हैं प्रोडक्शन की ओर बढ़ते डेवलपमेंट की शुरुआत अर्ली अप्रैल 2021 से करवा दी गई थी जहाँ पर कुछ रिपोर्ट्स आए थे कि एंटनी भाग्यराज जो इस फिल्म के डरेक्टर है जिन्होंने को राइट की हुई थी विश्वासम दो की फिल्म को तो वो एक स्क्रिप्ट तैयार कर रहे थे उन्होंने वो स्क्रिप्ट जयाराम को सुनाई जयाराम उस स्क्रिप्ट से काफ़ी इंप्रेस हुए थे लेटर ऑन जयाराम ने इस फिल्म को करने के लिए एग्री कर लिया उसके बाद में इस फिल्म का फंड किया होम मूवी मेकर्स वालों ने यानी कि वो इस फिल्म के प्रोड्यूसर बने 29 अगस्त 2022 को होम मूवी मेकर्स के द्वारा पब्लिकली अनाउंस करवाया गया कि एक प्रोजेक्ट आ रहा है जहां पे एंटनी भाग्यराज और जयाम रवि के बीच में प्रोजेक्ट होने वाला है फिल्म का ऑफिशियल टाइटल लेटर ऑन साइरन नाम से अनाउंस किया गया है जीवी प्रकाश कुमार को इस फिल्म में म्यूजिक कंपोजर के लिए लिया गया था उसके अलावा सेल्वा कुमार रिस्के को सिनेमाटोग्राफी हैंडल करने के लिए अप्रोच किया गया रुबेन को इस फिल्म की एडिटिंग का कमान संभालने के लिए दिया गया था वहीं पे इस फिल्म की जो पूजा सेरेमनी थी वो अर्ली सितंबर में रखी हुई थी जहां पे उसी महीने में इस फिल्म की शूटिंग भी स्टार्ट करवा दी गई थी साथ ही में इस फिल्म के नवंबर महीने तक काफ़ी सारी शूटिंग कंप्लीट हो चुकी थी समूति रखा ने योगी बाबू का पार्ट भी इसमें अनाउंस किया गया था कि वो इस फिल्म के भी इम्पोर्टेंट पात्र होने वाले प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी पाँच सेप्टेम्बर दो को स्टार्ट करवा गई करवा दी गई थी पहला शेड्यूल चेन्नई में रखा हुआ था उस शेड्यूल को अर्ली नवंबर तक कम्प्लीट करवाया हुआ था सेकंड शेड्यूल था वो दस नवंबर से करई कुदी में स्टार्ट किया हुआ था और अर्ली अप्रैल 2023 तक उसको भी पूरी तरह से कंप्लीट करवाया इस फिल्म का थर्ड शेड्यूल को कार्यकाल में शूट किया हुआ था और उस शेड्यूल में एक गाना भी फीचर करवाया था जहाँ पर जयम रवि और अनुपमा परमेश्वर के बीच में वो गाना फिल्माया गया था और उस फिल्म को उस गाने के साथ फिल्म के पेचवर्क को भी अप्रैल महीने तक मिड अप्रैल तक पूरी तरह से रेपअप करवाया तो इस तरह से शूटिंग पोर्सन कंप्लीट किया गया था उसके बाद में म्यूजिक डबिंग मिक्सिंग मास्टरिंग एडिटिंग ऐसे पोस्ट प्रोडक्शन के काम में पूरा टाइम दिया गया और फिल्म को रिलीज के लिए तैयार किया हुआ था जहाँ पे सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला हुआ है म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो जीवी प्रकाश कुमार ने इस फिल्म के म्यूजिक के कंपोजिशन किए हुए हैं जहां पे इस फिल्म के डायरेक्टर यानी कि भाग्यराज के साथ उनकी ये करीबन पहली फिल्म है जयम रवि के साथ उनकी सेकंड फिल्म में इससे पहले नीरम दो नील करके 2014 में जो फिल्म आई थी उसमें उन्होंने बैकग्राउंड स्कोर दिया हुआ था फिल्म के ऑडियो के राइट्स थे सोनी म्यूजिक वालों ने खरीदे हुए थे दो हजार के बीच में गानों को रिकॉर्ड किया गया चौदह मिनट बावन सेकंड के साउंड था तमिल वर्जन में गानों को तैयार किया हुआ था वहीं पे इस फिल्म में जो बैकग्राउंड स्कोर था सॉन्ग था वो सभी चीज़ें उन्होंने ही कंपोज़ की थी वैसे लेटर ऑन रिवील किया गया कि सेम सीएस सी एस ने इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर कंपोज किया हुआ है इसके अलावा 29 जनवरी 2024 तक सभी साउंड ट्रैक को रिलीज करवा दिया गया था अब इसके ऊपर प्रॉपर बातचीत करें तो नेत्रवराई जो गाना है उसको तमयरा तम राय ने लिखा हुआ था जहाँ पे सिद्ध श्री राम ने उसको गाया हुआ था कन्नामा गाने को पा विजय ने लिखा था हरिचरण ने उसको गाया हुआ था आदि आती ने इस फिल्म का ये गाना है उसको मुरुगन मांती राम ने लिखा हुआ था एंतनी दासन और सिंदूरी विशाल ने गाया हुआ था आज्ञम ओडान जूकर के जो गाना था उसको स्नेहन ने लिखा हुआ था हरीश शिव सीव का शिव रामाकृष्णन ने उसको गाया हुआ था तो ये टोटल चार ट्रैक थे जिसकी लेंथ थी चौदह मिनट बावन सेकंड ये सभी गाने अगर आपको फिलहाल में ऑफिशियली सुनने तो सुन सकते हो टी सी सॉरी सोनी म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर तमिल वर्जन में तो ये चारों गाने वहाँ पे सुनने को मिल जाएंगे वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में वो भी फ्री में अब रिलीज़ के और बढ़ते वैसे सायरन फिल्म को इनिशियली दिसंबर 2023 को थिएट्रिकली रिलीज़ करवाने वाले थे लेकिन पोस्ट प्रोडक्शन का काम काफ़ी ज़्यादा अनफिनिश्ड था जिसके चलते इसको पोस्टपोन किया गया और इसी रीजंस के चलते इस फिल्म को 16 फरवरी 2024 को थिएटर में प्रीमियर करवाया गया रिलीज़ करवाया गया जहां पे सिर्फ तमिल वर्जन रिलीज था रेड जैंट मूवीज़ के द्वारा रिलीज़ दिलवाई गई थी फिल्म ने एक अच्छी खासी रिलीज़ ली हुई थी जहाँ पे इस फिल्म को मिक्स वर्ड ऑफ माउथ मिला ऑडियंस की तरफ से पॉजिटिव साइड ऑफ वर्ड ऑफ माउथ था वहीं पे जो क्रिटिक्स थे उसकी तरफ से एक मिक्स वर्ड ऑफ माउथ था तो ये मिक्स्ड टू पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ के चलते आई एम डी ए इस फिल्म ने करीबन 1300 से 1400 वोट हासिल किए जिसमें सात पॉइंट तीन की रेटिंग हासिल हुई दस में से और इस रेटिंग के साथ फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे धीरे धीरे कलेक्शन करके दिखाया जहाँ पे साइरन फिल्म का जो वर्ड ऑफ माउथ था वो मिक्स था जिसके चलते इस फिल्म ने पिकअप थोड़ा लेट लिया हुआ था वैसे पहले तीन दिन का कलेक्शन था वो डेफिनेटली जो जयम रवि का स्टार्डम है उस हिसाब से थोड़ा कलेक्शन ज़्यादा आया हुआ था उसके बाद में डे बाई डे फिल्म के कलेक्शन में थोड़े बहुत चेंजेस देखने को मिले और पूरी तरह से इस फिल्म का करीबन बजट बताया गया था तीस करोड़ तो उस तीस करोड़ के बजट के सामने इस फिल्म ने उतना कुछ खास इंडिया में नेट कलेक्शन नहीं किया था लेकिन थिएट्रिकल ओ टी टी राइट्स सभी राइट्स बेचते करते इस फिल्म ने एक अच्छा खासा वर्ड ऑफ माउथ गेन किया और बॉक्स ऑफिस पे भी एक कलेक्शन था वो बेहतर तरीके से करके दिखाया तो उसी के रीज़न के चलते इस फिल्म ने ओवरऑल और और एक बिलो एवरेज तो नहीं बोल सकते एवरेज का का, का टेक मार्क बॉक्स ऑफिस पे हासिल किया कुछ का कहना है कि ये फिल्म सुपरहिट भी है अब बात करें इस फिल्म की का कहानी के ऊपर तो इस फिल्म में थीलागन करके एक ऑनेस्ट एम्बुलेंस ड्राइवर है जो कंचीपुरम में ड्राइव कर रहा है वहाँ पे रह रहा है तो उसको कुछ फोर्सली एक्यूज किया जाता है और उसी के रीजन के चलते उसकी वाइफ के मर्डर के चलते उसको एक सेंटेंस सुनाया जाता है का उसके बाद में जेनिफर और उसकी फ्रेंड का उसका फ्रेंड काथिर वो चौदह साल के बाद ता पे, ता, पता चलता है वो कि चौदह साल के बाद पेरोल में चौदह दिन के लिए वो बाहर आया हुआ है जहाँ पे वो जेनिफर काथिर इर के जो मर्डरर है उससे बदला लेना चाहता है तो जैसे कि मैंने कहा कि उसको गलती से जेल में डाल दिया था तो उसके बाद में जब वो चौदह साल के बाद पेरोल के ऊपर बाहर निकला हुआ है तो उसका पूरा फोकस अपने रिवेंज के ऊपर है तो फिल्म की कहानी वहीं से इंटरेस्टिंग तरीके से दिखाई गई है कि एक पूरा फोकस वहाँ पे दिखाया तो स्क्रीन प्ले काफ़ी टाइट रखा हुआ है तो सभी चीज़ें वहाँ पे किस तरह से कैसे क्या दिखाई जाती है किसने जेनिफ़र को मारा हुआ था उसकी बेटे को किसने क्या किया हुआ था वो सभी चीज़ें फिल्म की कहानी में दिखाई हुई है तो ये सभी चीज़ें देखने के लिए आपको फिल्म पूरी फिल्म देखनी पड़ेगी जहाँ पर डायरेक्टर ने डेफिनेटली एक अच्छा कॉन्सेप्ट चूज़ किया था इसमें थ्रिलिंग मोमेंट्स भी थे जिस तरह से इमोशनल एंगल डाला हुआ था एक्शन सिक्वेंस देखने को मिलते तो सभी चीज़ों का एक परफेक्ट कॉम्बो देखने को मिलता है डायरेक्टर ने डिसेंट मैनर में चीजों को हैंडल किया हुआ है हाँ कुछ चीज़ें इधर उधर हो गई है अगर उसको स्क्रीन प्ले में थोड़ा बेटर करते थे तो चीज़ें थोड़ी और बेहतरीन हो सकती थी लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो जयम रवि की ये फिल्म एज अ थ्रिलर के तौर के ऊपर देखा जाए तो एक डिसेंट है वैसे एक आइडिया काफी अच्छा था लेकिन थ्रिलिंग मोमेंट्स थोड़े और बेहतर तरीके से दिखाया जा सकता था और जो रेगुलर रिवेंट ड्रामा फिल्में जो ओल्ड सेक्वा वाले सिक्वेंस से, है तो उससे थोड़ी डिफरेंस आपको इस फिल्म में नज़र आएगा इसके अलावा इस फिल्म में आपको लॉजिकल एयर थोड़ी बहुत नज़र आ सकती है उसको थोड़े साइड में रखने पड़ेंगे टेक्निकली ये फिल्म मेड बनाई गई है सिनेमेटोग्राफी काफ़ी बढ़िया है एडिटिंग फिल्म की डिसेंट की गई है म्यूजिक डिपार्टमेंट में जो सॉन्ग है बैकग्राउंड स्कोर है वो फिल्म को सपोर्ट देते हुए नज़र आते हैं आर्ट डायरेक्शन सिनेमेटोग्राफी सभी चीज़ें काफ़ी बढ़िया थी एक्टर्स जैसे कि जयाम रवि कीर्ति सुरेश अनुपमा परमेश्वरन समुति रखानी योगी बाबू सभी का काम काफ़ी बढ़िया नज़र आता है जयाम रवि ने काफ़ी बढ़िया तरीके से अपने कंधे पर पूरी फिल्म को चलाया हुआ है और कीर्ति सुरेश का एक सपोर्टिंग परफॉर्मेंस फिल्म को काफ़ी शानदार बना जाता है ट्विस्ट और ऑटंस और कुछ सस्पेंस फिल्म को और बेहतर बनाने की कोशिश करता है और देखने एक देखने लायक फिल्म है इस फिल्म को आप डेफिनेटली देख सकते हो इस फिल्म के जो ओ और सैटेलाइट राइट्स थे वो स्टार नेटवर्क वालों ने खरीदे हुए थे जहाँ पे स्टार नेटवर्क के द्वारा इस फिल्म के तेलुगु तमिल कन्नड़ा मलयालम और हिंदी सभी वर्जन के ओ राइट्स खरीदे गए थे तमिल मेन वर्जन था बाकी तेलुगू कन्नड़ा मलयालम और हिंदी डब्ड वर्जन थे जहाँ पे स्टार विजय के पास इस फिल्म के तमिल वर्जन के राइट्स थे तमिल सेटेलाइट राइट्स थे इस फिल्म को ओ टी टी उन्नीस अप्रैल दो को प्रीमियर करवाया गया तो वहाँ पर भी एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला हुआ था तो फ़िलहाल में इस फिल्म को अगर आपको ऑफिशियली देखना है तो डिजनी प्लस हो स्टार के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन तमिल मेन लैंग्वेज के साथ हिंदी तेलगू कन्नडा मलयालम डब्ड वर्जन में आप इस फिल्म को इन्जॉय कर सकते हो जहाँ पे साइरन 108 नाम या साइरन नाम के साथ इस फिल्म को अवेलेबल किया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म का सेटेलाइट वर्जन आपको स्टार विजय टेलीविजन चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि साइरन फिल्म अभी आपको फिलहाल में ऑफिशियली देखने तो डिजनी प्लस होस्टार के ऊपर साइरन वन नाम के साथ हिंदी तमिल तेलुगू कन्नडा मलयालम इन सभी वर्ज़न में आप इन्जॉय कर सकते हो वहीं पे इस फिल्म का सैटेलाइट वर्जन स्टार विजय के ऊपर तमिल वर्जन में देखने को मिल जाएगा वो भी बिल्कुल फ्री में तो इस तरह से आप इस फिल्म को ऑफिशियली ओ टी टी और सैटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर हिंदी तमिल तेलुगू कन्नड़ा मलयालम इन सभी वर्जन में, में इन्जॉय कर सकते हो सायरन जिसको साइरन 108 नाम से भी मार्केट करके रिलीज किया गया था ये एक 2024 की इंडियन तमिल लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म थी फिल्म को थिएट्रिकली सिर्फ तमिल वर्जन में रिलीज किया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म का स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग डायरेक्शन सभी चीज़ें एंटनी भाग्यराज ने किए हुई है इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है सुजाता विजय कुमार ने जिन्होंने इस फिल्म को होम मूवी मेकर्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे एक डिजाइन बजट में बनाया हुआ था रेड जाइंट मूवीज़ के द्वारा इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था तमिल वर्जन में फिल्म की कास्ट में आपको जयाम रवि और कीर्ति सुरेश देखने को मिलेंगे टेक्निकल टीम में सिनेमाटोग्राफी है वो सिल्वा कुमार एस्के ने की हुई है एडिटिंग रूपेन ने की हुई थी जहाँ पे इस फिल्म को एक क्रिस्प रन टाइम दिया हुआ है ये फिल्म करीबन दो घंटे चौंतीस मिनट के रन टाइम के साथ सेंसर करवाई गई थी इसके अलावा म्यूजिक डिपार्टमेंट में सॉन्ग्स जीवी प्रकाश कुमार ने कंपोज किए हुए बैकग्राउंड स्कोर है वो सी एम सी एस ने कंपोज़ किया हुआ है म्यूजिक के राइट वो सोनी म्यूज़िक वालों ने अच्छी खासी प्राइस में खरीदे हुए फिल्म में टोटल चार ट्रैक थे जिसके लेंथ थी चौदह मिनट बावन सेकंड इन गानों को दो हज़ार बाईस तेईस में रिकॉर्ड किया हुआ था कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो जयराम जयाम रवि आपको इस फिल्म में लीड रोल में देखने को मिलेंगे जिन्होंने तिलंगा वर्मन यानी कि तिलागन का रोल प्ले किया हुआ है कीर्ति सुरेश ने इस फिल्म में इंस्पेक्टर के नंदिनी का रोल प्ले किया हुआ है अनुपमा परमेश्वर ने इस फिल्म में तिलागन की वाइफ का रोल यानी कि जेनिफर का रोल प्ले करती हुई नजर आएगी समुथी रखा ने इस फिल्म में डी एस पी एस नागले सॉरी ना, नगलिंगम आईपीएस का रोल प्ले किया हुआ है योगी बाबू को वेलंकन्नी का रोल दिया गया था इंसान अशरफ ने सपोर्टिंग रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे अला गम पेरुमल ने इस फिल्म में मनिकत्था गम अनाची का रोल प्ले किया हुआ है अजय आपको अनबू यानी कि अनबाला गन का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे सुरेंद्र के पी वाई ने इस फिल्म में विकी यानी कि वरन का रोल प्ले किया हुआ है तुलसी इस फिल्म में थिलागन की माँ का रोल प्ले करती हुई नजर आएगी चंद चंदनी चांदनी था तमिला रसन को इस फिल्म में कामाक्षी का रोल दिया गया है जो थिलागन की सिस्टर का रोल है यूवीना या यूविना पार्थवी को इस फिल्म में मलर का रोल मिला हुआ है जो थिलागन की डोटर का रोल था इसके अलावा मदन कुमार दक दक्षिणा मूर्ति इस फिल्म में ऐसा ही मूर्ति का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे मुत्तु कुमार इस फिल्म में काली मुत्तु का, का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे इंदुमती मणिकंदन का जो रोल था जो वो रोल उन्होंने उन्होंने इस फिल्म में विकी की माँ का रोल प्ले किया हुआ है <scooping on the camera> इसके अलावा इस फिल्म में आपको के पी विनोद देखने को मिलेंगे जिन्होंने इस फिल्म में जेक का रोल प्ले किया हुआ है पांड्यन इस फिल्म में नांदेसन एन एक पैथोलॉजिस्ट का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे तिरुक् कारसू ने इस फिल्म में जेलर का रोल प्ले, प्ले, प्ले किया हुआ है लालू ने इस फिल्म में मणिकंदन का रोल प्ले किया हुआ है प्रार्थना नाथन ने इस फिल्म में मणिकंदन के वाइफ का रोल प्ले किया है विघ्नेश सनमुगन ने कातिर का रोल प्ले किया है अभिषेक विनोद ने इस फिल्म में मणिकंदम के बेटे का रोल प्ले किया हुआ है उदय महेश ने इस फिल्म में इंटरप्रेटर का रोल प्ले किया है प्रियादर्शी राजकुमार इस फिल्म में जज के रोल में पास्ट का जो एपिसोड था उसमें देखने को मिलते हैं T.S.R. श्रीनिवासन इस फिल्म में मैजिस्ट्रेट का रोल प्ले किया हुआ है सुजाता बाबू ने नंदिनी की माँ का रोल प्ले किया हुआ है तो ये फिल्म के लीड प्रोमिनेंट कास्ट थी जिन्होंने इसमें महत्वपूर्ण रोल प्ले किए हुए प्रोडक्शन की ओर बढ़ते डेवलपमेंट की शुरुआत अर्ली अप्रैल 2021 से करवा दी गई थी जहाँ पर कुछ रिपोर्ट्स आए थे कि एंटनी भाग्यराज जो इस फिल्म के डरेक्टर है जिन्होंने को राइट की हुई थी विश्वासम दो की फिल्म को तो वो एक स्क्रिप्ट तैयार कर रहे थे उन्होंने वो स्क्रिप्ट जयाराम को सुनाई जयाराम उस स्क्रिप्ट से काफ़ी इंप्रेस हुए थे लेटर ऑन जयाराम ने इस फिल्म को करने के लिए एग्री कर लिया उसके बाद में इस फिल्म का फंड किया होम मूवी मेकर्स वालों ने यानी कि वो इस फिल्म के प्रोड्यूसर बने 29 अगस्त 2022 को होम मूवी मेकर्स के द्वारा पब्लिकली अनाउंस करवाया गया कि एक प्रोजेक्ट आ रहा है जहां पे एंटनी भाग्यराज और जयाम रवि के बीच में प्रोजेक्ट होने वाला है फिल्म का ऑफिशियल टाइटल लेटर ऑन साइरन नाम से अनाउंस किया गया है जीवी प्रकाश कुमार को इस फिल्म में म्यूजिक कंपोजर के लिए लिया गया था उसके अलावा सेल्वा कुमार एस्के को सिनेमाटोग्राफी हैंडल करने के लिए अप्रोच किया गया रूबेन को इस फिल्म की एडिटिंग का कमान संभालने के लिए दिया गया था वहीं पे इस फिल्म की जो पूजा सेरेमनी थी वो अर्ली सितंबर में रखी हुई थी जहां पे उसी महीने में इस फिल्म की शूटिंग भी स्टार्ट करवा दी गई थी साथ ही में इस फिल्म के नवंबर महीने तक काफ़ी सारी शूटिंग कंप्लीट हो चुकी थी समुति रखा ने योगी बाबू का पार्ट भी इसमें अनाउंस किया गया था कि वो इस फिल्म के भी इम्पोर्टेंट पात्र होने वाले प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी पाँच सेप्टेम्बर दो को स्टार्ट करवा गई करवा दी गई थी पहला शेड्यूल चेन्नई में रखा हुआ था उस शेड्यूल को अर्ली नवंबर तक कंप्लीट करवाया हुआ था सेकंड शेड्यूल था वो 10 नवंबर से करे कुदी में स्टार्ट किया हुआ था और अर्ली अप्रैल 2023 तक उसको भी पूरी तरह से कंप्लीट करवाया इस फिल्म का थर्ड शेड्यूल को कार्यकल में शूट किया हुआ था और उस शेड्यूल में एक गाना भी फीचर करवाया था जहाँ पर जयम रवि और अनुपमा परमेश्वर के बीच में वो गाना फिल्माया गया था और उस फिल्म को उस गाने के साथ फिल्म के पेचवर्क को भी अप्रैल महीने तक मिड अप्रैल तक पूरी तरह से रेपअप करवाया तो इस तरह से शूटिंग पोर्शन कंप्लीट किया गया था उसके बाद में म्यूजिक डबिंग मिक्सिंग मास्टरिंग एडिटिंग ऐसे पोस्ट प्रोडक्शन के काम में पूरा टाइम दिया गया और फिल्म को रिलीज़ के लिए तैयार किया हुआ था जहाँ पे सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला हुआ है म्यूज़िक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो जीवी प्रकाश कुमार ने इस फिल्म के म्यूज़िक के कंपोजिशन की हुई है जहां पे इस फिल्म के डायरेक्टर यानी कि भाग्यराज के साथ उनकी ये करीबन पहली फिल्म है जयाम रवि के साथ उनकी सेकंड फिल्म है इससे पहले निरम दो नील करके 2014 में जो फिल्म आई थी उसमें उन्होंने बैकग्राउंड स्कोर दिया हुआ था फिल्म के ऑडियो के राइट थे सोनी म्यूजिक वालों ने खरीदे हुए थे दो हजार के बीच में गानों को रिकॉर्ड किया गया चौदह मिनट बावन सेकंड के साउंड था तमिल वर्जन में गानों को तैयार किया हुआ था वहीं पर इस फिल्म में जो बैकग्राउंड स्कोर था सॉन्ग था वो सभी चीज़ें उन्होंने ही कंपोज की थी वैसे लेटर ऑन रिवील किया गया कि सेम सी एस ने इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर कंपोज़ किया हुआ है इसके अलावा 29 जनवरी 2024 तक सभी साउंड ट्रैक को रिलीज करवा दिया गया था अब इसके ऊपर प्रॉपर बातचीत करें तो नेत्रवराय जो गाना है उसको तमयरा तम राय ने लिखा हुआ था जहाँ पे सिद्ध श्री राम ने उसको गाया हुआ था कन्नामा गाने को पा विजय ने लिखा था हरिचरण ने उसको गाया हुआ था आदि आती ने इस फिल्म का ये गाना है उसको मुरुगन मांती राम ने लिखा हुआ था एंतनी दासन और सिंदूरी विशाल ने गाया हुआ था आज्ञम उडन जूकर के जो गाना था उसको स्नेहन ने लिखा हुआ था हरीश शिव सीव का शिव कृष्णन ने उसको गाया हुआ था तो ये टोटल चार ट्रैक थे जिसकी लेंथ थी चौदह मिनट बावन सेकंड ये सभी गाने अगर आपको फिलहाल में ऑफिशियली सुनने तो सुन सकते हो टी सी सॉरी सोनी म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर तमिल वर्जन में तो ये चारों गाने वहाँ पे सुनने को मिल जाएंगे वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में वो भी फ्री में अब रिलीज़ के और बढ़ते वैसे सायरन फिल्म को इनिशियली दिसंबर 2023 को थिएट्रिकली रिलीज़ करवाने वाले थे लेकिन पोस्ट प्रोडक्शन का काम काफ़ी ज़्यादा अनफिनिश था जिसके चलते इसको पोस्टपोन किया गया और इसी रीजन्स के चलते इस फिल्म को सोलह फरवरी दो को थिएटर में प्रीमियर करवाया गया रिलीज़ करवाया गया जहाँ पे सिर्फ तमिल वर्जन रिलीज था रेड जैंट मूवीज़ के द्वारा रिलीज़ दिलवाई गई थी फिल्म ने एक अच्छी खासी रिलीज़ ली हुई थी जहाँ पे इस फिल्म को मिक्स वर्ड ऑफ माउथ मिला ऑडियंस की तरफ से पॉजिटिव साइड ऑफ वर्ड ऑफ माउथ था वहीं पे जो क्रिटिक्स थे उसकी तरफ से एक मिक्स वर्ड ऑफ माउथ था तो ये मिक्स टू पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ के चलते आई एम डी पे इस फिल्म ने करीबन 1300 से 1400 वोट हासिल किए जिसमें सात पॉइंट तीन की रेटिंग हासिल हुई दस में से और इस रेटिंग के साथ फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे धीरे धीरे कलेक्शन करके दिखाया जहाँ पे साइरन फिल्म का जो ऑफ माउथ था वो मिक्स था जिसके चलते इस फिल्म ने पिकअप थोड़ा लेट लिया हुआ था वैसे पहले तीन दिन का कलेक्शन था वो डेफिनेटली जो विजयम रवि का स्टार्डम है उस हिसाब से थोड़ा कलेक्शन ज़्यादा आया हुआ था उसके बाद में डे बाई डे फिल्म के कलेक्शन में थोड़े बहुत चेंजेस देखने को मिले और पूरी तरह से इस फिल्म का करीबन बजट बताया गया था तीस करोड़ तो उस तीस करोड़ के बजट के सामने इस फिल्म ने उतना कुछ खास इंडिया में नेट कलेक्शन नहीं किया था लेकिन थिएट्रिकल ओ टी राइट्स सभी राइट्स बेचते करते इस फिल्म ने एक अच्छा खासा वर्ड ऑफ माउथ गेन किया और बॉक्स ऑफिस पे भी एक कलेक्शन था वो बेहतर तरीके से करके दिखाया तो उसी के रीज़न के चलते इस फिल्म ने ओवरऑल और और एक बिलो एवरेज तो नहीं बोल सकते एवरेज का का, का टेक मार्क बॉक्स ऑफिस पे हासिल किया कुछ का कहना है कि ये फिल्म सुपरहिट भी है अब बात करें इस फिल्म की का कहानी के ऊपर तो इस फिल्म में थिलागन करके एक ऑनेस्ट एम्बुलेंस ड्राइवर है जो कंचीपुरम में ड्राइव कर रहा है वहाँ पे रह रहा है तो उसको कुछ फोर्सली एक्यूज किया जाता है और उसी के रीजंस के चलते उसकी वाइफ के मर्डर के चलते उसको एक सेंटेंस सुनाया जाता देत का उसके बाद में जेनिफर और उसकी फ्रेंड का उसका फ्रेंड काथिर वो चौदह साल के बाद ता, पे, ता, पता चलता है वो कि चौदह साल के बाद पेरोल में चौदह दिन के लिए वो बाहर आया हुआ है जहाँ पे वो जेनिफर काथिर इर के जो मर्डरर है उससे बदला लेना चाहता है तो जैसे कि मैंने कहा कि उसको गलती से जेल में डाल दिया था तो उसके बाद में जब वो चौदह साल के बाद पेरोल के ऊपर बाहर निकला हुआ है तो उसका पूरा फोकस अपने रिवेंज के ऊपर है तो फिल्म की कहानी वहीं से इंटरेस्टिंग तरीके से दिखाई गई है कि एक पूरा फोकस वहां पे दिखाया तो स्क्रीन प्ले काफ़ी टाइट रखा हुआ है तो सभी चीज़ें वहां पे किस तरह से कैसे क्या दिखाई जाती है किसने जेनिफ़र को मारा हुआ था उसकी बेटे को किसने क्या किया हुआ था वो सभी चीज़ें फ़िल्म की कहानी में दिखाई हुए तो ये सभी चीज़ें देखने के लिए आपको फुल पूरी फिल्म देखनी पड़ेगी जहाँ पे डायरेक्टर ने डेफिनेटली एक अच्छा कॉन्सेप्ट चूज़ किया हुआ था इसमें थ्रिलिंग मोमेंट्स भी थे जिस तरह से इमोशनल एंगल डाला हुआ था एक्शन सीक्वेंस देखने को मिलते तो सभी चीज़ों का एक परफेक्ट कॉम्बो देखने को मिलता है डायरेक्टर ने डिसेंट मैनर में चीज़ों को हैंडल किया हुआ है हाँ कुछ चीज़ें इधर उधर हो गई है अगर उसको स्क्रीन प्ले में थोड़ा बेटर करते थे तो चीज़ें थोड़ी और बेहतरीन हो सकती थी लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो जयम रवि की ये फिल्म एज अ थ्रिलर के तौर के ऊपर देखा जाए तो एक डिसेंट है वैसे एक आइडिया काफ़ी अच्छा था लेकिन थ्रिलिंग मोमेंट्स थोड़े और बेहतर तरीके से दिखाया जा सकता था और जो रेगुलर रिवेंट ड्रामा फिल्में जो ओल्ड फ्लैस वाले सिक्वेंस है तो उससे थोड़ी डिफरेंस आपको इस फिल्म में नज़र आएगा इसके अलावा इस फिल्म में आपको लॉजिकल थोड़ी बहुत नजर आ सकती है उसको थोड़े साइड में रखने पड़ेंगे टेक्निकली फिल्म वेल मेड बनाई गई है सिनेमेटोग्राफी काफ़ी बढ़िया है एडिटिंग फिल्म की डिसेंट की गई है म्यूजिक डिपार्टमेंट में जो सॉन्ग है बैकग्राउंड स्कोर है वो फिल्म को सपोर्ट देते हुए नज़र आते हैं आर्ट डायरेक्शन सिनेमेटोग्राफी सभी चीज़ें काफ़ी बढ़िया थी एक्टर्स जैसे कि जया एम रवि कीर्ति सुरेश अनुपमा परमेश्वरन समुति रखानी योगी बाबू सभी का काम काफ़ी बढ़िया नज़र आता है जयाम रवि ने काफ़ी बढ़िया तरीके से अपने कंधे पर पूरी फिल्म को चलाया हुआ है और कीर्ति सुरेश का एक फिल्म को काफ़ी शानदार बना जाता है ट्विस्ट और 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 कुछ सस्पेंस फिल्म को बेहतर बनाने की कोशिश करता है और लेकिन देखने लायक फिल्म है इस फिल्म को आप डेफिनेटली देख सकते हो इस फिल्म के जो ओ और सैटेलाइट राइट्स थे वो स्टार नेटवर्क वालों ने खरीदे हुए थे जहाँ पे स्टार नेटवर्क के द्वारा इस फिल्म के तेलुगु तमिल कन्नड़ा मलयालम और हिंदी सभी वर्जन के ओ राइट्स खरीदे गए थे तमिल मेन वर्जन था बाकी तेलुगु कन्नडा मलयालम और हिंदी डब्ड वर्जन थे जहाँ पे स्टार विजय के पास इस फिल्म के तमिल वर्जन के राइट्स थे तमिल सेटेलाइट राइड्स से। है इस फिल्म को ओ टी टी उन्नीस अप्रैल दो को प्रीमियर करवाया गया तो वहाँ पर भी एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला हुआ था तो फिलहाल में इस फिल्म को अगर आपको ऑफिशियली देखना है तो डिजनी प्लस और के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन तमिल मेन लैंग्वेज के साथ हिंदी तेलुगु कन्नडा मलयालम डब्ड वर्जन में आप इस फिल्म को इन्जॉय कर सकते हो जहाँ पे साइरन 108 नाम या साइरन नाम के साथ इस फिल्म को अवेलेबल किया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म का सैटेलाइट वर्जन आपको स्टार विजय टेलीविजन चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि सायरन फिल्म अभी आपको फिलहाल में ऑफिशियली देखने तो डिजनी प्लस हो स्टार के ऊपर साइरन वन जीरो नाम के साथ हिंदी तमिल तेलगू कन्नडा मलयालम इन सभी वर्ज़न में आप इन्जॉय कर सकते हो वहीं पे इस फिल्म का सैटेलाइट वर्जन स्टार विजय के ऊपर तमिल वर्जन में देखने को मिल जाएगा वो भी बिल्कुल फ्री में तो इस तरह से आप इस फिल्म को ऑफिशियली ओ टी टी और सैटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर हिंदी तमिल तेलगु कन्नडा मलयालम इन सभी वर्जन में इन्जॉय कर सकते हो साइरन जिसको सायरन 108 नाम से भी मार्केट करके रिलीज़ किया गया था ये एक 2024 की इंडियन तमिल लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म थी फिल्म को थिएट्रिकली सिर्फ तमिल वर्जन में रिलीज किया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म का स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग डायरेक्शन सभी चीजें एंटनी भाग्यराज ने किए हुई है इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है सुजाता विजय कुमार ने जिन्होंने इस फिल्म को होम मूवी मेकर्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे एक डिजाइन बजट में बनाया हुआ था रेड जाइंट मूवीज़ के द्वारा इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था तमिल वर्जन में फिल्म के लीड कास्ट में आपको जयाम रवि और कीर्ति सुरेश देखने को मिलेंगे टेक्निकल टीम में सिनेमाटोग्राफी है वो सिल्वा कुमार एस्की ने की हुई है एडिटिंग रूपेन ने की हुई थी जहाँ पे इस फिल्म को एक क्रिस्प रन टाइम दिया हुआ है ये फिल्म करीबन दो घंटे चौंतीस मिनट के रन टाइम के साथ सेंसर करवाई गई थी इसके अलावा म्यूजिक डिपार्टमेंट में सॉन्ग्स जीवी प्रकाश कुमार ने कंपोज किए हुए बैकग्राउंड स्कोर है वो सी एम सी एस ने कंपोज किया हुआ है म्यूजिक के राइट्स है वो सोनी म्यूजिक वालों ने अच्छी खासी प्राइस में खरीदे हुए फिल्म में टोटल चार ट्रैक थे जिसके लेंथ ही चौदह मिनट बावन सेकंड इन गानों को दो हज़ार बाईस तेईस में रिकॉर्ड किया हुआ था कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो जयराम जयाम रवि आपको इस फिल्म में लीड रोल में देखने को मिलेंगे जिन्होंने तिलंगा वरमन यानी कि तिलागन का रोल प्ले किया हुआ है कीर्ति सुरेश ने इस फिल्म में इंस्पेक्टर के नंदिनी का रोल प्ले किया हुआ है अनुपमा परमेश्वर ने इस फिल्म में तिलागन की वाइफ का रोल यानी कि जेनिफर का रोल प्ले करते हुए नज़र आएगी समुथी रखा ने इस फिल्म में डी एस पी एस नागलीज सॉरी नगलिंगम ना आई का रोल प्ले किया हुआ है योगी बाबू को वेलंगनी का रोल दिया गया था इंसान अशरफ ने सपोर्टिंग रोल प्ले किया हुआ है वहीं पर अलागम पे, अलाग पे रुमल ने इस फिल्म में मनिकथा गम अनाची का रोल प्ले किया हुआ है अजय आपको अनबू यानी कि अनबाला गन का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे सुरेंद्र के पी वाई ने इस फिल्म में विकी यानी कि वरन का रोल प्ले किया हुआ है तुलसी इस फिल्म में थिलागन की माँ का रोल प्ले, प्ले करते हुए नजर आएगी चंदनी चांदनी तमिला रसन को इस फिल्म में कामाक्षी का रोल दिया गया है जो थिलंगन की सिस्टर का रोल है युविना या yeah, युविना पार्थवी को इस फिल्म में मलर का रोल मिला हुआ है जो तिलागन की डोटर का रोल था इसके अलावा मादन कुमार दक, दक्षिणा मूर्ति इस फिल्म में ऐसा मूर्ति का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे मुत्तु कुमार इस फिल्म में काली मुत्तु का रोल प्ले करते हुए नज़र आएंगे इंदुमती मणिकंदन का जो रोल था जो वो रोल उन्होंने उन्होंने इस फिल्म में विकी की मां का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म में आपको के पी विनोद देखने को मिलेंगे जिन्होंने इस फिल्म में जेक का रोल प्ले किया हुआ है पांड्यन इस फिल्म में नंदेसन एन एक पैथोलॉजिस्ट का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे तिरुक्क कारसू ने इस फिल्म में जेलर का रोल प्ले किया हुआ, हुआ है लालू ने इस फिल्म में मणिकंदन का रोल प्ले किया हुआ है प्रारथना नाथन ने इस फिल्म में मणिकंदन के वाइफ का रोल प्ले किया है विग्नेश सनमुगन ने कातिर का रोल प्ले किया है अभिषेक विनोद ने इस फिल्म में मणिकंदम के बेटे का रोल प्ले किया है उदय महेश ने इस फिल्म में इंटरप्रेटर का रोल प्ले किया हुआ है प्रियादर्शी राजकुमार इस फिल्म में जज के रोल में पास्ट का जो एपिसोड था उसमें देखने को मिलते हैं टी एस आर श्रीनिवासन ने इस फिल्म में मजिस्ट्रेट का रोल प्ले किया हुआ है सुजाता बाबू ने नंदिनी की मां का रोल प्ले किया हुआ है तो ये फिल्म के लीड प्रोमिनेंट कास्ट थी जिन्होंने इसमें महत्वपूर्ण रोल प्ले किए हुए हैं प्रोडक्शन की ओर बढ़ते डेवलपमेंट की शुरुआत अर्ली अप्रैल 2021 से करवा दी गई थी जहां पे कुछ रिपोर्ट्स आए थे कि एंटनी भाग्यराज जो इस फिल्म के डायरेक्टर है जिन्होंने को राइट की हुई थी विश्वासम 2019 की फिल्म को तो वो एक स्क्रिप्ट तैयार कर रहे थे उन्होंने वो स्क्रिप्ट जया को सुनाई जया उस स्क्रिप्ट से काफ़ी इंप्रेस हुए थे लेटर ऑन जया ने इस फिल्म को करने के लिए एग्री कर लिया उसके बाद में इस फिल्म का फंड किया होम मूवी मेकर्स वालों ने यानी कि वो इस फिल्म के प्रोड्यूसर बने 29 अगस्त 2022 को होम मूवी मेकर्स के द्वारा पब्लिकली अनाउंस करवाया गया कि एक प्रोजेक्ट आ रहा है जहां पे एंटनी भाग्यराज और जयाम रवि के बीच में प्रोजेक्ट होने वाला है फिल्म का ऑफिशियल टाइटल लेटर ऑन साइरन नाम से अनाउंस किया गया है जीवी प्रकाश कुमार को इस फिल्म में म्यूजिक कंपोजर के लिए लिया गया था उसके अलावा सेल्वा कुमार रिस्के को सिनेमाटोग्राफी हैंडल करने के लिए अप्रोच किया गया रुबेन को इस फिल्म की एडिटिंग का कमान संभालने के लिए दिया गया था वहीं पे इस फिल्म की जो पूजा सेरेमनी थी वो अर्ली सेप्टेम्बर में रखी हुई थी जहाँ पे उसी महीने में इस फिल्म की शूटिंग भी स्टार्ट करवा दी गई थी साथ ही में इस फिल्म के नवंबर महीने तक काफ़ी सारी शूटिंग कंप्लीट हो चुकी थी समूत्री रखा ने योगी बाबू का पार्ट भी इसमें अनाउंस किया गया था कि वो इस फिल्म के भी इम्पोर्टेंट पात्र होने वाले प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी 5 सितंबर 2022 को स्टार्ट करवा गई करवा दी गई थी पहला शेड्यूल चेन्नई में रखा हुआ था उस शेड्यूल को अर्ली नवम्बर तक कंप्लीट करवाया हुआ था सेकंड से शेड्यूल था वो 10 नवंबर से करई कुदी में स्टार्ट किया हुआ था और अर्ली अप्रैल 2023 तक उसको भी पूरी तरह से कंप्लीट करवाया इस फिल्म का थर्ड शेड्यूल को कार्यकाल में शूट किया हुआ था और उस शेड्यूल में एक गाना भी फीचर करवाया था जहाँ पर जयम रवि और अनुपमा परमेश्वर के बीच में वो गाना फिल्माया गया था और उस फिल्म को उस गाने के साथ फिल्म के पेचवर्क को भी अप्रैल महीने तक मिड अप्रैल तक पूरी तरह से रेप अप करवाया तो इस तरह से शूटिंग पोर्सन कम्प्लीट किया गया था उसके बाद में म्यूजिक डबिंग मिक्सिंग मास्टरिंग एडिटिंग ऐसे पोस्ट प्रोडक्शन के काम में पूरा टाइम दिया गया और फिल्म को रिलीज के लिए तैयार किया हुआ था जहाँ पे सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला हुआ है म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो जी प्रकाश कुमार ने इस फिल्म के म्यूजिक के कंपोजिशन की हुई है जहाँ पे इस फिल्म के डायरेक्टर यानी कि भाग्यराज के साथ उनकी ये करीबन पहली फिल्म है जयाम रवि के साथ उनकी सेकंड फिल्म है इससे पहले दो नील करके दो में जो फिल्म आई थी उसमें उन्होंने बैकग्राउंड स्कोर दिया हुआ था फिल्म के ऑडियो के राइट्स थे सोनी म्यूजिक वालों ने खरीदे हुए थे दो हजार बाईस के बीच में गानों को रिकॉर्ड किया गया चौदह बावन सेकंड का साउंड ट्रैक था तमिल वर्जन में गानों को तैयार किया हुआ था वहीं पे इस फिल्म में जो बैकग्राउंड स्कोर था सॉन्ग था वो सभी चीज़ें उन्होंने ही कंपोज़ की थी वैसे लेटर ऑन रिवील किया गया कि सेम एम सी एस ने इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर कंपोज किया हुआ है इसके अलावा 29 जनवरी 2024 तक सभी साउंड ट्रैक को रिलीज करवा दिया गया था अब इसके ऊपर प्रॉपर बातचीत करें तो नेत्रवराई जो गाना है उसको तमयरा तम ने लिखा हुआ था जहाँ पे सिद्ध श्री राम ने उसको गाया हुआ था कन्नामा गाने को पा विजय ने लिखा था हरिचरण ने उसको गाया हुआ था आदि आती ने इस फिल्म का ये गाना है उसको मुरुगन मांती राम ने लिखा हुआ था एंतनी दासन और सिंदूरी विशाल ने गाया हुआ था आज्ञम ओडान जूकर के जो गाना था उसको स्नेहन ने लिखा हुआ था हरीश शिव का शिव रामाकृष्णन ने उसको गाया हुआ था तो ये टोटल चार ट्रैक थे जिसकी लेंथ थी चौदह मिनट बावन सेकंड ये सभी गाने अगर आपको फिलहाल में ऑफिशियली सुनने तो सुन सकते हो टी सी सॉरी सोनी म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर तमिल वर्जन में तो ये चारों गाने वहाँ पे सुनने को मिल जाएंगे वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में वो भी फ्री में अब रिलीज़ के और बढ़ते वैसे सायरन फिल्म को इनिशियली दिसंबर 2023 को थिएट्रिकली रिलीज़ करवाने वाले थे लेकिन पोस्ट प्रोडक्शन का काम काफ़ी ज़्यादा अनफिनिश्ड था जिसके चलते इसको पोस्टपोन किया गया और इसी रीजंस के चलते इस फिल्म को 16 फरवरी 2024 को थिएटर में प्रीमियर करवाया गया रिलीज़ करवाया गया जहां पे सिर्फ तमिल वर्जन रिलीज था रेड जैंट मूवीज़ के द्वारा रिलीज़ दिलवाई गई थी फिल्म ने एक अच्छी खासी रिलीज़ ली हुई थी जहाँ पे इस फिल्म को मिक्स वर्ड ऑफ माउथ मिला ऑडियंस की तरफ से पॉजिटिव साइड ऑफ वर्ड ऑफ माउथ था वहीं पे जो क्रिटिक्स थे उसकी तरफ से एक मिक्स वर्ड ऑफ माउथ था तो ये मिक्स्ड टू पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ के चलते आई एम डी ए इस फिल्म ने करीबन 1300 से 1400 वोट हासिल किए जिसमें सात पॉइंट तीन की रेटिंग हासिल हुई दस में से और इस रेटिंग के साथ फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे धीरे धीरे कलेक्शन करके दिखाया जहाँ पे साइरन फिल्म का जो वर्ड ऑफ माउथ था वो मिक्स था जिसके चलते इस फिल्म ने पिकअप थोड़ा लेट लिया हुआ था वैसे पहले तीन दिन का कलेक्शन था वो डेफिनेटली जो जयम रवि का स्टार्डम है उस हिसाब से थोड़ा कलेक्शन ज़्यादा आया हुआ था उसके बाद में डे बाई डे फिल्म के कलेक्शन में थोड़े बहुत चेंजेस देखने को मिले और पूरी तरह से इस फिल्म का करीबन बजट बताया गया था तीस करोड़ तो उस तीस करोड़ के बजट के सामने इस फिल्म ने उतना कुछ खास इंडिया में नेट कलेक्शन नहीं किया था लेकिन थिएट्रिकल ओ टी टी राइट्स सभी राइट्स बेचते करते इस फिल्म ने एक अच्छा खासा वर्ड ऑफ माउथ गेन किया और बॉक्स ऑफिस पे भी एक कलेक्शन था वो बेहतर तरीके से करके दिखाया तो उसी के रीज़न के चलते इस फिल्म ने ओवरऑल और और एक बिलो एवरेज तो नहीं बोल सकते एवरेज का का, का टेक मार्क बॉक्स ऑफिस पे हासिल किया कुछ का कहना है कि ये फिल्म सुपरहिट भी है अब बात करें इस फिल्म की का कहानी के ऊपर तो इस फिल्म में थीलागन करके एक ऑनेस्ट एम्बुलेंस ड्राइवर है जो कंचीपुरम में ड्राइव कर रहा है वहाँ पे रह रहा है तो उसको कुछ फोर्सली एक्यूज किया जाता है और उसी के रीजन के चलते उसकी वाइफ के मर्डर के चलते उसको एक सेंटेंस सुनाया जाता है का उसके बाद में जेनिफर और उसकी फ्रेंड का उसका फ्रेंड काथिर वो चौदह साल के बाद ता, पे, ता, पता चलता है वो कि चौदह साल के बाद पेरोल में चौदह दिन के लिए वो बाहर आया हुआ है जहाँ पे वो जेनिफर काथिर इर के जो मर्डरर है उससे बदला लेना चाहता है तो जैसे कि मैंने कहा कि उसको गलती से जेल में डाल दिया था तो उसके बाद में जब वो चौदह साल के बाद पेरोल के ऊपर बाहर निकला हुआ है तो उसका पूरा फोकस अपने रिवेंज के ऊपर है तो फिल्म की कहानी वहीं से इंटरेस्टिंग तरीके से दिखाई गई है कि एक पूरा फोकस वहाँ पे दिखाया तो स्क्रीन प्ले काफ़ी टाइट रखा हुआ है तो सभी चीज़ें वहाँ पे किस तरह से कैसे क्या दिखाई जाती है किसने जेनिफ़र को मारा हुआ था उसकी बेटे को किसने क्या किया हुआ था वो सभी चीज़ें फिल्म की कहानी में दिखाई हुई है तो ये सभी चीज़ें देखने के लिए आपको फिल्म पूरी फिल्म देखनी पड़ेगी जहाँ पर डायरेक्टर ने डेफिनेटली एक अच्छा कॉन्सेप्ट चूज़ किया था इसमें थ्रिलिंग मोमेंट्स भी थे जिस तरह से इमोशनल एंगल डाला हुआ था एक्शन सिक्वेंस देखने को मिलते तो सभी चीज़ों का एक परफेक्ट कॉम्बो देखने को मिलता है डायरेक्टर ने डिसेंट मैनर में चीजों को हैंडल किया हुआ है हाँ कुछ चीज़ें इधर उधर हो गई है अगर उसको स्क्रीन प्ले में थोड़ा बेटर करते थे तो चीज़ें थोड़ी और बेहतरीन हो सकती थी लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो जयम रवि की ये फिल्म एज अ थ्रिलर के तौर के ऊपर देखा जाए तो एक डिसेंट है वैसे एक आइडिया काफ़ी अच्छा था लेकिन थ्रिलिंग मोमेंट्स थोड़े और बेहतर तरीके से दिखाया जा सकता था और जो रेगुलर रिवेंट ड्रामा फिल्में जो ओल्ड फ्लैसे वाले सिक्वेंस है तो उससे थोड़ी डिफरेंस आपको इस फिल्म में नज़र आएगा इसके अलावा इस फिल्म में आपको लॉजिकल एयर थोड़ी बहुत नज़र आ सकती है उसको थोड़े साइड में रखने पड़ेंगे टेक्निकली ये फिल्म मेड बनाई गई है सिनेमेटोग्राफी काफ़ी बढ़िया है एडिटिंग फिल्म की डिसेंट की गई है म्यूजिक डिपार्टमेंट में जो सॉन्ग थे बैकग्राउंड स्कोर है वो फिल्म को सपोर्ट देते हुए नज़र आते हैं आर्ट डायरेक्शन सिनेमेटोग्राफी सभी चीज़ें काफ़ी बढ़िया थी एक्टर्स जैसे कि जयाम रवि कीर्ति सुरेश अनुपमा परमेश्वरन समुति रखानी योगी बाबू सभी का काम काफ़ी बढ़िया नज़र आता है जयाम रवि ने काफ़ी बढ़िया तरीके से अपने कंधे पर पूरी फिल्म को चलाया हुआ है और कीर्ति सुरेश का एक सपोर्टिंग परफॉर्मेंस फिल्म को काफ़ी शानदार बना जाता है ट्विस्ट और ऑटंस और कुछ सस्पेंस फिल्म को और बेहतर बनाने की कोशिश करता है और लेकिन देखने लायक फिल्म है इस फिल्म को आप डेफिनेटली देख सकते हो इस फिल्म के जो ओ और सैटेलाइट राइट्स थे वो स्टार नेटवर्क वालों ने खरीदे हुए थे जहाँ पे स्टार नेटवर्क के द्वारा इस फिल्म के तेलुगु तमिल कन्नड़ा मलयालम और हिंदी सभी वर्जन के ओ राइट्स खरीदे गए थे तमिल मेन वर्जन था बाकी तेलुगू कन्नड़ा मलयालम और हिंदी डब्ड वर्जन थे जहाँ पे स्टार विजय के पास इस फिल्म के तमिल वर्जन के राइट्स थे तमिल सेटेलाइट राइट्स थे इस फिल्म को ओ टी टी उन्नीस अप्रैल दो को प्रीमियर करवाया गया तो वहाँ पर भी एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला हुआ था तो फ़िलहाल में इस फिल्म को अगर आपको ऑफिशियली देखना है तो डिजनी प्लस हो स्टार के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन तमिल मेन लैंग्वेज के साथ हिंदी तेलगू कन्नडा मलयालम डब्ड वर्जन में आप इस फिल्म को इन्जॉय कर सकते हो जहाँ पे साइरन 108 नाम या साइरन नाम के साथ इस फिल्म को अवेलेबल किया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म का सैटेलाइट वर्जन आपको स्टार विजय टेलीविजन चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि साइरन फिल्म अभी आपको फिलहाल में ऑफिशियली देखने तो डिजनी प्लस होट स्टार के ऊपर साइरन वन नाम के साथ हिंदी तमिल तेलुगु, कन्नडा मलयालम इन सभी वर्जन में आप एंजॉय कर सकते हो वहीं पे इस फिल्म का सैटेलाइट वर्जन स्टार विजय के ऊपर तमिल वर्जन में देखने को मिल जाएगा वो भी बिल्कुल फ्री में तो इस तरह से आप इस फिल्म को ऑफिशियली ओ टी टी और प्लेटफॉर्म के ऊपर हिंदी तमिल तेलगू कन्नडा मलयालम इन सभी वर्जन में इन्जॉय कर सकते हो साइरन जिसको साइरन 108 नाम से भी मार्केट करके रिलीज़ किया गया था ये एक 2024 की इंडियन तमिल लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म थी फिल्म को थिएट्रिकली सिर्फ तमिल वर्जन में रिलीज़ किया हुआ था जहां पे इस फिल्म का स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग डायरेक्शन सभी चीज़ें एंटनी भाग्यराज ने किए हुई है इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है सुजाता विजय कुमार ने जिन्होंने इस फिल्म को होम मूवी मेकर्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे एक डिजाइन बजट में बनाया हुआ था रेड जाइंट मूवीज़ के द्वारा इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था तमिल वर्जन में फिल्म के लीड कास्ट में आपको जयाम रवि और कीर्ति सुरेश देखने को मिलेंगे टेक्निकल टीम में सिनेमाटोग्राफी है वो सिल्वा कुमार इसके ने की हुई है एडिटिंग रूपेन ने की हुई थी जहाँ पे इस फिल्म को एक क्रिस्प रन टाइम दिया हुआ है ये फिल्म करीबन दो घंटे चौंतीस मिनट के रन टाइम के साथ सेंसर करवाई गई थी इसके अलावा म्यूजिक डिपार्टमेंट में सॉन्ग्स जीवी प्रकाश कुमार ने कंपोज किए हुए बैकग्राउंड स्कोर है वो सी एम सी एस ने कंपोज़ किया हुआ है म्यूजिक के राइट है वो सोनी म्यूजिक वालों ने अच्छी खासी प्राइस में खरीदे हुए फिल्म में टोटल चार ट्रैक थे जिसके लेंथ थी चौदह मिनट बावन सेकंड इन गानों को दो हज़ार बाईस तेईस में रिकॉर्ड किया हुआ था कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो जयराम जयाम रवि आपको इस फिल्म में लीड रोल में देखने को मिलेंगे जिन्होंने तिलंगा वर्मन यानी कि तिलागन का रोल प्ले किया हुआ है कीर्ति सुरेश ने इस फिल्म में इंस्पेक्टर के नंदिनी का रोल प्ले किया हुआ है अनुपमा परमेश्वर ने इस फिल्म में तिलागन की वाइफ का रोल यानी कि जेनिफर का रोल प्ले करती हुई नजर आएगी समुथी रखा ने इस फिल्म में डी एस पी एस नागले सॉरी ना, नगलिंगम आईपीएस का रोल प्ले किया हुआ है योगी बाबू को वेलंकन्नी का रोल दिया गया था इंसान अशरफ ने सपोर्टिंग रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे अला गम पेरुमल ने इस फिल्म में मनिकत्था गम अनाची का रोल प्ले किया हुआ है अजय आपको अनबू यानी कि अनबाला गन का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे सुरेंद्र के पी वाई ने इस फिल्म में विकी यानी कि वरन का रोल प्ले किया हुआ है तुलसी इस फिल्म में थिलागन की माँ का रोल प्ले करती हुई नजर आएगी चंद चंदनी चांदनी था तमिला रसन को इस फिल्म, का फिल्म में कामाक्षी का रोल का का दिया गया है जो थिलागन की सिस्टर का रोल है यूवीना या यूविना पार्थवी को इस फिल्म में मलर का रोल मिला हुआ है जो थिलागन की डॉटर का रोल था इसके अलावा माधन कुमार दक दक्षिणा मूर्ति इस फिल्म में ऐसा ही मूर्ति का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे मुत्तु कुमार इस फिल्म में काली मुत्तु का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे इंदुमती मणिकंदन का जो रोल था जो वो रोल उन्होंने उन्होंने इस फिल्म में विकी की माँ का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म में आपको के पी विनोद देखने को मिलेंगे जिन्होंने इस फिल्म में जेक का रोल प्ले किया हुआ है पांड्यन इस फिल्म में नांदेसन एन एक पैथोलॉजिस्ट का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे तिरुक् कारसू ने इस फिल्म में जेलर का रोल प्ले किया हुआ है लालू ने इस फिल्म में मणिकंदन का रोल प्ले किया हुआ है प्रार्थना नाथन ने इस फिल्म में मणिकंदन के वाइफ का रोल प्ले किया हुआ है विघ्नेश सनमुगन ने कातिर का रोल प्ले किया हुआ है अभिषेक विनोद ने इस फिल्म में मणिकंदम के बेटे का रोल प्ले किया हुआ है उदय महेश ने इस फिल्म में इंटरप्रेटर का रोल प्ले किया है प्रियादर्शी राजकुमार इस फिल्म में जज के रोल में पास्ट का जो एपिसोड था उसमें देखने को मिलते हैं T.S.R. एस श्रीनिवासन ने इस फिल्म में मैजिस्ट्रेट का रोल प्ले किया हुआ है सुजाता बाबू ने नंदनी की माँ का रोल प्ले किया हुआ है तो ये फिल्म के लीड प्रोमिनेंट कास्ट थी जिन्होंने इसमें महत्वपूर्ण रोल प्ले किए हुए प्रोडक्शन की ओर बढ़ते डेवलपमेंट की शुरुआत अर्ली अप्रैल 2021 से करवा दी गई थी जहाँ पर कुछ रिपोर्ट्स आए थे कि एंटनी भाग्यराज जो इस फिल्म के डरेक्टर है जिन्होंने को राइट की हुई थी विश्वासम दो की फिल्म को तो वो एक स्क्रिप्ट तैयार कर रहे थे उन्होंने वो स्क्रिप्ट जयाराम को सुनाई जयाराम उस स्क्रिप्ट से काफ़ी इंप्रेस हुए थे लेटर ऑन जयाराम ने इस फिल्म को करने के लिए एग्री कर लिया उसके बाद में इस फिल्म का फंड किया होम मूवी मेकर्स वालों ने यानी कि वो इस फिल्म के प्रोड्यूसर बने 29 अगस्त 2022 को होम मूवी मेकर्स के द्वारा पब्लिकली अनाउंस करवाया गया कि एक प्रोजेक्ट आ रहा है जहां पे एंटनी भाग्यराज और जयाम रवि के बीच में प्रोजेक्ट होने वाला है फिल्म का ऑफिशियल टाइटल लेटर ऑन साइरन नाम से अनाउंस किया गया जीवी प्रकाश कुमार को इस फिल्म में म्यूजिक कंपोजर के लिए लिया गया था उसके अलावा सेल्वा कुमार एस्के को, को सिनेमाटोग्राफी हैंडल करने के लिए अप्रोच किया गया रुबेन को इस फिल्म की एडिटिंग का कमान संभालने के लिए दिया गया था वहीं पे इस फिल्म की जो पूजा सेरेमनी थी वो अर्ली सितंबर में रखी हुई थी जहां पे उसी महीने में इस फिल्म की शूटिंग भी स्टार्ट करवा दी गई थी साथ ही में इस फिल्म के नवंबर महीने तक काफ़ी सारी शूटिंग कंप्लीट हो चुकी थी समूति रखाने योगी बाबू का पार्ट भी इसमें अनाउंस किया गया था कि वो इस फिल्म के भी इम्पोर्टेंट पात्र होने वाले प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी पाँच सेप्टेम्बर दो को स्टार्ट करवा गई करवा दी गई थी पहला शेड्यूल चेन्नई में रखा हुआ था उस शेड्यूल को अर्ली नवंबर तक कम्प्लीट करवाया हुआ था सेकंड शेड्यूल था वो दस नवंबर से करई कुदी में स्टार्ट किया हुआ था और अर्ली अप्रैल 2023 तक उसको भी पूरी तरह से कंप्लीट करवाया इस फिल्म का थर्ड शेड्यूल को कार्यकाल में शूट किया हुआ था और उस शेड्यूल में एक गाना भी फीचर करवाया था जहाँ पर जयम रवि और अनुपमा परमेश्वर के बीच में वो गाना फिल्माया गया था और उस फिल्म को उस गाने के साथ फिल्म के पेचवर्क को भी अप्रैल महीने तक मिड अप्रैल तक पूरी तरह से रेपअप करवाया तो इस तरह से शूटिंग पोर्शन कंप्लीट किया गया था उसके बाद में म्यूजिक डबिंग मिक्सिंग मास्टरिंग एडिटिंग ऐसे पोस्ट प्रोडक्शन के काम में पूरा टाइम दिया गया और फिल्म को रिलीज के लिए तैयार किया हुआ था जहाँ पे सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला हुआ है म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो जीवी प्रकाश कुमार ने इस फिल्म के म्यूजिक के कंपोजिशन की हुई है जहाँ पे इस फिल्म के डायरेक्टर यानी कि भाग्यराज के साथ उनकी ये करीबन पहली फिल्म है जयम रवि के साथ उनकी सेकंड फिल्म है इससे पहले निरिंदू नील करके 2014 में जो फिल्म आई थी उसमें उन्होंने बैकग्राउंड स्कोर दिया हुआ था फिल्म के ऑडियो के राइट थे सोनी म्यूजिक वालों ने खरीदे हुए थे 2022 23 के बीच में गानों को रिकॉर्ड किया गया 14 मिनट 52 सेकंड का साउंडट्रैक था तमिल वर्जन में गानों को तैयार किया हुआ था वहीं पे इस फिल्म में जो बैकग्राउंड स्कोर था सॉन्ग था वो सभी चीज़ें उन्होंने ही कंपोज की थी वैसे लेटर ऑन रिवील किया गया कि सेम सीएस सी एस ने इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर कंपोज़ किया हुआ है इसके अलावा 29 जनवरी 2024 तक सभी साउंड ट्रैक को रिलीज करवा दिया गया था अब इसके ऊपर प्रॉपर बातचीत करें तो नेत्रवराय जो गाना है उसको तमयरा तम राय ने लिखा हुआ था जहाँ पे सिद्ध श्री राम ने उसको गाया हुआ था कन्नामा गाने को पा विजय ने लिखा था हरिचरण ने उसको गाया हुआ था आदि आती ने इस फिल्म का ये गाना है उसको मुरुगन मांती राम ने लिखा हुआ था एंतनी दासन और सिंदूरी विशाल ने गाया हुआ था आज्ञम उडन जूकर के जो गाना था उसको स्नेहन ने लिखा हुआ था हरीश शिव का शिव रामाकृष्णन ने उसको गाया हुआ था तो ये टोटल चार ट्रैक थे जिसकी लेंथ थी चौदह मिनट बावन सेकंड ये सभी गाने अगर आपको फिलहाल में ऑफिशियली सुनने तो सुन सकते हो टी सी सॉरी सोनी म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर तमिल वर्जन में तो ये चारों गाने वहाँ पे सुनने को मिल जाएंगे वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में वो भी फ्री में अब रिलीज़ के और बढ़ते वैसे सायरन फिल्म को इनिशियली दिसंबर 2023 को थिएट्रिकली रिलीज़ करवाने वाले थे लेकिन पोस्ट प्रोडक्शन का काम काफ़ी ज़्यादा अनफिनिश था जिसके चलते इसको पोस्टपोन किया गया और इसी रीजन्स के चलते इस फिल्म को सोलह फरवरी दो को थिएटर में प्रीमियर करवाया गया रिलीज़ करवाया गया जहाँ पे सिर्फ तमिल वर्जन रिलीज था रेड जैंट मूवीज़ के द्वारा रिलीज़ दिलवाई गई थी फिल्म ने एक अच्छी खासी रिलीज़ ली हुई थी जहाँ पे इस फिल्म को मिक्स वर्ड ऑफ माउथ मिला ऑडियंस की तरफ से पॉजिटिव साइड ऑफ वर्ड ऑफ माउथ था वहीं पे जो क्रिटिक्स थे उसकी तरफ से एक मिक्स वर्ड ऑफ माउथ था तो ये मिक्स टू पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ के चलते आई एम डी पे इस फिल्म ने करीबन 1300 से 1400 वोट हासिल किए जिसमें सात पॉइंट तीन की रेटिंग हासिल हुई दस में से और इस रेटिंग के साथ फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे धीरे धीरे कलेक्शन करके दिखाया जहाँ पे साइरन फिल्म का जो ऑफ माउथ था वो मिक्स था जिसके चलते इस फिल्म ने पिकअप थोड़ा लेट लिया हुआ था वैसे पहले तीन दिन का कलेक्शन था वो डेफिनेटली जो विजयम रवि का स्टार्डम है उस हिसाब से थोड़ा कलेक्शन ज़्यादा आया हुआ था उसके बाद में डे बाई डे फिल्म के कलेक्शन में थोड़े बहुत चेंजेस देखने को मिले और पूरी तरह से इस फिल्म का करीबन बजट बताया गया था तीस करोड़ तो उस तीस करोड़ के बजट के सामने इस फिल्म ने उतना कुछ खास इंडिया में नेट कलेक्शन नहीं किया था लेकिन थिएट्रिकल ओ टी राइट्स सभी राइट्स बेचते करते इस फिल्म ने एक अच्छा खासा वर्ड ऑफ माउथ गेन किया और बॉक्स ऑफिस पे भी एक कलेक्शन था वो बेहतर तरीके से करके दिखाया तो उसी के रीज़न के चलते इस फिल्म ने ओवरऑल और और एक बिलो एवरेज तो नहीं बोल सकते एवरेज का का मार्क बॉक्स ऑफिस पे हासिल किया कुछ का कहना है कि ये फिल्म सुपरहिट भी है अब बात करें इस फिल्म की का कहानी के ऊपर तो इस फिल्म में थिलागन करके एक ऑनेस्ट एम्बुलेंस ड्राइवर है जो कंचीपुरम में ड्राइव कर रहा है वहाँ पे रह रहा है तो उसको कुछ फोर्सली एक्यूज किया जाता है और उसी के रीजंस के चलते उसकी वाइफ के मर्डर के चलते उसको एक सेंटेंस सुनाया जाता देत का उसके बाद में जेनिफर और उसकी फ्रेंड का उसका फ्रेंड काथिर वो चौदह साल के बाद ता, पे, ता, पता चलता है वो कि चौदह साल के बाद पेरोल में चौदह दिन के लिए वो बाहर आया हुआ है जहाँ पे वो जेनिफर काथिर इर के जो मर्डरर है उससे बदला लेना चाहता है तो जैसे कि मैंने कहा कि उसको गलती से जेल में डाल दिया था तो उसके बाद में जब वो चौदह साल के बाद पेरोल के ऊपर बाहर निकला हुआ है तो उसका पूरा फोकस अपने रिवेंज के ऊपर है तो फिल्म की कहानी वहीं से इंटरेस्टिंग तरीके से दिखाई गई है कि एक पूरा फोकस वहां पे दिखाया तो स्क्रीन प्ले काफ़ी टाइट रखा हुआ है तो सभी चीज़ें वहां पे किस तरह से कैसे क्या दिखाई जाती है किसने जेनिफर को मारा हुआ था उसकी बेटे को किसने क्या किया हुआ था वो सभी चीज़ें फ़िल्म की कहानी में दिखाई हुए तो ये सभी चीज़ें देखने के लिए आपको फुल पूरी फिल्म देखनी पड़ेगी जहाँ पे डायरेक्टर ने डेफिनेटली एक अच्छा कॉन्सेप्ट चूज़ किया हुआ था इसमें थ्रिलिंग मोमेंट्स भी थे जिस तरह से इमोशनल एंगल डाला हुआ था एक्शन सीक्वेंस देखने को मिलते तो सभी चीज़ों का एक परफेक्ट कॉम्बो देखने को मिलता है डायरेक्टर ने डिसेंट मैनर में चीज़ों को हैंडल किया हुआ है हाँ कुछ चीज़ें इधर उधर हो गई है अगर उसको स्क्रीन प्ले में थोड़ा बेटर करते थे तो चीज़ें थोड़ी और बेहतरीन हो सकती थी लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो जयम रवि की ये फिल्म एज अ थ्रिलर के तौर के ऊपर देखा जाए तो एक डिसेंट है वैसे एक आइडिया काफ़ी अच्छा था लेकिन थ्रिलिंग मोमेंट्स थोड़े और बेहतर तरीके से दिखाया जा सकता था और जो रेगुलर रिवेंट ड्रामा फिल्में जो ओल्ड फ्लैस वाले सिक्वेंस है तो उससे थोड़ी डिफरेंस आपको इस फिल्म में नज़र आएगा इसके अलावा इस फिल्म में आपको लॉजिकल थोड़ी बहुत नजर आ सकती है उसको थोड़े साइड में रखने पड़ेंगे टेक्निकली फिल्म वेल मेड बनाई गई है सिनेमेटोग्राफी काफ़ी बढ़िया है एडिटिंग फिल्म की डिसेंट की गई है म्यूजिक डिपार्टमेंट में जो सॉन्ग है बैकग्राउंड स्कोर है वो फिल्म को सपोर्ट देते हुए नज़र आते हैं आर्ट डायरेक्शन सिनेमेटोग्राफी सभी चीज़ें काफ़ी बढ़िया थी एक्टर्स जैसे कि जयम रवि कीर्ति सुरेश अनुपमा परमेश्वरन समुति रखानी योगी बाबू सभी का काम काफ़ी बढ़िया नज़र आता है जयाम रवि ने काफ़ी बढ़िया तरीके से अपने कंधे पर पूरी फिल्म को चलाया हुआ है और कीर्ति सुरेश का एक फिल्म को काफ़ी शानदार बना जाता है ट्विस्ट और 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 कुछ सस्पेंस फिल्म को बेहतर बनाने की कोशिश करता है और लेकिन देखने लायक फिल्म है इस फिल्म को आप डेफिनेटली देख सकते हो इस फिल्म के जो ओ और सैटेलाइट राइट्स थे वो स्टार नेटवर्क वालों ने खरीदे हुए थे जहाँ पे स्टार नेटवर्क के द्वारा इस फिल्म के तेलुगु तमिल कन्नड़ा मलयालम और हिंदी सभी वर्जन के ओ राइट्स खरीदे गए थे तमिल मेन वर्जन था बाकी तेलुगु कन्नडा मलयालम और हिंदी डब्ड वर्जन थे जहाँ पे स्टार विजय के पास इस फिल्म के तमिल वर्जन के राइट्स थे तमिल सैटेलाइट राइट्स थे इस फिल्म को ओ टी टी उन्नीस अप्रैल दो को प्रीमियर करवाया गया तो वहाँ पर भी एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला हुआ था तो फिलहाल में इस फिल्म को अगर आपको ऑफिशियली देखना है तो डिजनी प्लस और के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन तमिल मेन लैंग्वेज लें के साथ हिंदी तेलुगु कन्नडा मलयालम डब्ड वर्जन में आप इस फिल्म को इन्जॉय कर सकते हो जहाँ पे साइरन 108 नाम या साइरन नाम के साथ इस फिल्म को अवेलेबल किया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म का सैटेलाइट वर्ज़न आपको स्टार विजय टेलीविज़न चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि साइरन फिल्म अभी आपको फ़िलहाल में ऑफिशियली देखने तो डिजनी प्लस हो स्टार के ऊपर सायरन वन जीरो एट नाम के साथ हिंदी तमिल तेलगू कन्नड़ा मलयालम इन सभी वर्ज़न में आप इन्जॉय कर सकते हो वहीं पर इस फिल्म का सैटेलाइट वर्जन स्टार विजय के ऊपर तमिल वर्जन में देखने को मिल जाएगा वो भी बिल्कुल फ्री में तो इस तरह से आप इस फिल्म को ऑफिशियली ओ टी टी और सेटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर हिंदी तमिल तेलुगु, कन्नड़ा मलयालम इन सभी वर्ज़न में एंजॉय कर सकते हो साइरन जिसको सायरन 108 नाम से भी मार्केट करके रिलीज़ किया गया था ये एक दो की इंडियन तमिल लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म थी फिल्म को थिएट्रिकली सिर्फ तमिल वर्जन में रिलीज़ किया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म का स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग डायरेक्शन सभी चीज़ें एंटनी भाग्यराज ने की हुई है इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ सुजाता विजय कुमार ने जिन्होंने इस फिल्म को होम मूवी मेकर्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे एक डिजाइन बजट में बनाया हुआ था रेड जाइंट मूवीज के द्वारा इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था तमिल वर्जन में फिल्म की कास्ट में आपको जयाम रवि और कीर्ति सुरेश देखने को मिलेंगे टेक्निकल टीम में सिनेमाटोग्राफी है वो सेल्वा कुमार एसके ने की हुई है एडिटिंग रूपेन ने की हुई थी जहाँ पे इस फिल्म को एक क्रिस्प रन टाइम दिया हुआ है ये फिल्म करीबन दो घंटे चौतीस मिनट के रन टाइम के साथ सेंसर करवाई गई थी इसके अलावा म्यूज़िक डिपार्टमेंट में सॉन्ग्स जी प्रकाश कुमार ने कम्पोज़ किए हुए बैकग्राउंड स्कोर है वो सी सी एस ने कम्पोज किया हुआ है म्यूजिक के राइट्स है वो सोनी म्यूजिक वालों ने अच्छी खासी प्राइस में ख़रीदे हुए फिल्म में टोटल चार ट्रैक थे जिसके लेंथ थी चौदह मिनट बावन सेकंड इन गानों को 2022 हज़ार में रिकॉर्ड किया हुआ था कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो जयराम जयाम रवि आपको इस फिल्म में लीड रोल में देखने को मिलेंगे जिन्होंने तिलंगा वरमन यानी कि तिलागन का रोल प्ले किया हुआ है कीर्ति सुरेश ने इस फिल्म में इंस्पेक्टर के नंदिनी का रोल प्ले किया हुआ है अनुपमा परमेश्वर ने इस फिल्म में तिलागन की वाइफ का रोल यानी कि जेनिफर का रोल प्ले करते हुए नज़र आएगी समुथी रखा ने इस फिल्म में डी एस पी एस नागलीज सॉरी ना ना नगलिंगम आई का रोल प्ले किया हुआ है योगी बाबू को वेलंगनी का रोल दिया गया था इंसान अशरफ ने सपोर्टिंग रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे अलागम पेरुमल ने इस फिल्म में मनिकथा गम अनाची का रोल प्ले किया हुआ है अजय आपको अनबू यानी कि अनबाला गन का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे सुरेंद्र के पी वाई ने इस फिल्म में विकी यानी कि वरन का रोल प्ले किया हुआ है तुलसी इस फिल्म में थिलागन की माँ का रोल प्ले करते हुए नजर आएगी चंदनी चांदनी तमिलासन को इस फिल्म में कामाक्षी का रोल दिया गया है जो थिलांगन की सिस्टर का रोल है युविना या yeah, युविना पार्थवी को इस फिल्म में मलर का रोल मिला हुआ है जो तिलागन की डोटर का रोल था इसके अलावा मादन कुमार दक, दक्षिणा मूर्ति इस फिल्म में ऐसा मूर्ति का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे मुत्तु कुमार इस फिल्म में काली मुत्तु का रोल प्ले करते हुए नज़र आएंगे इंदुमती मणिकंदन का जो रोल था जो वो रोल उन्होंने उन्होंने इस फिल्म में विकी की मां का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म में आपको के पी विनोद देखने को मिलेंगे जिन्होंने इस फिल्म में जेक का रोल प्ले किया हुआ है पांड्यन इस फिल्म में नंदेसन एन एक पैथोलॉजिस्ट का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे तिरुक्क कारसू ने इस फिल्म में जेलर का रोल प्ले किया हुआ है लालू ने इस फिल्म में मणिकंदन का रोल प्ले किया हुआ है प्रारथना नाथन ने इस फिल्म में मणिकंदन के वाइफ का रोल प्ले किया है विग्नेश सनमुगन ने कातिर का रोल प्ले किया है अभिषेक विनोद ने इस फिल्म में मणिकंदम के बेटे का रोल प्ले किया है उदय महेश ने इस फिल्म में इंटरप्रेटर का रोल प्ले किया हुआ है प्रियादर्शी राजकुमार इस फिल्म में जज के रोल में पास्ट का जो एपिसोड था उसमें देखने को मिलते हैं टी एस आर श्रीनिवासन ने इस फिल्म में मजिस्ट्रेट का रोल प्ले किया हुआ है सुजाता बाबू ने नंदिनी की मां का रोल प्ले किया हुआ है तो ये फिल्म के लीड प्रोमिनेंट कास्ट थी जिन्होंने इसमें महत्वपूर्ण रोल प्ले किए हुए हैं प्रोडक्शन की ओर बढ़ते डेवलपमेंट की शुरुआत अर्ली अप्रैल 2021 से करवा दी गई थी जहां पे कुछ रिपोर्ट्स आए थे कि एंटनी भाग्यराज जो इस फिल्म के डायरेक्टर है जिन्होंने को राइट की हुई थी विश्वासम 2019 की फिल्म को तो वो एक स्क्रिप्ट तैयार कर रहे थे उन्होंने वो स्क्रिप्ट जयाराम को सुनाई जया उस स्क्रिप्ट से काफ़ी इंप्रेस हुए थे लेटर ऑन जया ने इस फिल्म को करने के लिए एग्री कर लिया उसके बाद में इस फिल्म का फंड किया होम मूवी मेकर्स वालों ने यानी कि वो इस फिल्म के प्रोड्यूसर बने 29 अगस्त 2022 को होम मूवी मेकर्स के द्वारा पब्लिकली अनाउंस करवाया गया कि एक प्रोजेक्ट आ रहा है जहाँ पे एंटनी भाग्यराज और जयाम रवि के बीच में प्रोजेक्ट होने वाला है फिल्म का ऑफिशियल टाइटल लेटर ऑन साइरन नाम से अनाउंस किया गया है वी प्रकाश कुमार को इस फिल्म में म्यूज़िक कंपोजर के लिए लिया गया था उसके अलावा सिल्वा कुमार एसके को सिनेमाटोग्राफी हैंडल करने के लिए अप्रोच किया गया रूबेन को इस फिल्म की एडिटिंग का कमान संभालने के लिए दिया गया था वहीं पे इस फिल्म की जो पूजा सेरेमनी थी वो अर्ली सेप्टेम्बर में रखी हुई थी जहाँ पे उसी महीने में इस फिल्म की शूटिंग भी स्टार्ट करवा दी गई थी साथ ही में इस फिल्म के नवंबर महीने तक काफ़ी सारी शूटिंग कंप्लीट हो चुकी थी समूति रखा ने योगी बाबू का पार्ट भी इसमें अनाउंस किया गया था कि वो इस फिल्म के भी इम्पोर्टेंट पात्र होने वाले प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी पाँच सेप्टेम्बर दो को स्टार्ट करवा गई करवा दी गई थी पहला शेड्यूल चेन्नई में रखा हुआ था उस शेड्यूल को अर्ली नवंबर तक कंप्लीट करवाया हुआ था सेकंड शेड्यूल था वो 10 नवंबर से करईकूदी में स्टार्ट किया हुआ था और अर्ली अप्रैल 2023 तक उसको भी पूरी तरह से कंप्लीट करवाया इस फिल्म का थर्ड शेड्यूल को कार्यकाल में शूट किया हुआ था और उस शेड्यूल में एक गाना भी फीचर करवाया था जहाँ पर जयम रवि और अनुपमा परमेश्वर के बीच में वो गाना फिल्माया गया था और उस फिल्म को उस गाने के साथ फिल्म के पेचवर्क को भी अप्रैल महीने तक मिड अप्रैल तक पूरी तरह से रेपअप करवाया तो इस तरह से शूटिंग पोर्सन कंप्लीट किया गया था उसके बाद में म्यूजिक डबिंग मिक्सिंग मास्टरिंग एडिटिंग ऐसे पोस्ट प्रोडक्शन के काम में पूरा टाइम दिया गया और फिल्म को रिलीज के लिए तैयार किया हुआ था जहाँ पे सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला हुआ है म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो जीवी प्रकाश कुमार ने इस फिल्म के म्यूजिक के कंपोजिशन किए हुए हैं जहां पे इस फिल्म के डायरेक्टर यानी कि भाग्यराज के साथ उनकी ये करीबन पहली फिल्म है जयम रवि के साथ उनकी सेकंड फिल्म में इससे पहले नीरम दो नील करके 2014 में जो फिल्म आई थी उसमें उन्होंने बैकग्राउंड स्कोर दिया हुआ था फिल्म के ऑडियो के राइट थे सोनी म्यूजिक वालों ने खरीदे हुए थे दो हजार के बीच में गानों को रिकॉर्ड किया गया चौदह मिनट बावन सेकंड के साउंड था तमिल वर्जन में गानों को तैयार किया हुआ था वहीं पे इस फिल्म में जो बैकग्राउंड स्कोर था सॉन्ग था वो सभी चीज़ें उन्होंने ही कंपोज़ की थी वैसे लेटर ऑन रिवील किया गया कि सेम सीएस सी एस ने इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर कंपोज किया हुआ है इसके अलावा 29 जनवरी 2024 तक सभी साउंड ट्रैक को रिलीज करवा दिया गया था अब इसके ऊपर प्रॉपर बातचीत करें तो नेत्रवराई जो गाना है उसको तमयरा तम ने लिखा हुआ था जहाँ पे सिद्ध श्री राम ने उसको गाया हुआ था कन्नामा गाने को पा विजय ने लिखा था हरिचरण ने उसको गाया हुआ था आदि आती ने इस फिल्म का ये गाना है उसको मुरुगन मांती राम ने लिखा हुआ था एंतनी दासन और सिंदूरी विशाल ने गाया हुआ था आग्यम ओडान जूकर के जो गाना था उसको स्नेहन ने लिखा हुआ था हरीश शिव का शिव रामाकृष्णन ने उसको गाया हुआ था तो ये टोटल चार ट्रैक थे जिसकी लेंथ थी चौदह मिनट बावन सेकंड ये सभी गाने अगर आपको फिलहाल में ऑफिशियली सुनने हैं तो सुन सकते हो टी सी सॉरी सोनी म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर तमिल वर्जन में तो ये चारों गाने वहाँ पे सुनने को मिल जाएंगे वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में वो भी फ्री में अब रिलीज़ के और बढ़ते वैसे सायरन फिल्म को इनिशियली दिसंबर 2023 को थिएट्रिकली रिलीज़ करवाने वाले थे लेकिन पोस्ट प्रोडक्शन का काम काफ़ी ज़्यादा अनफिनिश्ड था जिसके चलते इसको पोस्टपोन किया गया और इसी रीजंस के चलते इस फिल्म को 16 फरवरी 2024 को थिएटर में प्रीमियर करवाया गया रिलीज़ करवाया गया जहां पे सिर्फ तमिल वर्जन रिलीज था रेड जैंट मूवीज़ के द्वारा रिलीज़ दिलवाई गई थी फिल्म ने एक अच्छी खासी रिलीज़ ली हुई थी जहाँ पे इस फिल्म को मिक्स वर्ड ऑफ माउथ मिला ऑडियंस की तरफ से पॉजिटिव साइड ऑफ वर्ड ऑफ माउथ था वहीं पे जो क्रिटिक्स थे उसकी तरफ से एक मिक्स वर्ड ऑफ माउथ था तो ये मिक्स्ड टू पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ के चलते आई एम डी ए इस फिल्म ने करीबन 1300 से 1400 वोट हासिल किए जिसमें सात पॉइंट तीन की रेटिंग हासिल हुई दस में से और इस रेटिंग के साथ फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे धीरे धीरे कलेक्शन करके दिखाया जहाँ पे साइरन फिल्म का जो वर्ड ऑफ माउथ था वो मिक्स था जिसके चलते इस फिल्म ने पिकअप थोड़ा लेट लिया हुआ था वैसे पहले तीन दिन का कलेक्शन था वो डेफिनेटली जो जयम रवि का स्टार्डम है उस हिसाब से थोड़ा कलेक्शन ज़्यादा आया हुआ था उसके बाद में डे बाई डे फिल्म के कलेक्शन में थोड़े बहुत चेंजेस देखने को मिले और पूरी तरह से इस फिल्म का करीबन बजट बताया गया था तीस करोड़ तो उस तीस करोड़ के बजट के सामने इस फिल्म ने उतना कुछ खास इंडिया में नेट कलेक्शन नहीं किया था लेकिन थिएट्रिकल ओ टी टी राइट्स सभी राइट्स बेचते करते इस फिल्म ने एक अच्छा खासा वर्ड ऑफ माउथ गेन किया और बॉक्स ऑफिस पे भी एक कलेक्शन था वो बेहतर तरीके से करके दिखाया तो उसी के रीज़न के चलते इस फिल्म ने ओवरऑल और और एक बिलो एवरेज तो नहीं बोल सकते एवरेज का का, का टेग मार्क बॉक्स ऑफिस पे हासिल किया कुछ का कहना है कि ये फिल्म सुपरहिट भी है अब बात करें इस फिल्म की का कहानी के ऊपर तो इस फिल्म में थीलागन करके एक ऑनेस्ट एम्बुलेंस ड्राइवर है जो कंचीपुरम में ड्राइव कर रहा है वहाँ पे रह रहा है तो उसको कुछ फोर्सली एक्यूज किया जाता है और उसी के रीजंस के चलते उसकी वाइफ के मर्डर के चलते उसको एक सेंटेंस सुनाया जाता है का उसके बाद में जेनिफर और उसकी फ्रेंड का उसका फ्रेंड काथिर वो चौदह साल के बाद ता, पे, ता, पता चलता है वो कि चौदह साल के बाद पेरोल में चौदह दिन के लिए वो बाहर आया हुआ है जहाँ पे वो जेनिफर काथिर के जो मर्डरर है उससे बदला लेना चाहता है तो जैसे कि मैंने कहा कि उसको गलती से जेल में डाल दिया था तो उसके बाद में जब वो चौदह साल के बाद पेरोल के ऊपर बाहर निकला हुआ है तो उसका पूरा फोकस अपने रिवेंज के ऊपर है तो फिल्म की कहानी वहीं से इंटरेस्टिंग तरीके से दिखाई गई है कि एक पूरा फोकस वहाँ पे दिखाया तो स्क्रीन प्ले काफ़ी टाइट रखा हुआ है तो सभी चीज़ें वहाँ पे किस तरह से कैसे क्या दिखाई जाती है किसने जेनिफ़र को मारा हुआ था उसकी बेटे को किसने क्या किया हुआ था वो सभी चीज़ें फिल्म की कहानी में दिखाई हुई है तो ये सभी चीज़ें देखने के लिए आपको फिल्म पूरी फिल्म देखनी पड़ेगी जहाँ पर डायरेक्टर ने डेफिनेटली एक अच्छा कॉन्सेप्ट चूज़ किया था इसमें थ्रिलिंग मोमेंट्स भी थे जिस तरह से इमोशनल एंगल डाला हुआ था एक्शन सिक्वेंस देखने को मिलते तो सभी चीज़ों का एक परफेक्ट कॉम्बो देखने को मिलता है डायरेक्टर ने डिसेंट मैनर में चीजों को हैंडल किया हुआ है हाँ कुछ चीज़ें इधर उधर हो गई है अगर उसको स्क्रीन प्ले में थोड़ा बेटर करते थे तो चीज़ें थोड़ी और बेहतरीन हो सकती थी लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो जयम रवि की ये फिल्म एज अ थ्रिलर के तौर के ऊपर देखा जाए तो एक डिसेंट है वैसे एक आइडिया काफ़ी अच्छा था लेकिन थ्रिलिंग मोमेंट्स थोड़े और बेहतर तरीके से दिखाया जा सकता था और जो रेगुलर रिवेंट ड्रामा फिल्में जो ओल्ड फ्लैसे वाले सिक्वेंस है तो उससे थोड़ी डिफरेंस आपको इस फिल्म में नज़र आएगा इसके अलावा इस फिल्म में आपको लॉजिकल एयर थोड़ी बहुत नजर आ सकती है उसको थोड़े साइड में रखने पड़ेंगे टेक्निकली ये फिल्म मेड बनाई गई है सिनेमेटोग्राफी काफ़ी बढ़िया है एडिटिंग फिल्म की डिसेंट की गई है म्यूजिक डिपार्टमेंट में जो सॉन्ग है बैकग्राउंड स्कोर है वो फिल्म को सपोर्ट देते हुए नज़र आते हैं आर्ट डायरेक्शन सिनेमेटोग्राफी सभी चीज़ें काफ़ी बढ़िया थी एक्टर्स जैसे कि जयाम रवि कीर्ति सुरेश अनुपमा परमेश्वरन समुति रखानी योगी बाबू सभी का काम काफ़ी बढ़िया नज़र आता है जयाम रवि ने काफ़ी बढ़िया तरीके से अपने कंधे पर पूरी फिल्म को चलाया हुआ है और कीर्ति सुरेश का एक सपोर्टिंग परफॉर्मेंस फिल्म को काफ़ी शानदार बना जाता है ट्विस्ट और ऑटंस और कुछ सस्पेंस फिल्म को और बेहतर बनाने की कोशिश करता है और देखने एक देखने लायक फिल्म है इस फिल्म को आप डेफिनेटली देख सकते हो इस फिल्म के जो ओ और सैटेलाइट राइट्स थे वो स्टार नेटवर्क वालों ने खरीदे हुए थे जहाँ पे स्टार नेटवर्क के द्वारा इस फिल्म के तेलुगु तमिल कन्नड़ा मलयालम और हिंदी सभी वर्जन के ओ राइट्स खरीदे गए थे तमिल मेन वर्जन था बाकी तेलुगू कन्नड़ा मलयालम और हिंदी डब्ड वर्जन थे जहाँ पे स्टार विजय के पास इस फिल्म के तमिल वर्जन के राइट्स थे तमिल सेटेलाइट राइट्स थे इस फिल्म को ओ टी टी उन्नीस अप्रैल दो को प्रीमियर करवाया गया तो वहाँ पर भी एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला हुआ था तो फ़िलहाल में इस फिल्म को अगर आपको ऑफिशियली देखना है तो डिजनी प्लस हो स्टार के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन तमिल मेन लैंग्वेज के साथ हिंदी तेलगू कन्नडा मलयालम डब्ड वर्जन में आप इस फिल्म को इन्जॉय कर सकते हो जहाँ पे साइरन 108 नाम या साइरन नाम के साथ इस फिल्म को अवेलेबल किया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म का सैटेलाइट वर्जन आपको स्टार विजय टेलीविजन चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि साइरन फिल्म अभी आपको फिलहाल में ऑफिशियली देखने तो डिजनी प्लस होस्टार के ऊपर साइरन वन नाम के साथ हिंदी तमिल तेलुगू कन्नडा मलयालम इन सभी वर्ज़न में आप इन्जॉय कर सकते हो वहीं पे इस फिल्म का सैटेलाइट वर्जन स्टार विजय के ऊपर तमिल वर्जन में देखने को मिल जाएगा वो भी बिल्कुल फ्री में तो इस तरह से आप इस फिल्म को ऑफिशियली ओ टी टी और सैटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर हिंदी तमिल तेलुगू कन्नड़ा मलयालम इन सभी वर्जन में, में इन्जॉय कर सकते हो साइरन जिसको साइरन 108 नाम से भी मार्केट करके रिलीज किया गया था ये एक 2024 की इंडियन तमिल लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म थी फिल्म को थिएट्रिकली सिर्फ तमिल वर्जन में रिलीज़ किया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म का स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग डायरेक्शन सभी चीज़ें एंटनी भाग्यराज ने किए हुई है इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है सुजाता विजय कुमार ने जिन्होंने इस फिल्म को होम मूवी मेकर्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे एक डिजाइन बजट में बनाया हुआ था रेड जाइंट मूवीज़ के द्वारा इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था तमिल वर्जन में फिल्म के की कास्ट में आपको जयाम रवि और कीर्ति सुरेश देखने को मिलेंगे टेक्निकल टीम में सिनेमाटोग्राफी है वो सिल्वा कुमार एस्के ने की हुई है एडिटिंग रूपेन ने की हुई थी जहाँ पे इस फिल्म को एक क्रिस्प रन टाइम दिया हुआ है ये फिल्म करीबन दो घंटे चौंतीस मिनट के रन टाइम के साथ सेंसर करवाई गई थी इसके अलावा म्यूजिक डिपार्टमेंट में सॉन्ग्स जी वी प्रकाश कुमार ने कंपोज किए हुए बैकग्राउंड स्कोर है वो सी एम सी एस ने कंपोज़ किया हुआ है म्यूजिक के राइट से वो सोनी म्यूज़िक वालों ने अच्छी खासी प्राइस में खरीदे हुए फिल्म में टोटल चार ट्रैक थे जिसके लेंथ थी चौदह मिनट बावन सेकंड इन गानों को दो हज़ार बाईस तेईस में रिकॉर्ड किया हुआ था कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो जयराम जयाम रवि आपको इस फिल्म में लीड रोल में देखने को मिलेंगे जिन्होंने तिलंगा वर्मन यानी कि तिलागन का रोल प्ले किया हुआ है कीर्ति सुरेश ने इस फिल्म में इंस्पेक्टर के नंदिनी का रोल प्ले किया हुआ है अनुपमा परमेश्वर ने इस फिल्म में तिलागन की वाइफ का रोल यानी कि जेनिफर का रोल प्ले करती हुई नजर आएगी समुथी रखा ने इस फिल्म में डी एस पी एस नागले सॉरी ना, नगलिंगम आईपीएस का रोल प्ले किया हुआ है योगी बाबू को वेलंकन्नी का रोल दिया गया था इंसान अशरफ ने सपोर्टिंग रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे अला गम पेरुमल ने इस फिल्म में मनिकत्था गम अनाची का रोल प्ले किया हुआ है अजय आपको अनबू यानी कि अनबाला गन का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे सुरेंद्र के पी वाई ने इस फिल्म में विकी यानी कि वरन का रोल प्ले किया हुआ है तुलसी इस फिल्म में थिलागन की माँ का रोल प्ले करती हुई नजर आएगी चंद चंदनी चांदनी था तमिला रसन को इस फिल्म में कामाक्षी का रोल दिया गया है जो थिलागन की सिस्टर का रोल है यूविना या यूवीना पार्थवी को इस फिल्म में मलर का रोल मिला हुआ है जो थिलागन की डॉटर का रोल था इसके अलावा मदन कुमार दक दक्षिणा मूर्ति इस फिल्म में ऐसा ही मूर्ति का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे मुत्तु कुमार इस फिल्म में काली मुत्तु का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे इंदुमती मणिकंदन का जो रोल था जो वो रोल उन्होंने उन्होंने इस फिल्म में विकी की माँ का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म में आपको के पी विनोद देखने को मिलेंगे जिन्होंने इस फिल्म में जेक का रोल प्ले किया हुआ है पांड्यन इस फिल्म में नांदेसन एन एक पैथोलॉजिस्ट का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे तिरुक् कारसू ने इस फिल्म में जेलर का रोल प्ले किया हुआ है लालू ने इस फिल्म में मणिकंदन का रोल प्ले किया हुआ है प्रार्थना नाथन ने इस फिल्म में मणिकंदन के वाइफ का रोल प्ले किया है विघ्नेश सनमुगन ने कातिर का रोल प्ले किया है अभिषेक विनोद ने इस फिल्म में मणिकंदम के बेटे का रोल प्ले किया हुआ है उदय महेश ने इस फिल्म में इंटरप्रेटर का रोल प्ले किया है प्रियादर्शी राजकुमार इस फिल्म में जज के रोल में पास्ट का जो एपिसोड था उसमें देखने को मिलते हैं पी श्रीनिवासन इस फिल्म में मैजिस्ट्रेट का रोल प्ले किया हुआ है सुजाता बाबू ने नंदनी की माँ का रोल प्ले किया है तो ये फिल्म के लीड प्रोमिनेंट कास्ट थी जिन्होंने इसमें महत्वपूर्ण रोल प्ले किए हुए प्रोडक्शन की ओर बढ़ते डेवलपमेंट की शुरुआत अर्ली अप्रैल 2021 से करवा दी गई थी जहाँ पे कुछ रिपोर्ट्स आए थे कि एंटनी भाग्यराज जो इस फिल्म के डरेक्टर है जिन्होंने को राइट की हुई थी विश्वासम दो की फिल्म को तो वो एक स्क्रिप्ट तैयार कर रहे थे उन्होंने वो स्क्रिप्ट जयाराम को सुनाई जयाराम उस स्क्रिप्ट से काफ़ी इंप्रेस हुए थे लेटर ऑन जयाराम ने इस फिल्म को करने के लिए एग्री कर लिया उसके बाद में इस फिल्म का फंड किया होम मूवी मेकर्स वालों ने यानी कि वो इस फिल्म के प्रोड्यूसर बने 29 अगस्त 2022 को होम मूवी मेकर्स के द्वारा पब्लिकली अनाउंस करवाया गया कि एक प्रोजेक्ट आ रहा है जहां पे एंटनी भाग्यराज और जयाम रवि के बीच में प्रोजेक्ट होने वाला है फिल्म का ऑफिशियल टाइटल लेटर ऑन साइरन नाम से अनाउंस किया गया जीवी प्रकाश कुमार को इस फिल्म में म्यूजिक कंपोजर के लिए लिया गया था उसके अलावा सेल्वा कुमार एस्के को सिनेमाटोग्राफी हैंडल करने के लिए अप्रोच किया गया रुबेन को इस फिल्म की एडिटिंग का कमान संभालने के लिए दिया गया था वहीं पे इस फिल्म की जो पूजा सेरेमनी थी वो अर्ली सितंबर में रखी हुई थी जहां पे उसी महीने में इस फिल्म की शूटिंग भी स्टार्ट करवा दी गई थी साथ ही में इस फिल्म के नवंबर महीने तक काफ़ी सारी शूटिंग कंप्लीट हो चुकी थी समूति रखाने योगी बाबू का पार्ट भी इसमें अनाउंस किया गया था कि वो इस फिल्म के भी इम्पोर्टेंट पात्र होने वाले प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी पाँच सेप्टेम्बर दो को स्टार्ट करवा गई करवा दी गई थी पहला शेड्यूल चेन्नई में रखा हुआ था उस शेड्यूल को अर्ली नवंबर तक कम्प्लीट करवाया हुआ था सेकंड शेड्यूल था वो दस नवंबर से करई कुदी में स्टार्ट किया हुआ था और अर्ली अप्रैल 2023 तक उसको भी पूरी तरह से कंप्लीट करवाया इस फिल्म का थर्ड शेड्यूल को कार्यकाल में शूट किया हुआ था और उस शेड्यूल में एक गाना भी फीचर करवाया था रविमा पर रवि और और अनुपमा के 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 बीच में वो गाना फिल्माया गया था उस उस फिल्म को उस गाने के साथ फिल्म के को को गाने साथ भी अप्रैल महीने तक मिड अप्रैल तक पूरी तरह से रेपअप करवाया तो इस तरह से शूटिंग पोर्सन कंप्लीट किया गया था उसके बाद में म्यूजिक डबिंग मिक्सिंग मास्टरिंग एडिटिंग ऐसे पोस्ट प्रोडक्शन के काम में पूरा टाइम दिया गया और फिल्म को रिलीज के लिए तैयार किया हुआ था जहां पे की तरफ से सर्टिफिकेट मिला हुआ है म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो जीवी प्रकाश कुमार ने इस फिल्म के म्यूजिक के कंपोजिशन की हुई है जहां पे इस फिल्म के डायरेक्टर यानी कि भाग्यराज के साथ उनकी ये करीबन पहली फिल्म है जयम रवि के साथ उनकी सेकंड फिल्म है इससे पहले निरंदू नील करके 2014 में जो फिल्म आई थी उसमें उन्होंने बैकग्राउंड स्कोर दिया हुआ था फिल्म के ऑडियो के राइट थे सोनी म्यूजिक वालों ने खरीदे हुए थे दो हजार के बीच में गानों को रिकॉर्ड किया गया चौदह मिनट बावन सेकंड के साउंड था तमिल वर्जन में गानों को तैयार किया हुआ था वहीं पर इस फिल्म में जो बैकग्राउंड स्कोर था सॉन्ग था वो सभी चीज़ें उन्होंने ही कंपोज की थी वैसे लेटर ऑन रिवील किया गया कि सेम एम सी एस ने इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर कंपोज़ किया हुआ है इसके अलावा 29 जनवरी 2024 तक सभी साउंड ट्रैक को रिलीज करवा दिया गया था अब इसके ऊपर प्रॉपर बातचीत करें तो नेत्रवराई जो गाना है उसको तमयरा तम ने लिखा हुआ था जहाँ पे सिद्ध श्री राम ने उसको गाया हुआ था कन्नामा गाने को पा विजय ने लिखा था हरिचरण ने उसको गाया हुआ था आदि आती ने इस फिल्म का ये गाना है उसको मुरुगन मांती राम ने लिखा हुआ था एंतनी दासन और सिंदूरी विशाल ने गाया हुआ था आज्ञम उडन जूकर के जो गाना था उसको स्नेहन ने लिखा हुआ था हरीश शिव का शिव कृष्णन ने उसको गाया हुआ था तो ये टोटल चार ट्रैक थे जिसकी लेंथ थी चौदह मिनट बावन सेकंड ये सभी गाने अगर आपको फिलहाल में ऑफिशियली सुनने तो सुन सकते हो टी सी सॉरी सोनी म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर तमिल वर्जन में तो ये चारों गाने वहाँ पे सुनने को मिल जाएंगे वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में वो भी फ्री में अब रिलीज़ के और बढ़ते वैसे सायरन फिल्म को इनिशियली दिसंबर 2023 को थिएट्रिकली रिलीज़ करवाने वाले थे लेकिन पोस्ट प्रोडक्शन का काम काफ़ी ज़्यादा अनफिनिश था जिसके चलते इसको पोस्टपोन किया गया और इसी रीजन्स के चलते इस फिल्म को सोलह फरवरी दो को थिएटर में प्रीमियर करवाया गया रिलीज़ करवाया गया जहाँ पे सिर्फ तमिल वर्जन रिलीज था रेड जैंट मूवीज़ के द्वारा रिलीज़ दिलवाई गई थी फिल्म ने एक अच्छी खासी रिलीज़ ली हुई थी जहाँ पे इस फिल्म को मिक्स वर्ड ऑफ माउथ मिला ऑडियंस की तरफ से पॉजिटिव साइड ऑफ वर्ड ऑफ माउथ था वहीं पे जो क्रिटिक्स थे उसकी तरफ से एक मिक्स वर्ड ऑफ माउथ था तो ये मिक्स टू पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ के चलते आई एम डी पे इस फिल्म ने करीबन 1300 से 1400 वोट हासिल किए जिसमें सात पॉइंट तीन की रेटिंग हासिल हुई दस में से और इस रेटिंग के साथ फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे धीरे धीरे कलेक्शन करके दिखाया जहाँ पे साइरन फिल्म का जो ऑफ माउथ था वो मिक्स था जिसके चलते इस फिल्म ने पिकअप थोड़ा लेट लिया हुआ था वैसे पहले तीन दिन का कलेक्शन था वो डेफिनेटली जो विजयम रवि का स्टार्डम है उस हिसाब से थोड़ा कलेक्शन ज़्यादा आया हुआ था उसके बाद में डे बाई डे फिल्म के कलेक्शन में थोड़े बहुत चेंजेस देखने को मिले और पूरी तरह से इस फिल्म का करीबन बजट बताया गया था तीस करोड़ तो उस तीस करोड़ के बजट के सामने इस फिल्म ने उतना कुछ खास इंडिया में नेट कलेक्शन नहीं किया था लेकिन थिएट्रिकल ओ टी राइट्स सभी राइट्स बेचते करते इस फिल्म ने एक अच्छा खासा वर्ड ऑफ माउथ गेन किया और बॉक्स ऑफिस पे भी एक कलेक्शन था वो बेहतर तरीके से करके दिखाया तो उसी के रीज़न के चलते इस फिल्म ने ओवरऑल और और एक बिलो एवरेज तो नहीं बोल सकते एवरेज का का, का टेक मार्क बॉक्स ऑफिस पे हासिल किया कुछ का कहना है कि ये फिल्म सुपरहिट भी है अब बात करें इस फिल्म की का कहानी के ऊपर तो इस फिल्म में थिलागन करके एक ऑनेस्ट एम्बुलेंस ड्राइवर है जो कंचीपुरम में ड्राइव कर रहा है वहाँ पे रह रहा है तो उसको कुछ फोर्सली एक्यूज एक किया जाता है और उसी के रीजंस के चलते उसकी वाइफ के मर्डर के चलते उसको एक सेंटेंस सुनाया जाता देत का उसके बाद में जेनिफर और उसकी फ्रेंड का उसका फ्रेंड काथिर वो चौदह साल के बाद ता, पे, ता, पता चलता है वो कि चौदह साल के बाद पेरोल में चौदह दिन के लिए वो बाहर आया हुआ है जहाँ पे वो जेनिफर के जो मर्डरर है उससे बदला लेना चाहता है तो जैसे कि मैंने कहा कि उसको गलती से जेल में डाल दिया था तो उसके बाद में जब वो चौदह साल के बाद पेरोल के ऊपर बाहर निकला हुआ है तो उसका पूरा फोकस अपने रिवेंज के ऊपर है तो फिल्म की कहानी वहीं से इंटरेस्टिंग तरीके से दिखाई गई है कि एक पूरा फोकस वहाँ पे दिखाया तो स्क्रीन प्ले काफ़ी टाइट रखा हुआ है तो सभी चीज़ें वहाँ पे किस तरह से कैसे क्या दिखाई जाती है किसने जेनिफ़र को मारा हुआ था उसके बेटे को किसने क्या किया हुआ था वो सभी चीज़ें फिल्म की कहानी में दिखाई हुई है तो ये सभी चीज़ें देखने के लिए आपको फुल पूरी फिल्म देखनी पड़ेगी जहाँ पर डायरेक्टर ने डेफिनेटली एक अच्छा कॉन्सेप्ट चूज़ किया हुआ था इसमें थ्रिलिंग मोमेंट्स भी थे जिस तरह से इमोशनल एंगल डाला हुआ था एक्शन सीक्वेंस देखने को मिलते तो सभी चीज़ों का एक परफेक्ट कॉम्बो देखने को मिलता है डायरेक्टर ने डिसेंट मैनर में चीजों को हैंडल किया हुआ है हाँ कुछ चीजें इधर उधर हो गई है अगर उसको स्क्रीन प्ले में थोड़ा बेटर करते थे तो चीज़ें थोड़ी और बेहतरीन हो सकती थी लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो जयम रवि की ये फिल्म एज अ थ्रिलर के तौर के ऊपर देखा जाए तो एक डिसेंट है वैसे एक आइडिया काफी अच्छा था लेकिन थ्रिलिंग मोमेंट्स थोड़े और बेहतर तरीके से दिखाया जा सकता था और जो रेगुलर रिवेंट ड्रामा फिल्में जो ओल्ड फ्लैस वाले सिक्वेंस है तो उससे थोड़ी डिफरेंस आपको इस फिल्म में नज़र आएगा इसके अलावा इस फिल्म में आपको लॉजिकल एरर थोड़ी बहुत नजर आ सकती है उसको थोड़े साइड में रखने पड़ेंगे टेक्निकली फिल्म वेल मेड बनाई गई है सिनेमेटोग्राफी काफ़ी बढ़िया है एडिटिंग फिल्म की डिसेंट की गई है म्यूजिक डिपार्टमेंट में जो सॉन्ग है बैकग्राउंड स्कोर है वो फिल्म को सपोर्ट देते हुए नज़र आते हैं आर्ट डायरेक्शन सिनेमेटोग्राफी सभी चीज़ें काफ़ी बढ़िया थी एक्टर्स जैसे कि जयम रवि कीर्ति सुरेश अनुपमा परमेश्वरन समुति रखानी योगी बाबू सभी का काम काफ़ी बढ़िया नज़र आता है जयाम रवि ने काफ़ी बढ़िया तरीके से अपने कंधे पर पूरी फिल्म को चलाया हुआ है और कीर्ति सुरेश का एक परफॉर्मेंस फिल्म को काफ़ी शानदार बना जाता है ट्विस्ट और 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 कुछ सस्पेंस फिल्म को बेहतर बनाने की कोशिश करता है और लेकिन देखने लायक फिल्म है इस फिल्म को आप डेफिनेटली देख सकते हो इस फिल्म के जो ओ और सैटेलाइट राइट्स थे वो स्टार नेटवर्क वालों ने खरीदे हुए थे जहाँ पे स्टार नेटवर्क के द्वारा इस फिल्म के तेलुगु तमिल कन्नड़ा मलयालम और हिंदी सभी वर्जन के ओ राइट्स खरीदे गए थे तमिल मेन वर्जन था बाकी तेलुगु कन्नडा मलयालम और हिंदी डब्ड वर्जन थे जहाँ पे स्टार विजय के पास इस फिल्म के तमिल वर्जन के राइट्स थे तमिल सेटेलाइट राइट्स थे इस फिल्म को ओ टी टी उन्नीस अप्रैल दो को प्रीमियर करवाया गया तो वहाँ पर भी एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला हुआ था तो फिलहाल में इस फिल्म को अगर आपको ऑफिशियली देखना है तो डिजनी प्लस और के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन तमिल मेन लैंग्वेज लें के साथ हिंदी तेलुगु कन्नडा मलयालम डब्ड वर्जन में आप इस फिल्म को इन्जॉय कर सकते हो जहाँ पे साइरन 108 नाम या साइरन नाम के साथ इस फिल्म को अवेलेबल किया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म का सैटेलाइट वर्ज़न आपको स्टार विजय टेलीविज़न चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि साइरन फिल्म अभी आपको फिलहाल में ऑफिशियली देखने तो डिजनी प्लस हो स्टार के ऊपर सायरन वन जीरो एट नाम के साथ हिंदी तमिल तेलगू कन्नड़ा मलयालम इन सभी वर्ज़न में आप इन्जॉय कर सकते हो वहीं पर इस फिल्म का सैटेलाइट वर्जन स्टार विजय के ऊपर तमिल वर्जन में देखने को मिल जाएगा वो भी बिल्कुल फ्री में तो इस तरह से आप इस फिल्म को ऑफिशियली ओ टी टी और सेटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर हिंदी तमिल तेलुगु, कन्नड़ा मलयालम इन सभी वर्ज़न में एंजॉय कर सकते हो साइरन जिसको सायरन 108 नाम से भी मार्केट करके रिलीज़ किया गया था ये एक दो की इंडियन तमिल लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म थी फिल्म को थिएट्रिकली सिर्फ तमिल वर्जन में रिलीज़ किया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म का स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग, डायरेक्शन सभी चीजें एंटनी भाग्यराज ने किए हुई है इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है सुजाता विजय कुमार ने जिन्होंने इस फिल्म को होम मूवी मेकर्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे एक डिजाइन बजट में बनाया हुआ था रेड जाइंट मूवीज के द्वारा इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था तमिल वर्जन में फिल्म लीड कास्ट में आपको जयाम रवि और कीर्ति सुरेश देखने को मिलेंगे टेक्निकल टीम में सिनेमाटोग्राफी है वो सेल्वा कुमार एसके ने की हुई है एडिटिंग रूपेन ने की हुई थी जहाँ पे इस फिल्म को एक क्रिस्प रन टाइम दिया हुआ है ये फिल्म करीबन दो घंटे चौतीस मिनट के रन टाइम के साथ सेंसर करवाई गई थी इसके अलावा म्यूज़िक डिपार्टमेंट में सॉन्ग्स जी प्रकाश कुमार ने कम्पोज़ किए हुए बैकग्राउंड स्कोर है वो सी सी एस ने कम्पोज किया हुआ है म्यूजिक के राइट्स है वो सोनी म्यूजिक वालों ने अच्छी खासी प्राइस में ख़रीदे हुए फिल्म में टोटल चार ट्रैक थे जिसके लेंथ थी चौदह मिनट बावन सेकंड इन गानों को 2022 हज़ार में रिकॉर्ड किया हुआ था कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो जया जयाम रवि आपको इस फिल्म में लीड रोल में देखने को मिलेंगे जिन्होंने तिलंगा वरमन यानी कि तिलागन का रोल प्ले किया हुआ है कीर्ति सुरेश ने इस फिल्म में इंस्पेक्टर के नंदिनी का रोल प्ले किया हुआ है अनुपमा परमेश्वर ने इस फिल्म में तिलागन के वाइफ का रोल यानी कि जेनिफर का रोल प्ले करते हुए नजर आएगी समूथी रखा इस फिल्म में डी एस नागलीज सॉरी ना, नगलिंगम आईपीएस का रोल प्ले किया हुआ योगी बाबू को वेलंगनी का रोल दिया गया था इंसान अशरफ ने सपोर्टिंग रोल प्ले किया हुआ है वहीं पर पे अलागम पेरूमल ने इस फिल्म में मनिकत्था गम अनाची का रोल प्ले किया हुआ है अजय आपको अनबू यानी कि अनबाला गन का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे सुरेंद्र के पी वाई ने इस फिल्म में विकी यानी कि विघ्नेश वर्न का रोल प्ले किया हुआ है तुलसी इस फिल्म में थिलागन की मां का रोल प्ले करती हुई नजर आएगी चंद चंदनी चांदनी था, तमिला रसन को इस फिल्म में कामाक्षी का रोल दिया गया है जो थिलंगन की सिस्टर का रोल है युविना या युविना पार्थवी को इस फिल्म में मलर का रोल मिला हुआ है जो तिलंगन की डॉटर का रोल था इसके अलावा माधन कुमार दक दक्षिणा मूर्ति इस फिल्म में ऐसाई मूर्ति का रोल प्ले करते हुए नज़र आएंगे मुत्तु कुमार इस फिल्म में काली मुत्तु का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे इंदुमती मणिकंदन का जो रोल था जो वो रोल उन्होंने उन्होंने इस फिल्म में विकी की माँ का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा इस, इस फिल्म में आपको के पी विनोद देखने को मिलेंगे जिन्होंने इस फिल्म में जेक का रोल प्ले किया हुआ है पांड्यन इस फिल्म में नांदेसन एन एक पैथोलॉजिस्ट का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे तिरुक्क कारुसू ने इस फिल्म में जेलर का रोल प्ले किया हुआ है लालू ने इस फिल्म में मणिकंदन का रोल प्ले किया हुआ है प्रारथना नाथन ने इस फिल्म में मणिकंदन के वाइफ का रोल प्ले किया है विघ्नेश सनमुगन ने कातिर का रोल प्ले किया है अभिषेक विनोद ने इस फिल्म में मणिकंदम के बेटे का रोल प्ले किया हुआ उदय महेश ने इस फिल्म में इंटरप्रेटर का रोल प्ले किया है प्रियादर्शी राजकुमार इस फिल्म में जज के रोल में पास्ट का जो एपिसोड था उसमें देखने को मिलते हैं टी एस आर श्रीनिवासन ने इस फिल्म में मैजिस्ट्रेट का रोल प्ले किया हुआ है सुजाता बाबू ने नंदनी की माँ का रोल प्ले किया हुआ है तो ये फिल्म के लीड प्रोमिनेंट कास्ट थी जिन्होंने इसमें महत्वपूर्ण रोल प्ले किए हुए हैं प्रोडक्शन की ओर बढ़ते डेवलपमेंट की शुरुआत अर्ली अप्रैल 2021 से करवा दी गई थी जहाँ पर कुछ रिपोर्ट्स आए थे कि एंटनी भाग्यराज जो इस फिल्म के डरेक्टर है जिन्होंने को राइट की हुई थी विश्वासम दो की फिल्म को तो वो एक स्क्रिप्ट तैयार कर रहे थे उन्होंने वो स्क्रिप्ट जयाराम को सुनाई जयाराम उस स्क्रिप्ट से काफ़ी इंप्रेस हुए थे लेटर ऑन जयाराम ने इस फिल्म को करने के लिए एग्री कर लिया उसके बाद में इस फिल्म का फंड किया होम मूवी मेकर्स वालों ने यानी कि वो इस फिल्म के प्रोड्यूसर बने 29 अगस्त 2022 को होम मूवी मेकर्स के द्वारा पब्लिकली अनाउंस करवाया गया कि एक प्रोजेक्ट आ रहा है जहां पे एंटनी भाग्यराज और जयाम रवि के बीच में प्रोजेक्ट होने वाला है फिल्म का ऑफिशियल टाइटल लेटर ऑन साइरन नाम से अनाउंस किया गया है जीवी प्रकाश कुमार को इस फिल्म में म्यूजिक कंपोजर के लिए लिया गया था उसके अलावा सेल्वा कुमार रिस्के को सिनेमाटोग्राफी हैंडल करने के लिए अप्रोच किया गया रुबेन को इस फिल्म की एडिटिंग का कमान संभालने के लिए दिया गया था वहीं पे इस फिल्म की जो पूजा सेरेमनी थी वो अर्ली सितंबर में रखी हुई थी जहां पे उसी महीने में इस फिल्म की शूटिंग भी स्टार्ट करवा दी गई थी साथ ही में इस फिल्म के नवंबर महीने तक काफ़ी सारी शूटिंग कंप्लीट हो चुकी थी समूति रखा ने योगी बाबू का पार्ट भी इसमें अनाउंस किया गया था कि वो इस फिल्म के भी इम्पोर्टेंट पात्र होने वाले प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी पाँच सेप्टेम्बर दो को स्टार्ट करवा गई करवा दी गई थी पहला शेड्यूल चेन्नई में रखा हुआ था उस शेड्यूल को अर्ली नवंबर तक कम्प्लीट करवाया हुआ था सेकंड शेड्यूल था वो दस नवंबर से करईकूदी में स्टार्ट किया हुआ था और अर्ली अप्रैल 2023 तक उसको भी पूरी तरह से कंप्लीट करवाया इस फिल्म का थर्ड शेड्यूल को कार्यकाल में शूट किया हुआ था और उस शेड्यूल में एक गाना भी फीचर करवाया था जहाँ पर जयम रवि और अनुपमा परमेश्वर के बीच में वो गाना फिल्माया गया था और उस फिल्म को उस गाने के साथ फिल्म के पेचवर्क को भी अप्रैल महीने तक मिड अप्रैल तक पूरी तरह से रेपअप करवाया तो इस तरह से शूटिंग पोर्सन कम्प्लीट किया गया था उसके बाद में म्यूजिक डबिंग मिक्सिंग मास्टरिंग एडिटिंग ऐसे पोस्ट प्रोडक्शन के काम में पूरा टाइम दिया गया और फिल्म को रिलीज के लिए तैयार किया हुआ था जहां पे सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला हुआ है म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो जी प्रकाश कुमार ने इस फिल्म के म्यूज़िक के कंपोजिशन की हुई है जहाँ पे इस फिल्म के डरेक्टर यानी कि भाग्य के साथ उनकी ये करीबन पहली फिल्म है जयाम रवि के साथ उनकी सेकंड फिल्म है इससे पहले दो नील करके दो में जो फिल्म आई थी उसमें उन्होंने बैकग्राउंड स्कोर दिया हुआ था फिल्म के ऑडियो के राइट्स थे सोनी म्यूजिक वालों ने खरीदे हुए थे 2022 हज़ार के बीच में गानों को रिकॉर्ड किया गया चौदह मिनट बावन सेकंड का साउंड ट्रैक था तमिल वर्जन में गानों को तैयार किया हुआ था वहीं पे इस फिल्म में जो बैकग्राउंड स्कोर था सॉन्ग था वो सभी चीज़ें उन्होंने ही कंपोज की थी वैसे लेटर ऑन रिवील किया गया कि सी सी एस ने इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर कंपोज किया हुआ है इसके अलावा 29 जनवरी 2024 तक सभी साउंड ट्रैक को रिलीज़ करवा दिया गया था अब इसके ऊपर प्रॉपर बातचीत करें तो नेत्रवराई जो गाना है उसको तमाराई ने लिखा हुआ था जहाँ पे सिद्ध श्री राम ने उसको गाया हुआ था कन्नामा गाने को पा विजय ने लिखा था हरिचरण ने उसको गाया हुआ था आदि आती ने इस फिल्म का ये गाना है उसको मुरुगन मांती राम ने लिखा हुआ था एंतनी दासन और सिंदूरी विशाल ने गाया हुआ था आज्ञा ओडान जूकर के जो गाना था उसको स्नेहन ने लिखा हुआ था हरीश शिव का शिव रामा कृष्णन ने उसको गाया हुआ था तो ये टोटल चार ट्रैक थे जिसकी लेंथ थी चौदह मिनट बावन सेकंड ये सभी गाने अगर आपको फिलहाल में ऑफिशियली सुनने हैं तो सुन सकते हो टी सी सॉरी सोनी म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर तमिल वर्जन में तो ये चारों गाने वहाँ पे सुनने को मिल जाएंगे वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में वो भी फ्री में अब रिलीज़ के और बढ़ थे वैसे साइरन फिल्म को इनिशियली दिसंबर 2023 को थिएट्रिकली रिलीज़ करवाने वाले थे लेकिन पोस्ट प्रोडक्शन का काम काफ़ी ज़्यादा अनफिनिश्ड था जिसके चलते इसको पोस्टपोन किया गया और इसी रीजंस के चलते इस फिल्म को 16 फरवरी 2024 को थिएटर में प्रीमियर करवाया गया रिलीज़ करवाया गया जहाँ पर सिर्फ तमिल वर्जन रिलीज था रेड जैंट मूवीज़ के द्वारा रिलीज़ दिलवाई गई थी फिल्म ने एक अच्छी खासी रिलीज़ ली हुई थी जहाँ पर इस फिल्म को मिक्स वर्ड ऑफ माउथ मिला ऑडियंस की तरफ से पॉजिटिव साइड ऑफ वर्ड ऑफ माउथ था वहीं पे जो क्रिटिक्स थे उसकी तरफ से एक मिक्स वर्ड ऑफ माउथ था तो ये मिक्स टू पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ के चलते आई एम डी पे इस फिल्म ने करीबन 1300 से 1400 वोट हासिल किए जिसमें सात पॉइंट तीन की रेटिंग हासिल हुई दस में से और इस रेटिंग के साथ फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे धीरे धीरे कलेक्शन करके दिखाया जहाँ पे साइरन फिल्म का जो वर्ड ऑफ माउथ था वो मिक्स था जिसके चलते इस फिल्म ने पिकअप थोड़ा लेट लिया हुआ था वैसे पहले तीन दिन का कलेक्शन था वो डेफिनेटली जो जयम रवि का स्टार्डम है उस हिसाब से थोड़ा कलेक्शन ज़्यादा आया हुआ था उसके बाद में डे बाई डे फिल्म के कलेक्शन में थोड़े बहुत चेंजेस देखने को मिले और पूरी तरह से इस फिल्म का करीबन बजट बताया गया था तीस करोड़ तो उस तीस करोड़ के बजट के सामने इस फिल्म ने उतना कुछ खास इंडिया में नेट कलेक्शन नहीं किया था लेकिन थिएट्रिकल ओ टी टी राइट्स सभी राइट्स बेचते करते इस फिल्म ने एक अच्छा खासा वर्ड ऑफ माउथ गेन किया और बॉक्स ऑफिस पे भी एक कलेक्शन था वो बेहतर तरीके से करके दिखाया तो उसी के रीज़न के चलते इस फिल्म ने ओवरऑल और और एक बिलो एवरेज तो नहीं बोल सकते एवरेज का का, का टेग मार्क बॉक्स ऑफिस पे हासिल किया कुछ का कहना है कि ये फिल्म सुपरहिट भी है अब बात करें इस फिल्म की का कहानी के ऊपर तो इस फिल्म में थिलागन करके एक ऑनेस्ट एम्बुलेंस ड्राइवर है जो कंचीपुरम में ड्राइव कर रहा है वहाँ पे रह रहा है तो उसको कुछ फोर्सली एक्यूज़ किया जाता है और उसी के रीजंस के चलते उसकी वाइफ के मर्डर के चलते उसको एक सेंटेंस सुनाया जाता है का उसके बाद में जेनिफर और उसकी फ्रेंड का उसका फ्रेंड काथिर वो चौदह साल के बाद ता, पे, ता, पता चलता है वो कि चौदह साल के बाद पेरोल में चौदह दिन के लिए वो बाहर आया हुआ है जहाँ पे वो जेनिफर काथिर के जो मर्डरर है उससे बदला लेना चाहता है तो जैसे कि मैंने कहा कि उसको गलती से जेल में डाल दिया था तो उसके बाद में जब वो चौदह साल के बाद पेरोल के ऊपर बाहर निकला हुआ है तो उसका पूरा फोकस अपने रिवेंज के ऊपर है तो फिल्म की कहानी वहीं से इंटरेस्टिंग तरीके से दिखाई गई है कि एक पूरा फोकस वहाँ पे दिखाया तो स्क्रीन प्ले काफ़ी टाइट रखा हुआ है तो सभी चीज़ें वहाँ पे किस तरह से कैसे क्या दिखाई जाती है किसने जेनिफ़र को मारा हुआ था उसकी बेटे को किसने क्या किया हुआ था वो सभी चीज़ें फ़िल्म की कहानी में दिखाई हुए तो ये सभी चीज़ें देखने के लिए आपको फुल पूरी फिल्म देखनी पड़ेगी जहाँ पे डायरेक्टर ने डेफिनेटली एक अच्छा कॉन्सेप्ट चूज़ किया हुआ था इसमें थ्रिलिंग मोमेंट्स भी थे जिस तरह से इमोशनल एंगल डाला हुआ था एक्शन सिक्वेंस देखने को मिलते तो सभी चीज़ों का एक परफेक्ट कॉम्बो देखने को मिलता है डायरेक्टर ने डिसेंट मैनर में चीज़ों को हैंडल किया हुआ है हाँ कुछ चीज़ें इधर उधर हो गई है अगर उसको स्क्रीन प्ले में थोड़ा बेटर करते थे तो चीज़ें थोड़ी और बेहतरीन हो सकती थी लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो जयम रवि की ये फिल्म एज अ थ्रिलर के तौर के ऊपर देखा जाए तो एक डिसेंट है वैसे एक आइडिया काफ़ी अच्छा था लेकिन थ्रिलिंग मोमेंट्स थोड़े और बेहतर तरीके से दिखाया जा सकता था और जो रेगुलर रिवेंट ड्रामा फिल्में जो ओल्ड फ्लेसिक वाले सिक्वॉन्स है तो उससे थोड़ी डिफरेंस आपको इस फिल्म में नजर आएगा इसके अलावा इस फिल्म में आपको लॉजिकल एयर थोड़ी बहुत नजर आ सकती है उसको थोड़े साइड में रखने पड़ेंगे टेक्निकली ये फिल्म मेड बनाई गई है सिनेमेटोग्राफी काफ़ी बढ़िया है एडिटिंग फिल्म की डिसेंट की गई है म्यूजिक डिपार्टमेंट में जो सॉन्ग है बैकग्राउंड स्कोर है वो फिल्म को सपोर्ट देते हुए नज़र आते हैं आर्ट डायरेक्शन सिनेमेटोग्राफी सभी चीज़ें काफ़ी बढ़िया थी एक्टर्स जैसे कि जयाम रवि कीर्ति सुरेश अनुपमा परमेश्वरन समुति रखानी योगी बाबू सभी का काम काफ़ी बढ़िया नज़र आता है जयाम रवि ने काफी बढ़िया तरीके से अपने कंधे पर पूरी फिल्म को चलाया हुआ है और कीर्ति सुरेश का एक परफॉर्मेंस और और लेकिन को, और और को आप डेफिनेटली देख सकते हो इस फिल्म के जो ओ और सैटेलाइट राइट्स थे वो स्टार नेटवर्क वालों ने खरीदे हुए थे जहाँ पे स्टार नेटवर्क के द्वारा इस फिल्म के तेलुगु तमिल कन्नडा मलयालम और हिंदी सभी वर्जन के ओ राइट्स खरीदे गए थे तमिल मेन वर्जन था बाकी तेलुगु कन्नड़ा मलयालम और हिंदी डब्ड वर्जन थे जहाँ पे स्टार विजय के पास इस फिल्म के तमिल वर्जन के राइट्स थे तमिल सेटेलाइट राइट्स थे इस फिल्म को ओ टी टी उन्नीस अप्रैल दो को प्रीमियर करवाया गया तो वहाँ पर भी एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला हुआ था तो फ़िलहाल में इस फिल्म को अगर आपको ऑफिशियली देखना है तो डिजनी प्लस हो स्टार के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन तमिल मेन लैंग्वेज के साथ हिंदी तेलगू कन्नडा मलयालम डब्ड वर्जन में आप इस फिल्म को इन्जॉय कर सकते हो जहाँ पे साइरन 108 नाम या साइरन नाम के साथ इस फिल्म को अवेलेबल किया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म का सैटेलाइट वर्जन आपको स्टार विजय टेलीविज़न चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि सायरन फिल्म अभी आपको फिलहाल में ऑफिशियली देखने तो डिजनी प्लस होट स्टार के ऊपर साइरन वन जीरो एट नाम के साथ हिंदी तमिल तेलुगु कन्नडा मलयालम इन सभी वर्जन में आप इन्जॉय कर सकते हो वहीं पे इस फिल्म का सैटेलाइट वर्जन स्टार विजय के ऊपर तमिल वर्जन में देखने को मिल जाएगा वो भी बिल्कुल फ्री में तो इस तरह से आप इस फिल्म को ऑफिशियली ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर हिंदी तमिल तेलुगू कन्नड़ा मलयालम इन सभी वर्ज़न में एंजॉय कर सकते हो सायरन जिसको साइरन वन जीरो एट नाम से भी मार्केट करके रिलीज़ किया गया था ये एक 2024 की इंडियन तमिल लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म थी फिल्म को थिएट्रिकली सिर्फ तमिल वर्जन में रिलीज़ किया हुआ था जहां पे इस फिल्म का स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग डायरेक्शन सभी चीजें एंटनी भाग्यराज ने की हुई है इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ सुजाता विजय कुमार ने जिन्होंने इस फिल्म को होम मूवी मेकर्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे एक डिजाइन बजट में बनाया हुआ था रेड जाइंट मूवीज के द्वारा इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था तमिल वर्जन में फिल्म की कास्ट में आपको जयाम रवि और कीर्ति सुरेश देखने को मिलेंगे टेक्निकल टीम में सिनेमाटोग्राफी है वो सिल्वा कुमार एस्की ने की हुई है एडिटिंग रूपेन ने की हुई थी जहाँ पे इस फिल्म को एक क्रिस्प रन टाइम दिया हुआ है ये फिल्म करीबन दो घंटे चौंतीस मिनट के रन टाइम के साथ सेंसर करवाई गई थी इसके अलावा म्यूजिक डिपार्टमेंट में सॉन्ग्स जीवी प्रकाश कुमार ने कंपोज किए हुए बैकग्राउंड स्कोर है वो सी एम सी एस ने कंपोज़ किया हुआ है म्यूजिक के राइट से वो सोनी म्यूज़िक वालों ने अच्छी खासी प्राइस में खरीदे हुए फिल्म में टोटल चार ट्रैक थे जिसके लेंथ थी चौदह मिनट बावन सेकंड इन गानों को दो हज़ार बाईस तेईस में रिकॉर्ड किया हुआ था कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो जयराम जयाम रवि आपको इस फिल्म में लीड रोल में देखने को मिलेंगे जिन्होंने तिलंगा वर्मन यानी कि तिलागन का रोल प्ले किया हुआ है कीर्ति सुरेश ने इस फिल्म में इंस्पेक्टर के नंदिनी का रोल प्ले किया हुआ है अनुपमा परमेश्वर ने इस फिल्म में तिलागन की वाइफ का रोल यानी कि जेनिफर का रोल प्ले करती हुई नजर आएगी समुथी रखा ने इस फिल्म में डी एस पी एस नागले सॉरी ना, नगलिंगम आईपीएस का रोल प्ले किया हुआ है योगी बाबू को वेलंकन्नी का रोल दिया गया था इंसान अशरफ ने सपोर्टिंग रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे अला गम पेरुमल ने इस फिल्म में मनिकत्था गम अनाची का रोल प्ले किया हुआ है अजय आपको अनबू यानी कि अनबाला गन का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे सुरेंद्र के पी वाई ने इस फिल्म में विकी यानी कि वरन का रोल प्ले किया हुआ है तुलसी इस फिल्म में थिलागन की माँ का रोल प्ले करती हुई नजर आएगी चंद चंदनी चांदनी था तमिला रसन को इस फिल्म में कामाक्षी का रोल दिया गया है जो थिलागन की सिस्टर का रोल है युविना या युविना पार्थवी को इस फिल्म में मलर का रोल मिला हुआ है जो थिलागन की डॉटर का रोल था इसके अलावा मदन कुमार दक दक्षिणा मूर्ति इस फिल्म में ऐसा ही मूर्ति का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे मुत्तु कुमार इस फिल्म में काली मुत्तु का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे इंदुमती मणिकंदन का जो रोल था जो वो रोल उन्होंने उन्होंने इस फिल्म में विकी की माँ का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म में आपको के पी विनोद देखने को मिलेंगे जिन्होंने इस फिल्म में जेक का रोल प्ले किया हुआ है पांड्यन इस फिल्म में नांदेसन एन एक पैथोलॉजिस्ट का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे तिरुक् कारसू ने इस फिल्म में जेलर का रोल प्ले किया हुआ है लालू ने इस फिल्म में मणिकंदन का रोल प्ले किया हुआ है प्रार्थना नाथन ने इस फिल्म में मणिकंदन के वाइफ का रोल प्ले किया है विघ्नेश सनमुगन ने कातिर का रोल प्ले किया है अभिषेक विनोद ने इस फिल्म में मणिकंदम के बेटे का रोल प्ले किया हुआ है उदय महेश ने इस फिल्म में इंटरप्रेटर का रोल प्ले किया है प्रियादर्शी राजकुमार इस फिल्म में जज के रोल में पास्ट का जो एपिसोड था उसमें देखने को मिलते हैं T.S.R. श्रीनिवासन इस फिल्म में मैजिस्ट्रेट का रोल प्ले किया हुआ है सुजाता बाबू ने नंदिनी की माँ का रोल प्ले किया हुआ है तो ये फिल्म के लीड प्रोमिनेंट कास्ट थी जिन्होंने इसमें महत्वपूर्ण रोल प्ले किए हुए प्रोडक्शन की ओर बढ़ते डेवलपमेंट की शुरुआत अर्ली अप्रैल 2021 से करवा दी गई थी जहाँ पर कुछ रिपोर्ट्स आए थे कि एंटनी भाग्यराज जो इस फिल्म के डरेक्टर है जिन्होंने को राइट की हुई थी विश्वासम दो की फिल्म को तो वो एक स्क्रिप्ट तैयार कर रहे थे उन्होंने वो स्क्रिप्ट जयाराम को सुनाई जयाराम उस स्क्रिप्ट से काफ़ी इंप्रेस हुए थे लेटर ऑन जयाराम ने इस फिल्म को करने के लिए एग्री कर लिया उसके बाद में इस फिल्म का फंड किया होम मूवी मेकर्स वालों ने यानी कि वो इस फिल्म के प्रोड्यूसर बने 29 अगस्त 2022 को होम मूवी मेकर्स के द्वारा पब्लिकली अनाउंस करवाया गया कि एक प्रोजेक्ट आ रहा है जहां पे एंटनी भाग्यराज और जयाम रवि के बीच में प्रोजेक्ट होने वाला है फिल्म का ऑफिशियल टाइटल लेटर ऑन साइरन नाम से अनाउंस किया गया जीवी प्रकाश कुमार को इस फिल्म में म्यूजिक कंपोज़र के लिए लिया गया था उसके अलावा सेल्वा कुमार एस्के को सिनेमाटोग्राफी हैंडल करने के लिए अप्रोच किया गया रुबेन को इस फिल्म की एडिटिंग का कमान संभालने के लिए दिया गया था वहीं पे इस फिल्म की जो पूजा सेरेमनी थी वो अर्ली सेप्टेम्बर में रखी हुई थी जहाँ पे उसी महीने में इस फिल्म की शूटिंग भी स्टार्ट करवा दी गई थी साथ ही में इस फिल्म के नवंबर महीने तक काफ़ी सारी शूटिंग कंप्लीट हो चुकी थी समूति रखाने योगी बाबू का पार्ट भी इसमें अनाउंस किया गया था कि वो इस फिल्म के भी इम्पोर्टेंट पात्र होने वाले प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी पाँच सेप्टेम्बर दो को स्टार्ट करवा गई करवा दी गई थी पहला शेड्यूल चेन्नई में रखा हुआ था उस शेड्यूल को अर्ली नवंबर तक कम्प्लीट करवाया हुआ था सेकंड शेड्यूल था वो दस नवंबर से करई कुदी में स्टार्ट किया हुआ था और अर्ली अप्रैल 2023 तक उसको भी पूरी तरह से कंप्लीट करवाया इस फिल्म का थर्ड शेड्यूल को कार्यकाल में शूट किया हुआ था और उस शेड्यूल में एक गाना भी फीचर करवाया था जहाँ पर जयम रवि और अनुपमा परमेश्वर के बीच में वो गाना फिल्माया गया था और उस फिल्म को उस गाने के साथ फिल्म के पेचवर्क को भी अप्रैल महीने तक मिड अप्रैल तक पूरी तरह से रेपअप करवाया तो इस तरह से शूटिंग पोर्सन कंप्लीट किया गया था उसके बाद में म्यूजिक डबिंग मिक्सिंग मास्टरिंग एडिटिंग ऐसे पोस्ट प्रोडक्शन के काम में पूरा टाइम दिया गया और फिल्म को रिलीज के लिए तैयार किया हुआ था जहाँ पे सेंसर बोर्ड की तरफ से यू बेस सर्टिफिकेट मिला हुआ है म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो जीवी प्रकाश कुमार ने इस फिल्म के म्यूजिक के कंपोजिशन किए हुए हैं जहां पे इस फिल्म के डायरेक्टर यानी कि भाग्यराज के साथ उनकी ये करीबन पहली फिल्म में जयम रवि के साथ उनकी सेकंड फिल्म में इससे पहले निर्म दो नील करके 2014 में जो फिल्म आई थी उसमें उन्होंने बैकग्राउंड स्कोर दिया हुआ था फिल्म के ऑडियो के राइट थे सोनी म्यूजिक वालों ने खरीदे हुए थे दो हजार के बीच में गानों को रिकॉर्ड किया गया चौदह मिनट बावन सेकंड के साउंड था तमिल वर्जन में गानों को तैयार किया हुआ था वहीं पर इस फिल्म में जो बैकग्राउंड स्कोर था सॉन्ग था वो सभी चीज़ें उन्होंने ही कंपोज की थी वैसे लेटर ऑन रिवील किया गया कि सेम एम सी एस ने इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर कंपोज़ किया हुआ है इसके अलावा 29 जनवरी 2024 तक सभी साउंड ट्रैक को रिलीज करवा दिया गया था अब इसके ऊपर प्रॉपर बातचीत करें तो नेत्रवराई जो गाना है उसको तमयरा तम राय ने लिखा हुआ था जहाँ पे सिद्ध श्री राम ने उसको गाया हुआ था कन्नामा गाने को पा विजय ने लिखा था हरिचरण ने उसको गाया हुआ था आदि आती ने इस फिल्म का ये गाना है उसको मुरुगन मांती राम ने लिखा हुआ था एंतनी दासन और सिंदूरी विशाल ने गाया हुआ था आज्ञम उडन जूकर के जो गाना था उसको स्नेहन ने लिखा हुआ था हरीश शिव सीव का शिव कृष्णन ने उसको गाया हुआ था तो ये टोटल चार ट्रैक थे जिसकी लेंथ थी चौदह मिनट बावन सेकंड ये सभी गाने अगर आपको फिलहाल में ऑफिशियली सुनने तो सुन सकते हो टी सी सॉरी सोनी म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर तमिल वर्जन में तो ये चारों गाने वहाँ पे सुनने को मिल जाएंगे वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में वो भी फ्री में अब रिलीज़ के और बढ़ते वैसे सायरन फिल्म को इनिशियली दिसंबर 2023 को थिएट्रिकली रिलीज़ करवाने वाले थे लेकिन पोस्ट प्रोडक्शन का काम काफ़ी ज़्यादा अनफिनिश था जिसके चलते इसको पोस्टपोन किया गया और इसी रीजन्स के चलते इस फिल्म को सोलह फरवरी दो को थिएटर में प्रीमियर करवाया गया रिलीज़ करवाया गया जहाँ पे सिर्फ तमिल वर्जन रिलीज था रेड जाइंट मूवीज़ के द्वारा रिलीज़ दिलवाई गई थी फिल्म ने एक अच्छी खासी रिलीज ली हुई थी जहाँ पे इस फिल्म को मिक्स वर्ड ऑफ माउथ मिला ऑडियंस की तरफ से पॉजिटिव साइड ऑफ वर्ड ऑफ माउथ था वहीं पे जो क्रिटिक्स थे उसकी तरफ से एक मिक्स वर्ड ऑफ माउथ था तो ये मिक्स टू पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ के चलते आई एम डी पे इस फिल्म ने करीबन तेरह सौ से चौदह सौ वोट हासिल किए जिसमें सात पॉइंट तीन की रेटिंग हासिल हुई दस में से और इस रेटिंग के साथ फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे धीरे धीरे कलेक्शन करके दिखाया जहाँ पे साइरन फिल्म का जो ऑफ माउथ था वो मिक्स था जिसके चलते इस फिल्म ने पिकअप थोड़ा लेट लिया हुआ था वैसे पहले तीन दिन का कलेक्शन था वो डेफिनेटली जो विजयम रवि का स्टार्डम है उस हिसाब से थोड़ा कलेक्शन ज़्यादा आया हुआ था उसके बाद में डे बाई डे फिल्म के कलेक्शन में थोड़े बहुत चेंजेस देखने को मिले और पूरी तरह से इस फिल्म का करीबन बजट बताया गया था तीस करोड़ तो उस तीस करोड़ के बजट के सामने इस फिल्म ने उतना कुछ खास इंडिया में नेट कलेक्शन नहीं किया था लेकिन थिएट्रिकल ओ टी राइट्स सभी राइट्स बेचते करते इस फिल्म ने एक अच्छा खासा वर्ड ऑफ माउथ गेन किया और बॉक्स ऑफिस पे भी एक कलेक्शन था वो बेहतर तरीके से करके दिखाया तो उसी के रीज़न के चलते इस फिल्म ने ओवरऑल और और एक बिलो एवरेज तो नहीं बोल सकते एवरेज का का मार्क बॉक्स ऑफिस पे हासिल किया कुछ का कहना है कि ये फिल्म सुपरहिट भी है अब बात करें इस फिल्म की का कहानी के ऊपर तो इस फिल्म में थिलागन करके एक ऑनेस्ट एम्बुलेंस ड्राइवर है जो कंचीपुरम में ड्राइव कर रहा है वहाँ पे रह रहा है तो उसको कुछ फोर्सली एक्यूज किया जाता है और उसी के रीजंस के चलते उसकी वाइफ के मर्डर के चलते उसको एक सेंटेंस सुनाया जाता देत का उसके बाद में जेनिफर और उसकी फ्रेंड का उसका फ्रेंड काथिर वो चौदह साल के बाद ता, पे, ता, पता चलता है वो कि चौदह साल के बाद पेरोल में चौदह दिन के लिए वो बाहर आया हुआ है जहाँ पे वो जेनिफर काथिर इर के जो मर्डरर है उससे बदला लेना चाहता है तो जैसे कि मैंने कहा कि उसको गलती से जेल में डाल दिया था तो उसके बाद में जब वो चौदह साल के बाद पेरोल के ऊपर बाहर निकला हुआ है तो उसका पूरा फोकस अपने रिवेंज के ऊपर है तो फिल्म की कहानी वहीं से इंटरेस्टिंग तरीके से दिखाई गई है कि एक पूरा फोकस वहां पे दिखाया तो स्क्रीन प्ले काफ़ी टाइट रखा हुआ है तो सभी चीज़ें वहां पे किस तरह से कैसे क्या दिखाई जाती है किसने जेनिफर को मारा हुआ था उसकी बेटे को किसने क्या किया हुआ था वो सभी चीज़ें फ़िल्म की कहानी में दिखाई हुए तो ये सभी चीज़ें देखने के लिए आपको फुल पूरी फिल्म देखनी पड़ेगी जहाँ पे डायरेक्टर ने डेफिनेटली एक अच्छा कॉन्सेप्ट चूज़ किया हुआ था इसमें थ्रिलिंग मोमेंट्स भी थे जिस तरह से इमोशनल एंगल डाला हुआ था एक्शन सीक्वेंस देखने को मिलते तो सभी चीज़ों का एक परफेक्ट कॉम्बो देखने को मिलता है डायरेक्टर ने डिसेंट मैनर में चीज़ों को हैंडल किया हुआ है हाँ कुछ चीज़ें इधर उधर हो गई है अगर उसको स्क्रीन प्ले में थोड़ा बेटर करते थे तो चीज़ें थोड़ी और बेहतरीन हो सकती थी लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो जयम रवि की ये फिल्म एज अ थ्रिलर के तौर के ऊपर देखा जाए तो एक डिसेंट है वैसे एक आइडिया काफ़ी अच्छा था लेकिन थ्रिलिंग मोमेंट्स थोड़े और बेहतर तरीके से दिखाया जा सकता था और जो रेगुलर रिवेंट ड्रामा फिल्में जो ओल्ड फ्लैस वाले सिक्वेंस है तो उससे थोड़ी डिफरेंस आपको इस फिल्म में नज़र आएगा इसके अलावा इस फिल्म में आपको लॉजिकल एर थोड़ी बहुत नजर आ सकती है उसको थोड़े साइड में रखने पड़ेंगे टेक्निकली फिल्म वेल मेड बनाई गई है सिनेमेटोग्राफी काफ़ी बढ़िया है एडिटिंग फिल्म की डिसेंट की गई है म्यूजिक डिपार्टमेंट में जो सॉन्ग है बैकग्राउंड स्कोर है वो फिल्म को सपोर्ट देते हुए नज़र आते हैं आर्ट डायरेक्शन सिनेमेटोग्राफी सभी चीज़ें काफ़ी बढ़िया थी एक्टर्स जैसे कि जयम रवि कीर्ति सुरेश अनुपमा परमेश्वरन समुति रखानी योगी बाबू सभी का काम काफ़ी बढ़िया नज़र आता है जयाम रवि ने काफ़ी बढ़िया तरीके से अपने कंधे पर पूरी फिल्म को चलाया हुआ है और कीर्ति सुरेश का एक परफॉर्मेंस फिल्म को काफ़ी शानदार बना जाता है ट्विस्ट और 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 कुछ सस्पेंस फिल्म को बेहतर बनाने की कोशिश करता है और लेकिन देखने लायक फिल्म है इस फिल्म को आप डेफिनेटली देख सकते हो इस फिल्म के जो ओटीटी और सैटेलाइट राइट्स थे वो स्टार नेटवर्क वालों ने खरीदे हुए थे जहाँ पे स्टार नेटवर्क के द्वारा इस फिल्म के तेलुगु तमिल कन्नड़ा मलयालम और हिंदी सभी वर्जन के ओटीटी राइट्स खरीदे गए थे तमिल मेन वर्जन था बाकी तेलुगु कन्नडा मलयालम और हिंदी डब्ड वर्जन थे जहाँ पे स्टार विजय के पास इस फिल्म के तमिल वर्जन के राइट्स थे तमिल सेटेलाइट राइड्स से। है इस फिल्म को ओ टी टी उन्नीस अप्रैल दो को प्रीमियर करवाया गया तो वहाँ पर भी एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला हुआ था तो फिलहाल में इस फिल्म को अगर आपको ऑफिशियली देखना है तो डिजनी प्लस और के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन तमिल मेन लैंग्वेज लें के साथ हिंदी तेलुगु कन्नडा मलयालम डब्ड वर्जन में आप इस फिल्म को इन्जॉय कर सकते हो जहाँ पे साइरन 108 नाम या साइरन नाम के साथ इस फिल्म को अवेलेबल किया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म का सैटेलाइट वर्जन आपको स्टार विजय टेलीविजन चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि सायरन फिल्म अभी आपको फिलहाल में ऑफिशियली देखने तो डिजनी प्लस हो स्टार के ऊपर साइरन वन जीरो नाम के साथ हिंदी तमिल तेलगू कन्नडा मलयालम इन सभी वर्ज़न में आप इन्जॉय कर सकते हो वहीं पे इस फिल्म का सैटेलाइट वर्जन स्टार विजय के ऊपर तमिल वर्जन में देखने को मिल जाएगा वो भी बिल्कुल फ्री में तो इस तरह से आप इस फिल्म को ऑफिशियली ओ टी टी और सैटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर हिंदी तमिल तेलगु कन्नडा मलयालम इन सभी वर्जन में इन्जॉय कर सकते हो साइरन जिसको सायरन 108 नाम से भी मार्केट करके रिलीज़ किया गया था ये एक 2024 की इंडियन तमिल लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म थी फिल्म को थिएट्रिकली सिर्फ तमिल वर्जन में रिलीज किया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म का स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग डायरेक्शन सभी चीज़ें एंटनी भाग्यराज ने किए हुई है इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है सुजाता विजय कुमार ने जिन्होंने इस फिल्म को होम मूवी मेकर्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे एक डिजाइन बजट में बनाया हुआ था रेड जाइंट मूवीज़ के द्वारा इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था तमिल वर्जन में फिल्म के लीड कास्ट में आपको जयम रवि और कीर्ति सुरेश देखने को मिलेंगे टेक्निकल टीम में सिनेमाटोग्राफी है वो सेल्वा कुमार एसके ने की हुई है एडिटिंग रूपेन ने की हुई थी जहाँ पे इस फिल्म को एक क्रिस्प रन टाइम दिया हुआ है ये फिल्म करीबन दो घंटे चौंतीस मिनट के रन टाइम के साथ सेंसर करवाई गई थी इसके अलावा म्यूजिक डिपार्टमेंट में सॉन्ग्स जीवी प्रकाश कुमार ने कम्पोज किए हुए बैकग्राउंड स्कोर है वो सी ने कम्पोज किया हुआ है म्यूजिक के राइट्स है वो सोनी म्यूजिक वालों अच्छी खासी प्राइस में खरीदे हुए फिल्म में टोटल चार ट्रैक थे जिसके लेंथ चौदह मिनट बावन सेकंड इन गानों को 2022 हजार बाईस में रिकॉर्ड किया हुआ था कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो जयराम जयाम रवि आपको इस फिल्म में लीड रोल में देखने को मिलेंगे जिन्होंने तिलंगा वरमन यानी कि तिलागन का रोल प्ले किया हुआ है कीर्ति सुरेश ने इस फिल्म में इंस्पेक्टर के नंदिनी का रोल प्ले किया हुआ है अनुपमा परमेश्वर ने इस फिल्म में तिलागन की वाइफ का रोल यानी कि जेनिफर का रोल प्ले करते हुए नज़र आएगी समुथी रखा ने इस फिल्म में डी एस पी एस नागलीज सॉरी नगलिंगम ना, आई का रोल प्ले किया हुआ है योगी बाबू को वेलंगनी का रोल दिया गया था इंसान अशरफ ने सपोर्टिंग रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे अलागम पेरुमल ने इस फिल्म में मनिकथागम अनाची का रोल प्ले किया हुआ है अजय आपको अनबू यानी कि अनबाला गन का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे सुरेंद्र के पी वाई ने इस फिल्म में विकी यानी कि वरन का रोल प्ले किया हुआ है तुलसी इस फिल्म में थिलागन की माँ का रोल प्ले करते हुए नजर आएगी चंदनी चांदनी तमिलासन को इस फिल्म में कामाक्षी का रोल दिया गया है जो थिलंगन की सिस्टर का रोल है युविना या yeah, युविना पार्थवी को इस फिल्म में मलर का रोल मिला हुआ है जो तिलागन की डोटर का रोल था इसके अलावा मादन कुमार दक, दक्षिणा मूर्ति इस फिल्म में ऐसा मूर्ति का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे मुत्तु कुमार इस फिल्म में काली मुत्तु का रोल प्ले करते हुए नज़र आएंगे इंदुमती मणिकंदन का जो रोल था जो वो रोल उन्होंने उन्होंने इस फिल्म में विकी की मां का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म में आपको के पी विनोद देखने को मिलेंगे जिन्होंने इस फिल्म में जेक का रोल प्ले, 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 प्ले किया हुआ है पांड्यन इस फिल्म में नंदेसन एन एक पैथोलॉजिस्ट का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे तिरुक्क कारसू ने इस फिल्म में जेलर का रोल प्ले किया हुआ है लालू ने इस फिल्म में मणिकंदन का रोल प्ले किया हुआ है प्रारथना नाथन ने इस फिल्म में मणिकंदन के वाइफ का रोल प्ले किया है विग्नेश सनमुगन ने कातिर का रोल प्ले किया है अभिषेक विनोद ने इस फिल्म में मणिकंदम के बेटे का रोल प्ले किया है उदय महेश ने इस फिल्म में इंटरप्रेटर का रोल प्ले किया हुआ है प्रियादर्शी राजकुमार इस फिल्म में जज के रोल में पास्ट का जो एपिसोड था उसमें देखने को मिलते हैं टी एस आर श्रीनिवासन ने इस फिल्म में मजिस्ट्रेट का रोल प्ले किया हुआ है सुजाता बाबू ने नंदिनी की मां का रोल प्ले किया हुआ है तो ये फिल्म के लीड प्रोमिनेंट कास्ट थी जिन्होंने इसमें महत्वपूर्ण रोल प्ले किए हुए हैं प्रोडक्शन की ओर बढ़ते डेवलपमेंट की शुरुआत अर्ली अप्रैल 2021 से करवा दी गई थी जहां पे कुछ रिपोर्ट्स आए थे कि एंटनी भाग्यराज जो इस फिल्म के डायरेक्टर है जिन्होंने को राइट की हुई थी विश्वासम 2019 की फिल्म को तो वो एक स्क्रिप्ट तैयार कर रहे थे उन्होंने वो स्क्रिप्ट जयाराम को सुनाई जयाराम उस स्क्रिप्ट से काफ़ी इंप्रेस हुए थे लेटर ऑन जयाराम ने इस फिल्म को करने के लिए एग्री कर लिया उसके बाद में इस फिल्म का फंड किया होम मूवी मेकर्स वालों ने यानी कि वो इस फिल्म के प्रोड्यूसर बने 29 अगस्त 2022 को होम मूवी मेकर्स के द्वारा पब्लिकली अनाउंस करवाया गया कि एक प्रोजेक्ट आ रहा है जहां पे एंटनी भाग्यराज और जयाम रवि के बीच में प्रोजेक्ट होने वाला है फिल्म का ऑफिशियल टाइटल लेटर ऑन साइरन नाम से अनाउंस किया गया है वी प्रकाश कुमार को इस फिल्म में म्यूजिक कंपोजर के लिए लिया गया था उसके अलावा सेल्वा कुमार रिस्के को सिनेमाटोग्राफी हैंडल करने के लिए अप्रोच किया गया रुबेन को इस फिल्म की एडिटिंग का कमान संभालने के लिए दिया गया था वहीं पे इस फिल्म की जो पूजा सेरेमनी थी वो अर्ली सेप्टेम्बर में रखी हुई थी जहाँ पे उसी महीने में इस फिल्म की शूटिंग भी स्टार्ट करवा दी गई थी साथ ही में इस फिल्म के नवंबर महीने तक काफ़ी सारी शूटिंग कंप्लीट हो चुकी थी समूत्री रखा ने योगी बाबू का पार्ट भी इसमें अनाउंस किया गया था कि वो इस फिल्म के भी इम्पोर्टेंट पात्र होने वाले प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी 5 सितंबर 2022 को स्टार्ट करवा गई करवा दी गई थी पहला शेड्यूल चेन्नई में रखा हुआ था उस शेड्यूल को अर्ली नवंबर तक कंप्लीट करवाया हुआ था सेकंड शेड्यूल था वो 10 नवंबर से करे कुदी में स्टार्ट किया हुआ था और अर्ली अप्रैल 2023 तक उसको भी पूरी तरह से कंप्लीट करवाया इस फिल्म का थर्ड शेड्यूल को कारेकल में शूट किया हुआ था और उस शेड्यूल में एक गाना भी फीचर करवाया था जहाँ पर जयम रवि और अनुपमा परमेश्वर के बीच में वो गाना फिल्माया गया था और उस फिल्म को उस गाने के साथ फिल्म के पेचवर्क को भी अप्रैल महीने तक मिड अप्रैल तक पूरी तरह से रेप अप करवाया तो इस तरह से शूटिंग पोर्सन कम्पली किया गया था उसके बाद में म्यूजिक डबिंग मिक्सिंग मास्टरिंग एडिटिंग ऐसे पोस्ट प्रोडक्शन के काम में पूरा टाइम दिया गया और फिल्म को रिलीज के लिए तैयार किया हुआ था जहाँ पे सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला हुआ है म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो जी प्रकाश कुमार ने इस फिल्म के म्यूजिक के कंपोजिशन की हुई है जहाँ पे इस फिल्म के डायरेक्टर यानी कि भाग्यराज के साथ उनकी ये करीबन पहली फिल्म जयाम रवि के साथ उनकी सेकंड फिल्म है इससे पहले निरमद नील करके दो में जो फिल्म आई थी उसमें उन्होंने बैकग्राउंड स्कोर दिया हुआ था फिल्म के ऑडियो के राइट्स थे और सोनी म्यूजिक वालों ने खरीदे हुए थे दो हजार बाईस के बीच में गानों को रिकॉर्ड किया गया चौदह बावन सेकंड का साउंड ट्रैक था तमिल वर्जन में गानों को तैयार किया हुआ था वहीं पे इस फिल्म में जो बैकग्राउंड स्कोर था सॉन्ग था वो सभी चीज़ें उन्होंने ही कंपोज़ की थी वैसे लेटर ऑन रिवील किया गया कि सेम एम सी एस ने इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर कंपोज किया हुआ है इसके अलावा 29 जनवरी 2024 तक सभी साउंड ट्रैक को रिलीज करवा दिया गया था अब इसके ऊपर प्रॉपर बातचीत करें तो नेत्रवराई जो गाना है उसको तमयरा तम ने लिखा हुआ था जहाँ पे सिद्ध श्री राम ने उसको गाया हुआ था कन्नामा गाने को पा विजय ने लिखा था हरिचरण ने उसको गाया हुआ था आदि आती ने इस फिल्म का ये गाना है उसको मुरुगन मांती राम ने लिखा हुआ था एंतनी दासन और सिंदूरी विशाल ने गाया हुआ था आज्ञा ओडान जूकर के जो गाना था उसको स्नेहन ने लिखा हुआ था हरीश शिव सीव का शिव रामा कृष्णन ने उसको गाया हुआ था तो ये टोटल चार ट्रैक थे जिसकी लेंथ थी चौदह मिनट बावन सेकंड ये सभी गाने अगर आपको फिलहाल में ऑफिशियली सुनने हैं तो सुन सकते हो टी सी सॉरी सोनी म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर तमिल वर्जन में तो ये चारों गाने वहाँ पे सुनने को मिल जाएंगे वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में वो भी फ्री में अब रिलीज़ के और बढ़ते वैसे सायरन फिल्म को इनिशियली दिसंबर 2023 को थिएट्रिकली रिलीज़ करवाने वाले थे लेकिन पोस्ट प्रोडक्शन का काम काफ़ी ज़्यादा अनफिनिश्ड था जिसके चलते इसको पोस्टपोन किया गया और इसी रीजंस के चलते इस फिल्म को 16 फरवरी 2024 को थिएटर में प्रीमियर करवाया गया रिलीज़ करवाया गया जहां पे सिर्फ तमिल वर्जन रिलीज था रेड जैंट मूवीज़ के द्वारा रिलीज़ दिलवाई गई थी फिल्म ने एक अच्छी खासी रिलीज़ ली हुई थी जहाँ पे इस फिल्म को मिक्स वर्ड ऑफ माउथ मिला ऑडियंस की तरफ से पॉजिटिव साइड ऑफ वर्ड ऑफ माउथ था वहीं पे जो क्रिटिक्स थे उसकी तरफ से एक मिक्स वर्ड ऑफ माउथ था तो ये मिक्स्ड टू पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ के चलते आई एम डी ए इस फिल्म ने करीबन 1300 से 1400 वोट हासिल किए जिसमें सात पॉइंट तीन की रेटिंग हासिल हुई दस में से और इस रेटिंग के साथ फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे धीरे धीरे कलेक्शन करके दिखाया जहाँ पे साइरन फिल्म का जो वर्ड ऑफ माउथ था वो मिक्स था जिसके चलते इस फिल्म ने पिकअप थोड़ा लेट लिया हुआ था वैसे पहले तीन दिन का कलेक्शन था वो डेफिनेटली जो जयम रवि का स्टार्डम है उस हिसाब से थोड़ा कलेक्शन ज़्यादा आया हुआ था उसके बाद में डे बाई डे फिल्म के कलेक्शन में थोड़े बहुत चेंजेस देखने को मिले और पूरी तरह से इस फिल्म का करीबन बजट बताया गया था तीस करोड़ तो उस तीस करोड़ के बजट के सामने इस फिल्म ने उतना कुछ खास इंडिया में नेट कलेक्शन नहीं किया था लेकिन थिएट्रिकल ओ टी टी राइट्स सभी राइट्स बेचते करते इस फिल्म ने एक अच्छा खासा वर्ड ऑफ माउथ गेन किया और बॉक्स ऑफिस पे भी एक कलेक्शन था वो बेहतर तरीके से करके दिखाया तो उसी के रीज़न के चलते इस फिल्म ने ओवरऑल और और एक बिलो एवरेज तो नहीं बोल सकते एवरेज का का, का टेग मार्क बॉक्स ऑफिस पे हासिल किया कुछ का कहना है कि ये फिल्म सुपरहिट भी है अब बात करें इस फिल्म की का कहानी के ऊपर तो इस फिल्म में थिलागन करके एक ऑनेस्ट एम्बुलेंस ड्राइवर है जो कंचीपुरम में ड्राइव कर रहा है वहाँ पे रह रहा है तो उसको कुछ फोर्सली एक्यूज़ किया जाता है और उसी के रीजंस के चलते उसकी वाइफ के मर्डर के चलते उसको एक सेंटेंस सुनाया जाता है का उसके बाद में जेनिफर और उसकी फ्रेंड का उसका फ्रेंड काथिर वो चौदह साल के बाद ता पे, ता पता चलता है वो कि चौदह साल के बाद पेरोल में चौदह दिन के लिए वो बाहर आया हुआ है जहाँ पे वो जेनिफर काथिर इर के जो मर्डरर है उससे बदला लेना चाहता है तो जैसे कि मैंने कहा कि उसको गलती से जेल में डाल दिया था तो उसके बाद में जब वो चौदह साल के बाद पेरोल के ऊपर बाहर निकला हुआ है तो उसका पूरा फोकस अपने रिवेंज के ऊपर है तो फिल्म की कहानी वहीं से इंटरेस्टिंग तरीके से दिखाई गई है कि एक पूरा फोकस वहाँ पे दिखाया तो स्क्रीन प्ले काफ़ी टाइट रखा हुआ है तो सभी चीज़ें वहाँ पे किस तरह से कैसे क्या दिखाई जाती है किसने जेनिफ़र को मारा हुआ था उसकी बेटे को किसने क्या किया हुआ था वो सभी चीज़ें फ़िल्म की कहानी में दिखाई हुए तो ये सभी चीज़ें देखने के लिए आपको फुल पूरी फिल्म देखनी पड़ेगी जहाँ पे डायरेक्टर ने डेफिनेटली एक अच्छा कॉन्सेप्ट चूज़ किया हुआ था इसमें थ्रिलिंग मोमेंट्स भी थे जिस तरह से इमोशनल एंगल डाला हुआ था एक्शन सिक्वेंस देखने को मिलते तो सभी चीज़ों का एक परफेक्ट कॉम्बो देखने को मिलता है डायरेक्टर ने डिसेंट मैनर में चीज़ों को हैंडल किया हुआ है हाँ कुछ चीज़ें इधर उधर हो गई है अगर उसको स्क्रीन प्ले में थोड़ा बेटर करते थे तो चीज़ें थोड़ी और बेहतरीन हो सकती थी लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो जयम रवि की ये फिल्म एज अ थ्रिलर के तौर के ऊपर देखा जाए तो एक डिसेंट है वैसे एक आइडिया काफ़ी अच्छा था लेकिन थ्रिलिंग मोमेंट्स थोड़े और बेहतर तरीके से दिखाया जा सकता था और जो रेगुलर रिवेंट ड्रामा फिल्में जो ओल्ड फ्लेसिक वाले सिक्वॉन्स है तो उससे थोड़ी डिफरेंस आपको इस फिल्म में नज़र आएगा इसके अलावा इस फिल्म में आपको लॉजिकल थोड़ी बहुत नजर आ सकती है उसको थोड़े साइड में रखने पड़ेंगे टेक्निकली फिल्म वेल मेड बनाई गई है सिनेमेटोग्राफी काफी बढ़िया है एडिटिंग फिल्म की डिसेंट की गई है म्यूजिक डिपार्टमेंट में जो सॉन्ग थे बैकग्राउंड स्कोर है वो फिल्म को सपोर्ट देते हुए नजर आते हैं आर्ट डायरेक्शन सिनेमेटोग्राफी सभी चीज़ें काफी बढ़िया थी एक्टर्स जैसे कि जयाम रवि कीर्ति सुरेश अनुपमा परमेश्वरन समूति रखानी योगी बाबू सभी का काम काफी बढ़िया नज़र आता है जयाम रवि ने काफी बढ़िया तरीके से अपने कंधे पर पूरी फिल्म को चलाया हुआ है और कीर्ति सुरेश का एक सपोर्ट कोशिश और और को करता है और लेकिन देखने लायक है इस फिल्म, को आप डेफिनेटली देख सकते हो। इस फिल्म के जो ओ और सैटेलाइट राइट्स थे वो स्टार नेटवर्क वालों ने खरीदे हुए थे जहाँ पे स्टार नेटवर्क के द्वारा इस फिल्म के तेलुगु तमिल कन्नडा मलयालम और हिंदी सभी वर्जन के ओ राइट्स खरीदे गए थे तमिल मेन वर्जन था बाकी तेलुगु कन्नडा मलयालम और हिंदी डब्ड वर्जन थे जहाँ पे स्टार विजय के पास इस फिल्म के तमिल वर्जन के राइट्स थे तमिल सेटेलाइट राइट्स थे इस फिल्म को ओ टी टी उन्नीस अप्रैल दो को प्रीमियर करवाया गया तो वहां पर भी एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला हुआ था तो फिलहाल में इस फिल्म को अगर आपको ऑफिशियली देखना है तो डिजनी प्लस होस्ट स्टार के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन तमिल मेन लैंग्वेज के साथ हिंदी तेलगू कन्नडा मलयालम डब्ड वर्जन में आप इस फिल्म को इन्जॉय कर सकते हो जहाँ पे साइरन 108 नाम या साइरन नाम के साथ इस फिल्म को अवेलेबल किया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म का सैटेलाइट वर्जन आपको स्टार विजय टेलीविजन चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि साइरन फिल्म अभी आपको फिलहाल में ऑफिशियली देखने तो डिजनी प्लस होट के ऊपर साइरन वन नाम के साथ हिंदी तमिल तेलुगू कन्नडा मलयालम इन सभी वर्ज़न में आप इन्जॉय कर सकते हो वहीं पे इस फिल्म का सैटेलाइट वर्जन स्टार विजय के ऊपर तमिल वर्जन में देखने को मिल जाएगा वो भी बिल्कुल फ्री में तो इस तरह से आप इस फिल्म को ऑफिशियली ओ टी टी और सैटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर हिंदी तमिल तेलुगू कन्नडा मलयालम इन सभी वर्जन में, में इन्जॉय कर सकते हो सायरन जिसको साइरन 108 नाम से भी मार्केट करके रिलीज़ किया गया था ये एक 2024 की इंडियन तमिल लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म थी फिल्म को थिएट्रिकली सिर्फ तमिल वर्जन में रिलीज़ किया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म का स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग डायरेक्शन सभी चीज़ें एंटनी भाग्यराज ने किए हुई है इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है सुजाता विजय कुमार ने जिन्होंने इस फिल्म को होम मूवी मेकर्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे एक डिजाइन बजट में बनाया हुआ था रेड जाइंट मूवीज़ के द्वारा इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था तमिल वर्जन में फिल्म के लीड कास्ट में आपको जयाम रवि और कीर्ति सुरेश देखने को मिलेंगे टेक्निकल टीम में सिनेमाटोग्राफी है वो सेल्वा कुमार एसके ने की हुई है एडिटिंग रूपेन ने की हुई थी जहाँ पे इस फिल्म को एक क्रिस्प रन टाइम दिया हुआ है ये फिल्म करीबन दो घंटे चौंतीस मिनट के रन टाइम के साथ सेंसर करवाई गई थी इसके अलावा म्यूजिक डिपार्टमेंट में सॉन्ग्स जी प्रकाश कुमार ने कम्पोज किए हुए बैकग्राउंड स्कोर है वो सी एम ने कम्पोज किया हुआ है म्यूज़िक के राइट है वो सोनी म्यूजिक वालों ने अच्छी खासी प्राइज में खरीदे हुए फिल्म में टोटल चार ट्रैक थे जिसके लेंथ थी चौदह मिनट बावन सेकंड इन गानों को दो हज़ार में रिकॉर्ड किया हुआ था कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो जया राम जयाम रवि आपको इस फिल्म में लीड रोल में देखने को मिलेंगे जिन्होंने तिलंगा वर्मन यानी कि तिलागन का रोल प्ले किया हुआ है कीर्ति सुरेश ने इस फिल्म में इंस्पेक्टर के नंदिनी का रोल प्ले किया हुआ है अनुपमा परमेश्वर ने इस फिल्म में तिलागन की वाइफ का रोल यानी कि जेनिफर का रोल प्ले करती हुई नजर आएगी समूथी रखा ने इस फिल्म में डी एस नागले सॉरी ना, नगलिंगम आईपीएस का रोल प्ले किया हुआ है योगी बाबू को वेलंकन्नी का रोल दिया गया था इंसान अशरफ ने सपोर्टिंग रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे अला गम पेरुमल ने इस फिल्म में मनिकत्था गम अनाची का रोल प्ले किया हुआ है अजय आपको अनबू यानी कि अनबाला गन का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे सुरेंद्र के पी वाई ने इस फिल्म में विकी यानी कि वरन का रोल प्ले किया हुआ है तुलसी इस फिल्म में थिलागन की माँ का रोल प्ले करती हुई नजर आएगी चंद चंदनी चांदनी था तमिला रसन को इस फिल्म में कामाक्षी का रोल दिया गया है जो थिलागन की सिस्टर का रोल है यूविना या यूवीना पार्थवी को इस फिल्म में मलर का रोल मिला हुआ है जो थिलागन की डॉटर का रोल था इसके अलावा मदन कुमार दक दक्षिणा मूर्ति इस फिल्म में ऐसा ही मूर्ति का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे मुत्तु कुमार इस फिल्म में काली मुत्तु का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे इंदुमती मणिकंदन का जो रोल था जो वो रोल उन्होंने उन्होंने, उन्होंने इस फिल्म में विकी की, की माँ का, का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म में आपको के पी विनोद देखने को मिलेंगे जिन्होंने इस फिल्म में जेक का रोल प्ले किया हुआ है पांड्यन इस फिल्म में नांदेसन एन एक पैथोलॉजिस्ट का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे तिरुक् कारसू ने इस फिल्म में जेलर का रोल प्ले किया हुआ है लालू ने इस फिल्म में मणिकंदन का रोल प्ले किया हुआ है प्रार्थना नाथन ने इस फिल्म में मणिकंदन के वाइफ का रोल प्ले किया है विघ्नेश सनमुगन ने कातिर का रोल प्ले किया है अभिषेक विनोद ने इस फिल्म में मणिकंदम के बेटे का रोल प्ले किया हुआ है उदय महेश ने इस फिल्म में इंटरप्रेटर का रोल प्ले किया हुआ है प्रियादर्शी राजकुमार इस फिल्म में जज के रोल में पास्ट का जो एपिसोड था उसमें देखने को मिलते हैं T.S.R. एस श्रीनिवासन ने इस फिल्म में मैजिस्ट्रेट का रोल प्ले किया हुआ है सुजाता बाबू ने नंदनी की माँ का रोल प्ले किया हुआ है तो ये फिल्म के लीड प्रोमिनेंट कास्ट थी जिन्होंने इसमें महत्वपूर्ण रोल प्ले किए हुए प्रोडक्शन की ओर बढ़ते डेवलपमेंट की शुरुआत अर्ली अप्रैल 2021 से करवा दी गई थी जहाँ पर कुछ रिपोर्ट्स आए थे कि एंटनी भाग्यराज जो इस फिल्म के डरेक्टर है जिन्होंने को राइट की हुई थी विश्वासम दो की फिल्म को तो वो एक स्क्रिप्ट तैयार कर रहे थे उन्होंने वो स्क्रिप्ट जयाराम को सुनाई जयाराम उस स्क्रिप्ट से काफ़ी इंप्रेस हुए थे लेटर ऑन जयाराम ने इस फिल्म को करने के लिए एग्री कर लिया उसके बाद में इस फिल्म का फंड किया होम मूवी मेकर्स वालों ने यानी कि वो इस फिल्म के प्रोड्यूसर बने 29 अगस्त 2022 को होम मूवी मेकर्स के द्वारा पब्लिकली अनाउंस करवाया गया कि एक प्रोजेक्ट आ रहा है जहां पे एंटनी भाग्यराज और जयाम रवि के बीच में प्रोजेक्ट होने वाला है फिल्म का ऑफिशियल टाइटल लेटर ऑन साइरन नाम से अनाउंस किया गया जीवी प्रकाश कुमार को इस फिल्म में म्यूजिक कंपोज़र के लिए लिया गया था उसके अलावा सेल्वा कुमार एस्के को सिनेमाटोग्राफी हैंडल करने के लिए अप्रोच किया गया रुबेन को इस फिल्म की एडिटिंग का कमान संभालने के लिए दिया गया था वहीं पे इस फिल्म की जो पूजा सेरेमनी थी वो अर्ली सितंबर में रखी हुई थी जहां पे उसी महीने में इस फिल्म की शूटिंग भी स्टार्ट करवा दी गई थी साथ ही में इस फिल्म के नवंबर महीने तक काफ़ी सारी शूटिंग कंप्लीट हो चुकी थी समूति रखाने योगी बाबू का पार्ट भी इसमें अनाउंस किया गया था कि वो इस फिल्म के भी इम्पोर्टेंट पात्र होने वाले प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी पाँच सेप्टेम्बर दो को स्टार्ट करवा गई करवा दी गई थी पहला शेड्यूल चेन्नई में रखा हुआ था उस शेड्यूल को अर्ली नवंबर तक कम्प्लीट करवाया हुआ था सेकंड शेड्यूल था वो दस नवंबर से करई कुदी में स्टार्ट किया हुआ था और अर्ली अप्रैल 2023 तक उसको भी पूरी तरह से कंप्लीट करवाया इस फिल्म का थर्ड शेड्यूल को कार्यकाल में शूट किया हुआ था और उस शेड्यूल में एक गाना भी फीचर करवाया था जहाँ पर जयम रवि और अनुपमा परमेश्वर के बीच में वो गाना फिल्माया गया था और उस फिल्म को उस गाने के साथ फिल्म के पेचवर्क को भी अप्रैल महीने तक मिड अप्रैल तक पूरी तरह से रेपअप करवाया तो इस तरह से शूटिंग पोर्सन कंप्लीट किया गया था उसके बाद में म्यूजिक डबिंग मिक्सिंग मास्टरिंग एडिटिंग ऐसे पोस्ट प्रोडक्शन के काम में पूरा टाइम दिया गया और फिल्म को रिलीज के लिए तैयार किया हुआ था जहाँ पे सेंसर बोर्ड की तरफ से यू

तमिल वर्जन में गानों को तैयार किया हुआ था वहीं पे इस फिल्म में जो बैकग्राउंड स्कोर था सॉन्ग था वो सभी चीज़ें उन्होंने ही कंपोज की थी वैसे लेटर ऑन रिवील किया गया कि सी सी एस ने इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर कंपोज किया हुआ है इसके अलावा 29 जनवरी 2024 तक सभी साउंड ट्रैक को रिलीज करवा दिया गया था अब इसके ऊपर प्रॉपर बातचीत करें तो नेत्रवराई जो गाना है उसको तमयरा तम राय ने लिखा हुआ था जहाँ पे सिद्ध श्री राम ने उसको गाया हुआ था कन्नामा गाने को पा विजय ने लिखा था हरिचरण ने उसको गाया हुआ था आदि आती ने इस फिल्म का ये गाना है उसको मुरुगन मांती राम ने लिखा हुआ था एंतनी दासन और सिंदूरी विशाल ने गाया हुआ था आज्ञम उडन जूकर के जो गाना था उसको स्नेहन ने लिखा हुआ था हरीश शिव का शिव कृष्णन ने उसको गाया हुआ था तो ये टोटल चार ट्रैक थे जिसकी लेंथ थी चौदह मिनट बावन सेकंड ये सभी गाने अगर आपको फिलहाल में ऑफिशियली सुनने तो सुन सकते हो टी सी सॉरी सोनी म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर तमिल वर्जन में तो ये चारों गाने वहाँ पे सुनने को मिल जाएंगे वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में वो भी फ्री में अब रिलीज़ के और बढ़ते वैसे सायरन फिल्म को इनिशियली दिसंबर 2023 को थिएट्रिकली रिलीज़ करवाने वाले थे लेकिन पोस्ट प्रोडक्शन का काम काफ़ी ज़्यादा अनफिनिश था जिसके चलते इसको पोस्टपोन किया गया और इसी रीजन्स के चलते इस फिल्म को सोलह फरवरी दो को थिएटर में प्रीमियर करवाया गया रिलीज़ करवाया गया जहाँ पे सिर्फ तमिल वर्जन रिलीज था रेड जैंट मूवीज़ के द्वारा रिलीज़ दिलवाई गई थी फिल्म ने एक अच्छी खासी रिलीज़ ली हुई थी जहाँ पे इस फिल्म को मिक्स वर्ड ऑफ माउथ मिला ऑडियंस की तरफ से पॉजिटिव साइड ऑफ वर्ड ऑफ माउथ था वहीं पे जो क्रिटिक्स थे उसकी तरफ से एक मिक्स वर्ड ऑफ माउथ था तो ये मिक्स टू पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ के चलते आई एम डी पे इस फिल्म ने करीबन 1300 से 1400 वोट हासिल किए जिसमें सात पॉइंट तीन की रेटिंग हासिल हुई दस में से और इस रेटिंग के साथ फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे धीरे धीरे कलेक्शन करके दिखाया जहाँ पे साइरन फिल्म का जो ऑफ माउथ था वो मिक्स था जिसके चलते इस फिल्म ने पिकअप थोड़ा लेट लिया हुआ था वैसे पहले तीन दिन का कलेक्शन था वो डेफिनेटली जो विजयम रवि का स्टार्डम है उस हिसाब से थोड़ा कलेक्शन ज़्यादा आया हुआ था उसके बाद में डे बाई डे फिल्म के कलेक्शन में थोड़े बहुत चेंजेस देखने को मिले और पूरी तरह से इस फिल्म का करीबन बजट बताया गया था तीस करोड़ तो उस तीस करोड़ के बजट के सामने इस फिल्म ने उतना कुछ खास इंडिया में नेट कलेक्शन नहीं किया था लेकिन थिएट्रिकल ओ टी राइट्स सभी राइट्स बेचते करते इस फिल्म ने एक अच्छा खासा वर्ड ऑफ माउथ गेन किया और बॉक्स ऑफिस पे भी एक कलेक्शन था वो बेहतर तरीके से करके दिखाया तो उसी के रीज़न के चलते इस फिल्म ने ओवरऑल और और एक बिलो एवरेज तो नहीं बोल सकते एवरेज का का, का टेक मार्क बॉक्स ऑफिस पे हासिल किया कुछ का कहना है कि ये फिल्म सुपरहिट भी है अब बात करें इस फिल्म की का कहानी के ऊपर तो इस फिल्म में थिलागन करके एक ऑनेस्ट एम्बुलेंस ड्राइवर है जो कंचीपुरम में ड्राइव कर रहा है वहाँ पे रह रहा है तो उसको कुछ फोर्सली एक्यूज किया जाता है और उसी के रीजंस के चलते उसकी वाइफ के मर्डर के चलते उसको एक सेंटेंस सुनाया जाता देत का उसके बाद में जेनिफर और उसकी फ्रेंड का उसका फ्रेंड काथिर वो चौदह साल के बाद ता, पे, ता, पता चलता है वो कि चौदह साल के बाद पेरोल में चौदह दिन के लिए वो बाहर आया हुआ है जहाँ पे वो जेनिफर काथिर इर के जो मर्डरर है उससे बदला लेना चाहता है तो जैसे कि मैंने कहा कि उसको गलती से जेल में डाल दिया था तो उसके बाद में जब वो चौदह साल के बाद पेरोल के ऊपर बाहर निकला हुआ है तो उसका पूरा फोकस अपने रिवेंज के ऊपर है तो फिल्म की कहानी वहीं से इंटरेस्टिंग तरीके से दिखाई गई है कि एक पूरा फोकस वहाँ पे दिखाया तो स्क्रीन प्ले काफ़ी टाइट रखा हुआ है तो सभी चीज़ें वहाँ पे किस तरह से कैसे क्या दिखाई जाती है किसने जेनिफ़र को मारा हुआ था उसके बेटे को किसने क्या किया हुआ था वो सभी चीज़ें फिल्म की कहानी में दिखाई हुई है तो ये सभी चीज़ें देखने के लिए आपको फुल पूरी फिल्म देखनी पड़ेगी जहाँ पर डायरेक्टर ने डेफिनेटली एक अच्छा कॉन्सेप्ट चूज़ किया हुआ था इसमें थ्रिलिंग मोमेंट्स भी थे जिस तरह से इमोशनल एंगल डाला हुआ था एक्शन सीक्वेंस देखने को मिलते तो सभी चीज़ों का एक परफेक्ट कॉम्बो देखने को मिलता है डायरेक्टर ने डिसेंट मैनर में चीजों को हैंडल किया हुआ है हाँ कुछ चीजें इधर उधर हो गई है अगर उसको स्क्रीन प्ले में थोड़ा बेटर करते थे तो चीज़ें थोड़ी और बेहतरीन हो सकती थी लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो जयम रवि की ये फिल्म एज अ थ्रिलर के तौर के ऊपर देखा जाए तो एक डिसेंट है वैसे एक आइडिया काफी अच्छा था लेकिन थ्रिलिंग मोमेंट्स थोड़े और बेहतर तरीके से दिखाया जा सकता था और जो रेगुलर रिवेंट ड्रामा फिल्में जो ओल्ड फ्लैस सेक्वा वाले सिक्वेंस से, है तो उससे थोड़ी डिफरेंस आपको इस फिल्म में नज़र आएगा इसके अलावा इस फिल्म में आपको लॉजिकल एरर थोड़ी बहुत नजर आ सकती है उसको थोड़े साइड में रखने पड़ेंगे टेक्निकली फिल्म वेल मेड बनाई गई है सिनेमेटोग्राफी काफ़ी बढ़िया है एडिटिंग फिल्म की डिसेंट की गई है म्यूजिक डिपार्टमेंट में जो सॉन्ग है बैकग्राउंड स्कोर है वो फिल्म को सपोर्ट देते हुए नज़र आते हैं आर्ट डायरेक्शन सिनेमेटोग्राफी सभी चीज़ें काफ़ी बढ़िया थी एक्टर्स जैसे कि जया एम रवि कीर्ति सुरेश अनुपमा परमेश्वरन समुति रखानी योगी बाबू सभी का काम काफ़ी बढ़िया नज़र आता है जयाम रवि ने काफ़ी बढ़िया तरीके से अपने कंधे पर पूरी फिल्म को चलाया हुआ है और कीर्ति सुरेश का एक परफॉर्मेंस फिल्म को काफ़ी शानदार बना जाता है ट्विस्ट और 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 कुछ सस्पेंस फिल्म को बेहतर बनाने की कोशिश करता है और लेकिन देखने लायक फिल्म है इस फिल्म को आप डेफिनेटली देख सकते हो इस फिल्म के जो ओटीटी और सैटेलाइट राइट्स थे वो स्टार नेटवर्क वालों ने खरीदे हुए थे जहाँ पे स्टार नेटवर्क के द्वारा इस फिल्म के तेलुगु तमिल कन्नड़ा मलयालम और हिंदी सभी वर्जन के ओटीटी राइट्स खरीदे गए थे तमिल मेन वर्जन था बाकी तेलुगु कन्नडा मलयालम और हिंदी डब्ड वर्जन थे जहाँ पे स्टार विजय के पास इस फिल्म के तमिल वर्जन के राइट्स थे तमिल सेटेलाइट राइट्स थे इस फिल्म को ओ टी टी उन्नीस अप्रैल दो को प्रीमियर करवाया गया तो वहाँ पर भी एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला हुआ था तो फिलहाल में इस फिल्म को अगर आपको ऑफिशियली देखना है तो डिजनी प्लस और के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन तमिल मेन लैंग्वेज के साथ हिंदी तेलुगु कन्नडा मलयालम डब्ड वर्जन में आप इस फिल्म को इन्जॉय कर सकते हो जहाँ पे साइरन 108 नाम या साइरन नाम के साथ इस फिल्म को अवेलेबल किया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म का सैटेलाइट वर्जन आपको स्टार विजय टेलीविजन चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि सायरन फिल्म अभी आपको फिलहाल में ऑफिशियली देखने तो डिजनी प्लस हो स्टार के ऊपर साइरन वन जीरो नाम के साथ हिंदी, तमिल तेलुगू कन्नडा मलयालम इन सभी वर्ज़न में आप इन्जॉय कर सकते हो वहीं पे इस फिल्म का सैटेलाइट वर्जन स्टार विजय के ऊपर तमिल वर्जन में देखने को मिल जाएगा वो भी बिल्कुल फ्री में तो इस तरह से आप इस फिल्म को ऑफिशियली ओ टी टी और सैटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर हिंदी तमिल तेलगू कन्नडा मलयालम इन सभी वर्जन में इन्जॉय कर सकते हो तो बस गाय इस साइरन फिल्म के ऊपर जो भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे जो बातें थे वो मैंने शेयर कर दी है इस फिल्म को किस तरह से कैसे क्या ऑफिशियली देख सकते हैं उसकी जानकारी दी हुई है वहीं पर इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन फिल्मिंग के ऊपर भी एक डिटेलिंग दे दी है फिल्म से जुड़े हुए डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट है वो भी मैंने शेयर कर दिए है तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक था आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया हुआ है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा थैंक यू